लेक्चर को चालू करने से पहले मेरे खाली 1 मिनट बात सुन लो। अगर आपने 2 घंटे मेरे इस लेक्चर को दिए और मैं आपको याद नहीं करवा पा रहा हूँ ना, तो लानत है मेरे पे, क्योंकि मैं आपका प्रीशियस टाइम ले रहा हूँ। अभी आपका आखिरी महीना बाकी है, तो मैं आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम ले रहा हूँ ना, मैंने इस तरीके से लेक्चर बनाया है कि मैं आपको चार चार पांच पांच बार चीजों को बोल बोल के याद करवा रहा हूँ। यानी कि जब आप अगली बार ये चैप्टरों को पढ़ने बैठो ना, तो आपको ऐसा फील आएगा कि हमने सब कुछ पहले से कर रखा है, एकदम ही बढ़िया तरीके से मैंने रट्टा मरवाया है। क्योंकि आपको भी पता है ऑडिट में रट्टा के बिना मार्क्स मिलता नहीं है। पूरा ध्यान रखा है कि आपके चीजें एक एक दिमाग में जानी चाहिए। समझाया तो नहीं है, मतलब समझाया तो है ही नहीं है क्या? सुनो, समझाया तो है, उसके साथ साथ रट्टा भी जबरदस्त मरवाए, क्योंकि रट्टे के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसीलिए वीडियो को देखोगे ना, आपको लगेगा कि 2 घंटे का एक एक मिनट है ना वर्थ इन्वेस्टिंग है, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से बहुत जबरदस्त तरीके से ये लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, एंजॉय करो उसको। आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के अगर इस वीडियो को दे रहे हो ना, और मैं आपको रटवा नहीं पाया ना, तो लानत है मेरे ऊपर। मतलब मैं आपको ऐसे रटवा दूंगा कि जब आप अगली बार ये चैप्टर करने बैठोगे ना, तो आपको लगेगा मेरे को सब कुछ आता है, आपके दिमाग में सब कुछ घुसा के फिट करके जाऊंगा। आपको लगेगा ही नहीं कि 1 मिनट भी आपका वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये मेरा मोटिव रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है जो ऑडिट में मार्क्स है ना, रटवाए बिना नहीं आते। मैं आपको कितना भी समझा लूं, सब भाड़ में चला जाएगा अगर आपको रट्टाफिकेशन नहीं हो रहा है अगर आपसे। ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए मार्क्स। आईसीआई को कब देंगे वो लोग मार्क्स? जब आप उनके एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखोगे, और वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। इस तरीके से आपको रटवा दूंगा कि आपका सब कुछ भेजे में ताला मार के फिट हो जाएगा। आपको पता है ऑडिट में है ना, ज्यादातर बच्चे एसेस के कारण टेंशन में होते हैं, लेकिन एक बात बताओ, चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स वो वेरी इजी होते हैं एज कंपेयर्ड टू एसेस। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया ना सर, शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स आपको आ रहे हैं, क्योंकि तो चैप्टर्स में से ज्यादा घुमाया नहीं जाता है, जबकि एसेज में से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चैप्टर्स में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस पे स्पेशल फोकस करना है, और फन मेमोरी टेक्निक्स के साथ पूरा का पूरा मैं आपको करवाऊंगा। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, जितने भी, ग्रुप ऑडिट हो गया, पीएससी ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, इसमें आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज रेप्लीकेट करनी पड़ेगी, रट्टाबाजी वाली, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो वो जिम्मेदारी मेरी है, समझ रहे हो? वो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। अब आपको रटना नहीं है, मैं आपको थाली परोस के दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसके बदले में कुछ तो करना पड़ेगा ना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमिटमेंट कर दो कमेंट में दैट एस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट। ठीक है, मैंने बोला हाँ, ग्रुप ऑडिट है ना, ग्रुप ऑडिट। अब सुनो, मेरे साथ साथ आप रिपीट करोगे ना, तभी मतलब है ये देखने का, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ साथ आपको रिपीट करना है। ठीक है, मैंने बोला हाँ, बात समझो। ग्रुप ऑडिट, ग्रुप ऑडिट में पता है क्या होता है? पहले तो ये बात समझो, ग्रुप ऑडिट है ना, मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सीओए 2013 का क्या मतलब है? कंपनीज एक्ट 2013, ये प्यारे वाले नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगी, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, सीए शंकर लखमानी टेलीग्राम चैनल का नाम है। नोट्स पसंद आए हो तो लाइक करना। बात समझो, मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, समझ लिया? ग्रुप ऑडिट है ना, जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी के पास अगर कोई सब्सिडरी है, यानी कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, या कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है, या कंपनी का कोई ज्वाइंट वेंचर है। मैंने लिखा है पहले वाले पॉइंट में, कंपनी के पास कोई सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी के पास कोई एसोसिएट कंपनी है, कंपनी के पास कोई ज्वाइंट वेंचर है। मेरे साथ साथ रिपीट करो, कंपनी के पास कोई सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी के पास कोई एसोसिएट कंपनी है, कंपनी के पास कोई ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, तो कंपनी को अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना ही है, ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना ही है, उसके साथ साथ सीएफएस भी बनाना है। सीएफएस यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना है। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 जनों के सामने जाएगा। किन के सामने? बोर्ड के सामने, मेंबर्स के सामने। देखो ऐसे करो मेरे साथ साथ, बोर्ड के सामने, मेंबर्स के सामने, बोर्ड के सामने, मेंबर्स के सामने, बोर्ड के सामने, मेंबर्स के सामने, बल्ले बल्ले, बोर्ड के सामने, मेंबर्स के सामने, बोर्ड के सामने, मेंबर्स के सामने, अप्रूव किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और ले डाउन किया जाएगा बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि किसके सामने? मेंबर्स के सामने, समझ रहे हो? बोर्ड के सामने, मेंबर्स के सामने। अब कंपनी अटैच करेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। देखो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी का, मेरे हाथ को देखो, इसके साथ क्या करेगी कंपनी? अटैच करेगी, ऐसा स्टेपलर मार देगी। एक्चुअली में स्टेपलर नहीं मारती है, सब ऑनलाइन होता है, लेकिन मैं आपको याद करवाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। अटैच कर देगी, क्या पता है? फॉर्म नंबर AOC1, और फॉर्म नंबर AOC1 में पता है क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ सेलियंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी, यानी कि सब्सिडरी के फाइनेंशियल किस में होंगे? फॉर्म नंबर AOC1 में होंगे। सब्सिडरी के फाइनेंशियल किस में होंगे? फॉर्म नंबर AOC1 में होंगे। सब्सिडरी के फाइनेंशियल किस में होंगे? फॉर्म नंबर AOC1 में होंगे। रट्टा मरवाना है आपको, मेरे साथ साथ रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सिडरी के फाइनेंशियल किस में होंगे? फॉर्म नंबर AOC1 में होंगे। अब सीएफएस किसके हिसाब से बनेगा? देखो देखो देखो, वापस से बल्ले बल्ले, एएस के हिसाब से कंपनी एक्ट, एएस के हिसाब से कंपनी एक्ट के हिसाब से, एएस के हिसाब से कंपनी एक्ट के हिसाब से, एएस के हिसाब से कंपनी एक्ट के हिसाब से, कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 के हिसाब से क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, समझ रहे हो? सीएफएस किसके हिसाब से बनेंगे? एएस के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एएस के हिसाब से, और कंपनीज एक्ट के किसके हिसाब से? शेड्यूल 3 के हिसाब से। अब बात समझो, अगर तो कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस एज पर एएस, यानी एएस बोल रहे ठीक है नहीं बनाओगे चलेगा,
तो भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा ना, सफिशियंट है अगर वो सीएफएस के प्रोविजन शेड्यूल थ्री वाले फॉलो कर लेगा। यानी अपने दो बल्ले बल्ले करे थे एएस के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से। अब एएस यहाँ पे चला गया, एएस बोल रहा है चलेगा मत बनाओ, तो भी कंपनीज एक्ट तो उधर ही खड़ा हुआ है। वो क्या बोल रहा है, सफिशियंट है अगर आप शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना लोगे। समझ गए मेरी बात को, मैंने बोला हाँ। अगली बात, नो सीएफएस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, सीएफएस बनाने की कब जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला पता है, अगर तो है ना वो एक होली ओन सब्सिडरी या पार्शली ओन सब्सिडरी है अनादर कंपनी की। होली ओन सब्सिडरी एक ऐसी सब्सिडरी जिसमें 100% शेयर ले रखा है, पार्शली ओन सब्सिडरी यानी कि जिसमें पूरा 100% शेयर नहीं ले रखा। तो अगर तो मैं होली ओन सब्सिडरी हूँ, पार्शली ओन सब्सिडरी हूँ किसी अनादर कंपनी की, और जितने भी मेंबर्स है ना, चाहे वो वोटिंग वाले मेंबर्स हो चाहे वो बिना वोटिंग वाले मेंबर्स हो, उनको रिटर्न इंटीमेशन दे दिया गया है, और वो रिटर्न इंटीमेशन का प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी अवेलेबल है, और वो जो मेंबर्स है ना उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भैया सीएफएस नहीं बन रहा है, इसका उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। समझ रहे हो पहला क्या केस है, मैंने बोला हाँ। मैं कौन हूँ, होली ओन सब्सिडरी, पार्शियली ओन सब्सिडरी, वापस से बल्ले बल्ले, होली ओन सब्सिडरी, पार्शियली ओन सब्सिडरी अनादर कंपनी की, जितने भी मेंबर्स थे उनको रिटर्न इंटीमेशन दे दिया गया था, प्लस प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ रिटर्न इंटीमेशन अवेलेबल था, और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस मामले पे कि सीएफएस नहीं बन रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कंपनी की सिक्योरिटीज है ना लिस्टेड अभी नहीं है, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, यानी कि अभी लिस्टिंग हुई भी नहीं है उसकी, और आगे चल के लिस्टिंग होने भी नहीं वाली है। अभी लिस्टिंग हुई भी नहीं है, आगे चल के लिस्टिंग होने भी नहीं वाली है ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, भारत के या भारत के बाहर के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अभी उसकी लिस्टिंग ना तो हुई है ना तो होने वाली है। समझ रहे हो, या तो फिर मैं है ना, मैं क्या लिखा हुआ देखो, थर्ड पॉइंट, अल्टीमेट या तो फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल से सीएफएस विद आरओसी। मैं तो कौन हूं, मैं सब्सिडियरी हूं मेरी किसी ऊपर की होल्डिंग कंपनी ने, अब चाहे वो ऊपर की सबसे ऊपर वाली अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी हो या उसके नीचे वाली इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी हो, उसने सीएफएस फाइल कर दी तो मेरे को सीएफएस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्टीमेट पता है कौन सी होती है, अगर ए बी सी, तो सी की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी होगी ए और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी होगी बी। समझ रहे हो, अगर उन लोगों ने फाइल कर दिया है ना सीएफएस तो मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ साथ याद करो, होली ओन सब्सिडरी, पार्शियली ओन सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी, पार्शियली ओन सब्सिडरी, मैं हूं अनादर कंपनी की और सारे मेंबर को ऑब्जेक्शन नहीं है, कंपनी लिस्टेड नहीं है, आगे भी लिस्टिंग नहीं होने वाली है, और अल्टीमेट इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने सीएफएस फाइल कर दी है, ठीक है। होली ओन सब्सिडरी, पार्शियली ओन सब्सिडरी, कंपनी लिस्टेड नहीं है, आगे भी लिस्टिंग नहीं होने वाली है, अल्टीमेट इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने सीएफएस फाइल कर दिया। मैंने बोला ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या लिखा हुआ है पता है, नो सीएफएस इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर ऑल सब्सिडरीज एट एफपीटीपीएल इंडिया 110। एफपीटीपीएल का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, यानी कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस अगर वो लोग अपना रहे हैं ना, आपने एफआर में पढ़ा होगा, तो सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट एंटिटी को। इन्वेस्टमेंट एंटिटी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है अगर वो लोग अपने सब्सिडरीज को किस मेजरमेंट पे वो लोग कर रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से वो लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, पता है। मैंने बोला हाँ, एफ आर में आप इंडेक्स 110 में पढ़ते हो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस के जरिए अगर आप अपनी सब्सिडरीज को मेजर कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन है ना इन्वेस्टमेंट एंटिटी की, देखो सर तीन पॉइंट है डेफिनेशन में। पहला क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या कर रही है पता है, अपने इन्वेस्टर से फंड्स ले रही है और सामने उनको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रही है। दो बार रीड डेफिनेशन है, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे चलेगा, ये था पहला, ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। दूसरा, वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी कमिट कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को, क्या बोल रही है, अपने इन्वेस्टर्स को वादा कर रही है कि बिजनेस पर्पस क्या है पता है इस इन्वेस्टमेंट एंटिटी का, क्या वादा कर रही है कि मेरा बिजनेस पर्पस ये है कि मैं फंड्स को इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन के रिटर्न आए, ताकि मेरे को इन्वेस्टमेंट इनकम आए, या तो फिर दोनों आए। कैपिटल एप्रिसिएशन के, ये पता है क्या होता है कैपिटल एप्रिसिएशन के रिटर्न, ये होता है प्रिंसिपल, और इन्वेस्टमेंट इनकम यानी कि इंटरेस्ट है, या तो फिर दोनों है। इन शॉर्ट है ना, वो आपको क्या कर रही है, आपके बिहाफ पे आपका पैसा लगा रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी आपसे लेके आपका पैसा लगा रही है, लिखा हुआ है ना पहले वाले पॉइंट में, फंड्स ले रही है आपसे और आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सर्विस दे रही है, यानी कि आपका पैसा लगा रही है। वो पैसे से या तो रिटर्न आएंगे कैपिटल एप्रिसिएशन से यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट, या इन्वेस्टमेंट इनकम यानी कि इंटरेस्ट इनकम, या तो फिर दोनों। और तीसरा, वो मेजर कर रही है परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंशियली ऑल द इन्वेस्टमेंट्स ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, ठीक है। दो बार पढ़ने जैसा है, इतने इस पर ज्यादा फोकस मत करना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो सीएफएस नहीं बनेगी, लेकिन जो पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी होगी ना, वो कंसोलिडेट करेगी अपने सारे एंटिटीज को, यानी जिसको भी वो कंट्रोल कर रही है ना सबको, यानी वो तो सीएफएस बनाएगी अनलेस पेरेंट इटसेल्फ इज इन्वेस्टमेंट एंटिटी। हाँ, पेरेंट भी अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसको भी हम एग्जम्पशन दे देंगे, समझ रहे हो। इन्वेस्टमेंट एंटिटी सीएफएस नहीं बनाएगी, लेकिन उसकी पेरेंट बनाएगी। हाँ, लेकिन अगर पेरेंट भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो उसको भी छोड़ देंगे, यानी इन्वेस्टमेंट एंटिटी जहां जहां आया ना, तो मैं बोलूंगा ठीक है तुमको मैंने क्या दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया, समझ रहे हो। मैंने बोला हाँ, इन्वेस्टमेंट एंटिटी सीएफएस नहीं बनाएगी, उसकी पेरेंट जो है ना वो बनाएगी, लेकिन अगर वो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो वो भी नहीं बनाएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी जहां जहां आया ना, वहां से मैंने सीएफएस की रिक्वायरमेंट को उड़ा दिया, खचा, ठीक है। अगली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो क्या लिखा मैंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपीसीएफएस इज ऑफ पेरेंट। सर पीपीसीएफएस से तो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, प्रिपेरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
वो तो जाहिर सी बात है ना, पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो सबसे मेन वाली कंपनी होगी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सबसे मेन वाली कंपनी जो पेरेंट कंपनी है ना, सब्सिडियरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट कंपनी की जिम्मेदारी है प्रिपेरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब देखो इसका मेमोरी टेक्निक, कंपोनेंट की रिपोर्ट कर दूंगा इधर इधर इधर, ये रहा, कंपोनेंट की रिपोर्ट कर दूंगा कि ये लोग पार्टी कर रहे हैं इनएक्यूरेट इनअप्रोप्रिएट तरीके से, इनको बोलो हारमनी रखे गैप में जाके, समझ रहे हो, कंपोनेंट की रिपोर्ट कर दूंगा मैं, पुलिस रिपोर्ट कर दूंगा कंपोनेंट की, क्या बोलूंगा पता है, कि ये लोग पार्टी कर रहे हैं इनएक्यूरेट इनअप्रोप्रिएट तरीके से, इनको बोलो हारमनी रखे गैप में जाके। वो बोलते हैं ना आंटी पुलिस बुला लेगी, तो आंटी को क्या बोल रहा हूँ, आंटी क्या बोल रही है, कंपोनेंट की रिपोर्ट कर दूंगा, कंपोनेंट है वो पार्टी कर रहा था, तो आंटी ने क्या बोला कि कंपोनेंट की रिपोर्ट कर दूंगी कि ये लोग पार्टी कर रहे हैं इनएक्यूरेट इनअप्रोप्रिएट तरीके से, इनको बोलो चुप रहे, यानी कि इनको बोलो हारमनी रखे गैप में जाके। ठीक है, मैंने बोला बात समझो, सात तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पेरेंट की। देखो मैंने किया है कंपोनेंट, ठीक है, पहला वाला कंपोनेंट की रिपोर्ट कर दूंगा, तो ये रिपोर्ट, फिर मैंने क्या बोला है पार्टी, तो आरपी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड पार्टी, ये लोग पार्टी कर रहे हैं इन एक्यूरेट इन अप्रोप्रिएट तरीके से, इनको बोलो हारमनी रखे गैप में जाके, समझ रहे हो, मैंने बोला हाँ। देखो ऐसे याद रखना है, पहला पॉइंट है कंपोनेंट, आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स एंड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन सीएफएस, यानी सबसे पहले मुझे क्या करना है पता है, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि मेरी सब्सिडियरी को, मेरी एसोसिएट कंपनी को, मेरे जॉइंट वेंचर को, मेरे को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा मेरे को आइडेंटिफाई करना है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को, सेगमेंट्स यानी कि जो मेरे होता है ना, मेरे ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स हो गए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वो मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को मेरे को करना है, मेरे को आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस फॉर रिपोर्टिंग, आरपी और आरपीटी दो शब्द लिखे, आरपी का मतलब रिलेटेड पार्टी, आरपीटी का मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मेरे को ऑप्टेन करनी है एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट्स। ठीक है, मेरे को कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे को उनसे करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे को कोई भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। उसके बाद मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, सर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के बारे में विस्तृत चर्चा भी आने वाली है। हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, सर हार्मोनाइजेशन का मतलब पता है क्या है, मेरा अगर कंपोनेंट है ना कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है और मैं कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा हूँ, मैं पेरेंट हूँ, तो हम दोनों को क्या सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है, और गैप कन्वर्जन वेयर एप्लीकेबल, गैप कन्वर्जन यानी कि अगर मेरी कोई सब्सिडियरी यूएसए में बैठी है ना, तो उन लोगों ने अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए होंगे, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग फॉलो किए होंगे, तो हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। कंपोनेंट की रिपोर्ट कर दूंगा कि ये लोग पार्टी कर रहे हैं इनएक्यूरेट इनअप्रोप्रिएट तरीके से, इनको बोलो हारमनी रखेंगे जाके गैप में। ठीक है, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, मेरे साथ साथ रिपीट करना, आइडेंटिफाई, मैं आपको कीवर्ड्स याद करवा रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स क्या लिखो, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स एंड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स पहला क्या, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, ऑब्टेनिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसो एडजस्टमेंट्स, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप कन्वर्जन। मेरे साथ साथ रिपीट करो, दो दो बार बोलना सबको, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, ठीक है, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टीज, आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टीज, आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टीज, ऑप्टेनिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट, मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसो एडजस्टमेंट्स, ऑप्टेनिंग एक्यूरेट कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसो एडजस्टमेंट्स, ऑप्टेनिंग एक्यूरेट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑप्टेनिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसो एडजस्टमेंट्स, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप कन्वर्जन। सर हार्मोनाइजेशन और गैप कन्वर्जन को आप साथ साथ लेके चल सकते हो, क्योंकि मतलब मोर और लेस सेम हुआ, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यानी कि मेरी कोई सब्सिडियरी है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर अलग है तो हम दोनों हार्मोनाइज कर रहे हैं, और गैप कन्वर्जन यानी कि मेरे को यूएसए में सब्सिडियरी बैठी है तो उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्मनी कर रहे हैं, हम लोग गैप कन्वर्जन कर रहे हैं, तो मैंने बोला उसका मतलब मोटा मोटी आप सेम सेम लेके चल सकते हो, तो इसको भी आप ऐसे जोड़े में याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला कंपोनेंट की क्या कर दूंगा मैं, रिपोर्ट कर दूंगा, तो पहला कंपोनेंट यानी कि आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट, रिपोर्ट कर दूंगा यानी कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, रिलेटेड पार्टी यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये लोग पार्टी करते हैं, तो आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी, इन एक्यूरेट इन अप्रोप्रिएट तरीके से करें तो ऑप्टेनिंग एक्यूरेट कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसो एडजस्टमेंट्स, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और गैप कन्वर्जन, मैंने बोला हाँ। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो अभी अभी आप पढ़ के आए हो, लेकिन अब मैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ा रहा हूँ पता है, सीएफएस के ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ऑडिटर्स के ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो, अभी तक जो पढ़ा ना वो मैनेजमेंट के काम थे, पेरेंट के काम थे, लेकिन अब काम किसके आ रहे हैं, ऑडिटर के काम आ रहे हैं, तो बात समझो, मेमोरी टेक्निक, एफआरएफ एफआरएफ कौवा कौवा टीएनएफ, एफआरएफ एफआरएफ कौवा कौवा टीएनएफ, अरे सर कहना क्या चाहते हो, देखो दो पॉइंट है एफआरएफ के, पहला और आखिरी, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने आपको सेटिस्फाई करेगा जो सीएफएस है ना एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, और आखिरी वाला पॉइंट पता है क्या है, टू वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस एज पर एफआरएफ, यानी कि चेक करे कि जो सीएफएस है वो एफआरएफ के सबसे, मेरे को पहले और पांचवें पॉइंट में जरा भी डिफरेंस समझ में नहीं आता है, आईसीआई ने दो पॉइंट बनाए तो अपन दो पॉइंट याद करेंगे। ठीक है,
क्या है ना, मोर और लेस ऊपर नीचे वाले का मतलब सेम, कि सी एफ एस ए एफ आर एफ के हिसाब से बनना चाहिए। दूसरा पॉइंट पता है क्या है, टू एनेबल हिमसेल्फ टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ सी एफ एस, ये देखना है कि जो सी एफ एस की फाइनेंशियल है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही है। फिर तीसरा और चौथा पॉइंट क्या है ना, टू इंक्वायर इनटू मैटर्स, कौन से मैटर्स, तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स क्लॉज नंबर ए से लेकर के क्लॉज नंबर आई ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये मेरे तीसरा और चौथा वाला पॉइंट, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, याद कैसे करना है, पहला और आखिरी पॉइंट है सेम है, खाली स्टार्टिंग के शब्दों का फेर है, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ और टू वैलिडेट रिक्वायरमेंट। तो पहले वाले पॉइंट में क्या है, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, आखिरी वाले पॉइंट में क्या है, टू वैलिडेट द रिक्वायरमेंट। बाकी मतलब तो सेम ही निकल रहा है, मेरी सीएफएस किसके हिसाब से बननी चाहिए, एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। उसके बाद वाला पॉइंट पता है क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू मेरे को देना चाहिए, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू मेरे को मिलना चाहिए। और उसके बाद वाले पता है पॉइंट क्या है, कौवा 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 कौवा, यानी कि कंपनीज एक 2013 के हिसाब से मेरे को रिपोर्टिंग करनी है, कंपनीज एक 2013 के हिसाब से मेरे को इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी मेरे को करने कौन से मैटर्स, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, और रिपोर्ट मेरे को करने कौन से मैटर्स, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। मैंने बोला हाँ, बात समझो बड़े ध्यान से, ऑडिटर्स कंसिडरेशन फॉर मटीरियलिटी, ठीक है। अब इसको समझना और मेरे साथ साथ क्या करना, याद करना, SH-600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, क्या बोल रहा हूँ पता है, ऑडिट ऑफ SFS, SFS यानी कौन सी होती है पता है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, मिक्स करके नहीं है, जो एक एक जने की बन रही है ना, वो रही है SFS। उसमें मटीरियलिटी कंप्यूटेशन पता है कैसे होने वाला है, कंपोनेंट वाइज होगा स्टैंड अलोन बेसिस पे, ठीक है सर, ये आपको आएगा कहीं भी MCQ में, क्या बोल रहा हूँ मैं, कंपोनेंट वाइज स्टैंड अलोन बेसिस पे। ऑडिट ऑफ SFS में कैसे होगा मेटालिटी कंपटीशन, कंपोनेंट वाइज स्टैंड अलोन बेसिस पे, कंपोनेंट वाइज स्टैंड अलोन बेसिस पे, कंपोनेंट वाइज स्टैंड अलोन बेसिस पे। जाहिर सी बात है स्टैंड अलोन बेसिस पे होगा ना, क्योंकि ऑडिट किसका हो रहा है, वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो रहा है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए तो स्टैंड अलोन बेसिस पे होगा ना। लेकिन जब मैं CFS की ऑडिट की बात करता हूँ ना, तो आपको चार चीजें कंसिडर करनी है मटीरियलिटी को ध्यान में रखने के लिए, 1 2 3 4 चार चीजें। पहला पता है क्या, मेरे साथ साथ पढ़ो, ग्रुप रिलायंस का इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, रिलायंस का टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल यूनिट, और कंफर्मेशन, ग्रुप रिलायंस का इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, रिलायंस का टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल यूनिट और कंफर्मेशन। अरे सर कहना क्या चाहते हो, पहला ऑडिट कंप्यूट, देखो ऑडिटर क्या लिखा है, ऑडिटर कंप्यूट करेगा मटीरियलिटी फॉर ग्रुप एज अ होल, वो तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने ऊपर क्या पढ़ा, SFS का होगा स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो स्टैंडर्ड ऑन बेसिस पे कंप्यूट करूंगा। लेकिन अगर ग्रुप का होगा तो ग्रुप लेवल पे कंप्यूट करूंगा ना, टू असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट। सर ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होते हैं, उस पर भी आने वाली है डीप में चर्चा। लेकिन ऑडिटर कंप्यूट करेगा मटेरियलिटी फॉर ग्रुप एज अ होल टू असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट। तो पहला क्या है ना, ग्रुप, पहला पॉइंट क्या है, ग्रुप। अगला, पेरेंट ऑडिटर कैन ऑल्सो यूज मटीरियलिटी ऑफ ग्रुप लेवल टू डिटरमाइन वेदर कंपोनेंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना आर मटीरियल टू ग्रुप, टू डिटरमाइन वेदर टू स्कोप एडिशनल कंपोनेंट्स एंड कंसीडर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स। इतना सारा याद नहीं रखना है ना, तो एक बात याद रख लो, मेरे को देखना है कि जो मेरा ग्रुप है ना उसमें जो कोई कंपोनेंट है ना वो मटीरियल है कि नहीं है। मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस की बहुत सारी यूनिट्स होती है, टेक्सटाइल यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होती है, पेट्रोलियम यूनिट होती है, तो मेरे को क्या देखना है, जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है ना वो मटेरियल है कि नहीं है, वो जरूरी है कि नहीं है। पेरेंट ऑडिटर क्या बोल रहा है कि मैं मटेरियलिटी जो कि मैंने ग्रुप लेवल पे निकाली थी ना, पॉइंट नंबर 1 में यही तो बात है कि मटेरियलिटी मैंने किस लेवल पे निकाली थी, मैंने बोला था ग्रुप लेवल पे निकाली थी, तो ये जो मटेरियलिटी ग्रुप लेवल पे निकाली थी ना उसको चेक करना है कि कोई कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल है या नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। मैंने बोला हाँ, जैसे कि रिलायंस वाला क्या देखेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट उसका क्या है, कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल है कि नहीं है, कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल है कि नहीं है, कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल है कि नहीं है। तो पहले दो पॉइंट तो बहुत क्लियर है, पहले मैं निकालूंगा ग्रुप लेवल पे और रिलायंस देखेगा कि उसके कंपोनेंट के, मान लो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल है कि नहीं है। तीसरे वाले पॉइंट में पता है क्या करेगा, जो मेरा प्रिंसिपल ऑडिटर होगा ना, यानी कि जो रिलायंस का मेन ऑडिटर, कंप्यूट करेगा मटेरियलिटी हर एक कंपोनेंट की, हर एक कंपोनेंट की, मान लो टेलीकॉम की, इलेक्ट्रॉनिक की, टेक्सटाइल की, पेट्रोलियम यूनिट की, और कम्युनिकेट कर देगा अपने कंपोनेंट ऑडिटर को इफ ही बिलीव्स कि ये रिक्वायर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन सीएफएस के लिए, यानी कि है ना वो मटेरियलिटी सबकी निकाल निकाल के सारे को क्या करने जाएगा, पता है, कान में बोलने जाएगा। रिलायंस वाला निकाल के क्या करेगा, टेलीकॉम वाले को कान में बोलने जाएगा, पेट्रोलियम वाले को कान में बोलने जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाले को कान में बोलने जाएगा, टेक्सटाइल वाले को कान में बोलने जाएगा, उन सबकी मटेरियलिटी अगर उसको लगता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए ये काम जरूरी है तो लिखा हुआ है, कम्युनिकेट कर देगा कंपोनेंट ऑडिटर को अगर तो उसको लग रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए जरूरी है ऑन सीएफएस। और चौथा पता है क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर है ना, कंफर्मेशन ऑब्टेन करेगा अपने कंपोनेंट ऑडिटर से कि क्या मेरा कंपोनेंट ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, क्या मेरे कंपोनेंट ऑडिटर ने कोड ऑफ एथिक्स फॉलो किए हैं कि नहीं फॉलो किए, यानी कि सारे के सारे का क्या लेगा, कंफर्मेशन लेगा। और ये सब ऑब्जर्वेशन निकालते वक्त उसको कभी भी मॉडिफाइड करना हो पैराग्राफ को, यानी कि मॉडिफिकेशन देना हो, ईओएम पैरा उसको करना हो ना,
एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, तो उसको एस से 600 कंसिडर करना है। लिखा हुआ वाइल कंसिडरिंग ऑब्जर्वेशन यानी कि मॉडिफिकेशन यू एम पेर ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट ऑन एसएफएस कंसिडर आपको करना है एस से 600। ये चार पॉइंट है ना आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ज्यादा काम के। क्या है ये चार पॉइंट पहले वो समझो, ऑडिटर कंप्यूट करेगा मटेरियलिटी किस लेवल पे, स्टैंडर्ड लोन लेवल पे या ग्रुप के लेवल पे, मैंने बोला ग्रुप के लेवल पे। उसके बाद रिलायंस देखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक यूनिट की या पेट्रोलियम यूनिट की या किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट की जो कंपोनेंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो मटेरियल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ना वो कंप्यूट करेगा हर एक यूनिट की मटेरियलिटी और सबको जाके कान में बोलेगा, सबको जाके कम्युनिकेट करेगा अगर उसको लग रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए जरूरी है। रिलायंस वाला टेलीकॉम के कान में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक के कान में जाएगा, टेक्सटाइल वाले के कान में बोलेगा, पेट्रोलियम वाले के कान में बोलेगा। और चौथा सबसे कंफर्मेशन देगा कि इंडिपेंडेंस कोड ऑफ एथिक्स वगैरह वगैरह फॉलो हुआ है कि नहीं फॉलो हुआ है। मैंने बोला ठीक है सर बहुत ईजी था ये तो, ठीक है। ग्रुप लेवल पे रिलायंस देखेगा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल है कि नहीं है। उसके बाद पहला पॉइंट ग्रुप लेवल पे रिलायंस देखेगा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का मटेरियल है कि नहीं, फिर रिलायंस सबके कान में जाकर फुसकी करेगा टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल, और चौथा कंफर्मेशन देगा। अगला प्लान बिफोर सीएफएस ऑडिट या ऑडिटिंग कंसोलिडेशन, ये है क्वेश्चन का नाम। पांच पॉइंट आते हैं इसमें, पता है क्या कैसे याद रखोगे, स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेकर मटेरियल यूज करो वर्क के लिए, स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेकर मटेरियल यूज करो वर्क के लिए, स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेकर मटेरियल यूज करो वर्क के लिए, स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेकर मटेरियल यूज करो वर्क के लिए, स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेकर मटेरियल यूज करो वर्क के लिए, स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेकर मटेरियल यूज करो वर्क के लिए। देखो पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग आईटी सिस्टम जनरल एंड एप्लीकेशन आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स। मेरे को क्या अंडरस्टैंड करना है, ग्रुप का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने बोला ग्रुप यानी कि जो भी ग्रुप है ना हमारा, पहले होती है पेरेंट कंपनी, नीचे सब्सिडियरी एसोसिएट वगैरह, तो पूरा का पूरा ग्रुप का स्ट्रक्चर मेरे को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करनी अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ पेरेंट कंपोनेंट कंसोलिडेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन कंपोनेंट। ये ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब पता है क्या है, गैप कन्वर्जन, जो कि अभी अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कि यूएस की मेरी कोई सब्सिडियरी होती, ठीक है। उसके बाद तीसरा पता है क्या है, डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन रोमम, रोमम यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके बाद आता है डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क, अदर ऑडिटर वर्क यानी कि मेरा कंपोनेंट के ऑडिटर का काम मेरे को यूज करना है, और कोऑर्डिनेटिंग वर्क टू बी परफॉर्म यानी कि जो पेरेंट ऑडिटर है और जो कंपोनेंट ऑडिटर है उन दोनों के काम में क्या बैठना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए। पहले पॉइंट में स्ट्रक्चर अंडरलाइन किया, दूसरे पॉइंट में मैंने अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइन किया, तीसरे पॉइंट में मैंने क्या अंडरलाइन किया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो तीसरा एम किसके लिए आता है, मटेरियल के लिए आता है वो, और यूज और वर्क, स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेकर मटेरियल यूज करो वर्क के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग में करना है ग्रुप स्ट्रक्चर, मेरे साथ साथ रिपीट करो तीन तीन बार, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप स्ट्रक्चर। अगला अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मेरे को एनटीई ऑफ एपी लगाना है, ठीक है। मेरे को क्या डिसाइड करना है, एनटीई ऑफ एपी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मेरे को डिटरमाइन करना है कि कितना काम मेरे को यूज करना है अदर ऑडिटर का, और दोनों के काम को क्या करना है, मेरे को कोऑर्डिनेट करना है। मैंने बोला ठीक है, अब बात समझो, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे। तो पता है क्या लिखा हुआ है, सुन लो पहले मेरी मेमोरी टेक्निक सुन लो। वर्किंग पेरेंट्स ने चार चीजें मंगाई है, जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट रिकॉर्ड्स। वर्किंग पेरेंट्स ने ना क्या मंगाया पता है, जीरा मंगाया, जीरा, जीरा यानी जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स और अरेंजमेंट। मेरे वर्किंग पेरेंट्स ने मेरे से जीरा मंगाया, मेरे वर्किंग पेरेंट्स ने मेरे से जीरा मंगाया है, किराने की दुकान पर भेजो, मेरे से क्या मंगाया है, जीरा मंगाया है। Joint venture investment records or arrangement, joint venture investment records or arrangement, joint venture investment records arrangement, joint venture investment records arrangement। समझ रहे हो मैंने बोला, पहला review of working papers of prior years for known components, मेरे को पिछले साल के क्या देखने हैं, working papers देखने, ठीक है। तो working papers का मैंने W उठा लिया यानी कि working उठा लिया, मेरे को पिछले साल के वर्किंग पेपर देखने यानी कि पिछले साल का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखने। रिव्यू करना है मेरे को पेरेंट्स का प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, मेरे को प्रोसीजर्स चेक करने, मेरे को प्रोसीजर्स रिव्यू करने जो भी पेरेंट्स लगा रहे हैं। उसके बाद रिव्यू करने मेरे को जॉइंट वेंचर्स एंड जॉइंट अरेंजमेंट। रिव्यू मेरे को करना है इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट एंड कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन शेयर होल्डिंग इन अदर एंटिटीज, यानी कि मेरे को देखना है मैंने कितना शेयर होल्ड कर रखा है दूसरी एंटिटीज में, मेरे सब्सिडरीज वगैरह में। रिव्यू करना है मेरे को अदर अरेंजमेंट्स एंटर्ड बाय पेरेंट्स जो कि इंक्लूडेड नहीं है सीएफएस में, नॉट इंक्लूडेड इन सीएफएस, ठीक है। और रिव्यू करना है मेरे को स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स ऑफ पेरेंट, मान लो रजिस्टर्स मेंटेन अंडर कंपनी एक्ट 2003, सीओए का मतलब क्या है, कंपनी एक्ट। बात समझो, वर्किंग पेरेंट्स ने जीरा मंगाया, तो पहला क्या है ना, रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स, रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स, पीछे पीछे रिपीट करो, रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स, रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स, रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स। पेरेंट्स ने मंगाया ना, रिव्यू करो पेरेंट्स के प्रोसीजर्स, रिव्यू करो पेरेंट्स के प्रोसीजर्स, रिव्यू करो पेरेंट्स के प्रोसीजर्स, रिव्यू करो पेरेंट्स के प्रोसीजर्स। रिव्यू करो जॉइंट वेंचर जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट वेंचर जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट वेंचर जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट वेंचर जॉइंट अरेंजमेंट। रिव्यू करो इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट, रिव्यू करो इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट एंड कंपोनेंट, रिव्यू करो इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट एंड कंपोनेंट किसके लिए, शेयर होल्डिंग के लिए। रिव्यू करो इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट एंड कंपोनेंट, जे आई हो गया, आर है, जीरा। रिव्यू करो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स ऑफ पेरेंट, रिव्यू करो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स ऑफ पेरेंट, रिव्यू करो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स ऑफ पेरेंट, रिव्यू करो अदर अरेंजमेंट्स, अदर अरेंजमेंट्स, अदर अरेंजमेंट्स, अदर अरेंजमेंट्स। मैंने बोला ठीक है, वर्किंग पेरेंट्स ने जीरा मंगाया।
कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, पीसीए और सीपीसीए। पीसीए का मतलब होता है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, और सीपीसीए का मतलब होता है करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। जब पीसीए को जानो सबसे पहले, तो जो पीसीए है ना वो फर्स्ट ओकेशन पे ही बनाए जाते हैं, मेड ओनली ऑन फर्स्ट ओकेशन। या तो फिर सब्सिक्वेंट ओकेशन में पता है कब होता है, जब शेयर होल्डिंग में चेंज आए। ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज। सब्सिक्वेंट ओकेशन इन विच चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी कंसोलिडेटेड, यानी कि जिस एंटिटी को मैंने कंसोलिडेट किया था, मान लो मेरी सब्सिडरी है, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज आ गया, यानी कि पहले मैं उसमें 50% होल्ड कर रहा था, अब मैं उसमें 40% होल्ड करने लग गया। समझ रहे हो, पहले मैं उसमें 50% होल्ड करता था, अब मैं उसमें 70% होल्ड करने लग गया। तो या तो फर्स्ट ओकेशन पे जो आता है, या तो सब्सिक्वेंट ओकेशन पे जब चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी कंसोलिडेटेड, यानी फर्स्ट ओकेशन पे तो आता ही है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, या सब्सिक्वेंट ओकेशन पे तब आता है जब चेंज इन शेयर होल्डिंग हुआ हो, चेंज इन शेयर होल्डिंग हुआ हो। अब इसके ना दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। इधर देखो बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस शीट में आता है गुडविल कैपिटल रिजर्व इक्विटी। बैलेंस शीट में आता है गुडविल कैपिटल रिजर्व इक्विटी, बैलेंस शीट में आता है गुडविल कैपिटल रिजर्व इक्विटी। ठीक है, डिटर्मिनेशन कब होगा, जब इसका गुडविल या कैपिटल रिजर्व का होगा ना इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तब यूज होंगे परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। या डिटर्मिनेशन होगा ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। माइनॉरिटी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की जब मेरे को इक्विटी पता करनी है ना, तब इसका यूज होगा, किसका, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का। यानी कि परमानेंट कंसोलिडेशन का एडजस्टमेंट यूज होता है बैलेंस शीट में। क्या आता है, तीन चीजें वो आपको याद रखनी है, गुडविल कैपिटल रिजर्व इक्विटी, गुडविल कैपिटल रिजर्व इक्विटी, गुडविल कैपिटल रिजर्व इक्विटी, गुडविल कैपिटल रिजर्व इक्विटी, गुडविल कैपिटल रिजर्व इक्विटी। गुडविल और कैपिटल रिजर्व तो आपको पहले पॉइंट में मिलेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और तीसरा क्या है ना, इक्विटी, किसकी इक्विटी, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरी सब्सिडी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है आसान भाषा में मेरी सब्सिडी। अब ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि जो अबव कैलकुलेशन है ना एप्रोप्रिएटली मेड। सर अबव कैलकुलेशन कहाँ का कैलकुलेशन, गुडविल कैपिटल रिजर्व इक्विटी, गुडविल कैपिटल रिजर्व इक्विटी का कैलकुलेशन। ऑडिटर को अटेंशन देना है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ कंपोनेंट्स और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में मैंने इन्वेस्ट किया उस दिन की डेट और प्री एक्विजिशन रिजर्व, यानी कि कंपोनेंट को एक्वायर करने से पहले मेरे जितने भी रिजर्व थे ना उसके बारे में। ऑडिटर को पता है क्या देखना है, कि जो प्री एक्विजिशन रिजर्व है ना उसका एलोकेशन बराबर हुआ है, एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली बिटवीन पेरेंट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। पेरेंट के बीच में और सब्सिडरी के बीच में एलोकेशन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है प्री एक्विजिशन रिजर्व का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है सब्सिडरी। ऑडिटर को क्या देखना है, पता है चेंजेस इन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन कंपोनेंट्स, डिस्पोजल ऑफ कंपोनेंट्स इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। आगे आने वाले सालों में जब एक्विजिशन होगा शेयर्स का, डिस्पोजल होगा ना सर, यानी कि जब मैं लूंगा कंपोनेंट को या जब मैं बेचूंगा कंपोनेंट को, तो वो वाले सारे चेंजेस भी ऑडिटर को चेक करने हैं। ये तीन चीजें चेक करनी ऑडिटर को, अटेंशन देना है उसको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, प्री एक्विजिशन रिजर्व पे पहला, दूसरा प्री एक्विजिशन रिजर्व का एलोकेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और चेंजेस उसको देखना है जब आगे आने वाले सालों में एक्विजिशन होगा डिस्पोजल होगा। अब बात समझो, हो सकता है एक सब्सिडरी में गुडविल हो, दूसरी सब्सिडरी में कैपिटल रिजर्व हो, तो पेरेंट नेट ऑफ कर सकता है, ऐसा परमिशन दे रखा है आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में। लेकिन 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 ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो ग्रॉस वगैरह ना गुडविल और कैपिटल रिजर्व के, वो है ना डिस्क्लोज होने चाहिए नोट्स टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। समझ रहे हो, मैंने बोला हाँ, ग्रॉस फिगर्स जो है ऑन एक्विजिशन, तो वो ग्रॉस फिगर्स दिखने चाहिए। यानी कि 5 लाख और 3 लाख, तो मैं नेट करके 2 लाख दिखा सकता हूँ। गुडविल 5 लाख का है, कैपिटल रिजर्व 3 लाख का, मैं नेट करके 2 लाख दिखा सकता हूँ। लेकिन है ना नोट्स टू अकाउंट्स में है ना बताना कि 5 लाख माइनस 3 लाख, ऐसे में 2 लाख को लेके आए। सर समझ गए, सर समझ गए, सर समझ गए, सर समझ गए। ये था पीसीए यानी कि परमानेंट कंसोल एडजस्टमेंट। सब आते सीपीसीए यानी कि करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। इट इज मेड इन द अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच कंसोलिडेशन डन। जब कंसोलिडेशन होती है ना उसी अकाउंटिंग पीरियड में इसको किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको पूछ लिया, कोई भी 5 एग्जाम्पल आपने याद कर लेने, इधर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। मेमोरी टेक्निक को समझो, INTRA 3 DT 2 हार्मोनाइजिंग गैप। INTRA 3 या छोड़ो, DT 2 को एक मिनट के लिए छोड़ दो, 5 याद रखने। INTRA 3 हार्मोनाइजिंग गैप। पहला इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड और मैनेजमेंट फीस एटसेट्रा। दूसरा इंट्रा ग्रुप इनडेबिटनेस। तीसरा अनरियलाइज्ड इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन असेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम और ट्रांसफर्ड टू अदर सब्सिडरीज। अनरियलाइज्ड इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन असेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम, मैंने असेट्स खरीदी किससे, अदर सब्सिडरीज, यानी ट्रांसफर की किसको, तो मैंने बोला अदर सब्सिडरीज को। तो देख लो, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप इनडेबिटनेस, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन असेट्स। ठीक है, मेरे साथ साथ रिपीट करो, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप इनडेबिटनेस, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन असेट्स, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड और रिसीव, इंट्रा ग्रुप इनडेबिटनेस, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन असेट्स, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप इनडेबिटनेस, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप इनडेबिटनेस, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप इनडेबिटनेस, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप इनडेबिटनेस, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट। एडजस्टमेंट ऑफ हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ पेरेंट एंड कंपोनेंट। मैंने बोला था हार्मोनाइजेशन आपको करना पड़ता है, किसी और कंपोनेंट ने अलग तरीके की सब्सिडरी बनाई है, मतलब किसी और कंपोनेंट ने अलग तरीके की AS फॉलो करी, मैंने अलग AS फॉलो करना, तो हमको क्या करना पड़ता है, हार्मोनाइज करना पड़ता है। उसने अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी, मैंने अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग फॉलो करी। अगला क्या था, गैप कन्वर्जन। मैंने बोला था मेरी US की सब्सिडरी है, तो फिर उसके हिसाब से मेरे को करना पड़ेगा, हम दोनों को कन्वर्जन करना पड़ेगा। मैंने बोला था हार्मोनाइजिंग गैप का एक तालमेल बैठा के चलना, तो मैंने बोला हाँ ये तो ईजी है। 5 पॉइंट हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव वाली। INTRA 3 हार्मोनाइजिंग गैप,
ठीक है, हार्मोनाइजिंग यानी कि मेरे को अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज करना पड़ेगा, गैप कन्वर्जन यानी गैप कन्वर्जन ठीक है वो यूएस सब्सिडी के साथ जो होता है। इंट्रा थ्री, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट। अब ठीक है 5 पॉइंटों के डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव के लिए, बाकी सारे एक बार एमसीक्यू के लिए पढ़ लो। रिकॉर्ड अगर मेरे को करना है डिफॉल्ट टैक्स ऑन अनरियलाइज्ड इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेशन एज पर इंडेस 12, पता है दो कंपनियों का प्रॉफिट होता है तो उसको आपस में फिट टूस कर देते हैं, वही सर इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेशन एक एक दो दो बार पढ़ लेने, बिना समझे खाली पढ़ लोगे एमसीक्यू में दिख गया तो फोड़ देना। उसके बाद एडजस्टमेंट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स दैट इज ट्रांजेक्शन बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट ऑफ सीएफएस। पता है बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट डेट के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें आप पढ़ते हो अपने एफआर में कि आपको एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं सर बीच में, मैंने बोला हाँ बस वही सारी बातें हैं, समझ गए, मैंने बोला सब्सिक्वेंट इवेंट की बातें हैं। उसके बाद ये देख लो सर इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपोनेंट बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ग्रुप सीएफएस व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपोनेंट नॉट अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पेरेंट। यानी कि पता है क्या है, जो कंपोनेंट है ना उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने 31/12 तक और जो अपना पेरेंट है ना उसके बने 31 मार्च तक, ठीक है, तो उसके लिए जो भी है ना एडजस्टमेंट्स वो मेरे को करना पड़ेगा ये 3 महीनों का, ठीक है, मैंने बोला हाँ बस इतना याद रख लो। उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ मूवमेंट इन इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडियरी। पता है जो भी अपने ऊपर पड़े थे गुडविल कैपिटल रिजर्व इक्विटी, इक्विटी किसकी थी वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की थी पीसीआई, ये पीसीए में इसमें परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में, बस वही वाला। अब एक बात समझो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, खाली पढ़ना ही है ज्यादा याद नहीं करना। इंडियस है ना इंडियस, उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है अगर तो नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी नेगेटिव है, अगर तो नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी नेगेटिव है तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, ठीक है बस बहुत हो गया और तो बस चलोगा, ये नहीं पढ़ोगे चलेगा। एडजस्टमेंट ऑफ डिफर टैक्स, इन शॉर्ट आपको डिफर टैक्स दिखे ना एग्जाम में तो समझ जाना कि किसकी बात चल रही है, अपने करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की बात चल रही है। अब बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स है ना ड्रॉन अप टू द सेम रिपोर्टिंग डेट ऑफ पेरेंट, लेकिन 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 अगर ऐसा नहीं है ना तो एच वाला एडजस्टमेंट कर लेना। ये एच वाला एडजस्टमेंट क्या था, मैंने बोला आपको 3 महीने का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जनरली तो जो पेरेंट होता है और जो कंपोनेंट होता है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम डेट तक ड्रॉ होने चाहिए 31 मार्च 31 मार्च, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लो सब्सिडी का 31/12 तक का है, पेरेंट का 31 मार्च तक का है, तो 3 महीने का मेरे को एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। अब डिफरेंस कितना हो सकता है बेटा, दो रिपोर्टिंग डेट के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, एएस ने बोला कि मैक्सिमम 6 महीने का डिफरेंस होगा तो चलेगा, लेकिन इनडीएस ने बोला कि मैक्सिमम 3 महीने का डिफरेंस होगा तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। इन दोनों बीच के डिफरेंस देखो, अपने वाले केस में कितना था 3 महीने का था, तो एएस बोल रहा है 6 महीने का होगा तो चलेगा, लेकिन इनडीएस बोल रहा है कि 3 महीने का होगा तो चलेगा, मैक्सिमम इतने का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन जो कि दी हुई है नोट्स टू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑफ पेरेंट या सब्सिडरी, लेकिन ये सीएफएस में नहीं आती है इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन किसमें दी हुई है, नोट्स में दी हुई है, किसके नोट्स में, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, पेरेंट सब्सिडरी के, लेकिन ये सीएफएस में नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर समझो, फॉरेक्स का एक पॉइंट हो गया, फॉरेक्स का एक पॉइंट हो गया, इंपोर्ट का एक पॉइंट हो गया, देखो सर विदेशी बात है, फॉरेक्स फॉरेक्स इंपोर्ट, और 3 पॉइंट ये हो गए। क्या बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट क्या चीजें हैं जो कि नोट्स टू एसएफएस में आती है लेकिन सीएफएस में नहीं आती है, सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड, एग्जांपल कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बोनस शेयर्स कहां से मैं इशू कर रहा हूँ, किस पैसों से मैं बोनस शेयर्स दे रहा हूँ, पहला पॉइंट आएगा वो, ठीक है। दूसरा, डिस्क्लोजर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मनी फ्रॉम इशू इंडिकेटिंग फॉर्म इन विच अनयूटिलाइज्ड फंड्स इन्वेस्टेड, मैंने है ना शेयर्स इशू करे तो उसमें से जो पैसा मेरे को आया ना उसमें से अनयूटिलाइज्ड पैसा मैंने किधर इन्वेस्ट किया उसके बारे में मेरे को बताना है। तीसरा, डिस्क्लोजर मेरे को देना है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 का, तो ये तो अपने देश देश की बात, देश देश की बात यानी कि बोनस शेयर्स मैंने कहां से इशू किए, सोर्स बताओ, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करके किया, रिजर्व से किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से किया, इशू मैंने किया लेकिन पैसा जो है उसको मैंने अनयूटिलाइज्ड रहेगा तो उसको मैंने किधर फंड्स में इन्वेस्ट किया, और डिस्क्लोजर देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट का। वापस से मेरे साथ रिपीट करो, बोनस शेयर का बंदोबस्त कहां से किया, डिस्क्लोजर अनयूटिलाइज्ड मनी फ्रॉम इशू का, और डिस्क्लोजर एमएसएमईडी का, ये तो कि देश की बात है, बात ये विदेश की बात है। एक्सपेंडिचर इन फॉरेक्स, मैंने फॉरेन करेंसी में एक्सपेंडिचर किया किस किस मामलों में, तो मैंने रॉयल्टी नो हाउ प्रोफेशनल कंसल्टेशन फी इंटरेस्ट, ठीक है जो आप डीटी में पढ़ते हो ना वो सारी बात है। अगला पॉइंट, मैंने अर्निंग किया फॉरेक्स में किस किस मतलब किस किस प्रकार से मैंने किया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेटेड ऑन एफओबी बेसिस, ठीक है, रॉयल्टी नो हाउ प्रोफेशनल कंसल्टेशन फीस, इंटरेस्ट डिविडेंड अदर इनकम इंडिकेटिंग नेचर, और छठा पॉइंट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑन सीआईएफ बेसिस, सीआईएफ का मतलब पता है क्या है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट बेसिस, बराबर। तो किस किस चीजों को मैंने इंपोर्ट किया, रॉ मटेरियल कंपोनेंट स्पेयर पार्ट्स कैपिटल गुड्स, ठीक है सर आप दो बार पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा। ये देखो इतना सर आपको नहीं भी पढ़ना है तो खाली ये तो पढ़ लो, रॉयल्टी नो हाउ प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी, तो आप क्या बना देना, एक्सपेंडिचर मैंने किया फॉरेक्स में रॉयल्टी नो हाउ वगैरह के लिए, अर्निंग मैंने की फॉरेक्स में वापस से रॉयल्टी नो हाउ वगैरह के लिए, और इंपोर्ट्स मैंने किए सीआईएफ बेसिस पे रॉ मेटल कंपोनेंट और कैपिटल गुड्स पे, ठीक है याद हो जाएगा आपको आसानी से। 6 पॉइंट है सर, 6 पॉइंट तो आसानी से याद हो जाएंगे, सोर्स जिसमें से मैंने बोनस शेयर्स को इशू किया, डिस्क्लोजर अनयूटिलाइज्ड मनी का जो कि मैंने इशू से किया था, डिस्क्लोजर एमएसएमईडी का,
एक्सपेंडिचर मैंने किया फॉरेन करेंसी में रॉयल्टी नोहा प्रोफेशनल फीस के लिए, अर्निंग मैंने की फॉरेन करेंसी में रॉयल्टी नोहा प्रोफेशनल फीस के लिए, और इंपोर्ट्स की वैल्यू सीआईएफ बेसिस पे रॉ मेटेरियल कंपोनेंट्स स्पेयर पार्ट्स कैपिटल गुड्स के लिए। अगला सवाल है मेरा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेमोरी टेक्निक है आईसीएआई। आईसीए का मतलब पता है क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग। तो पहला है आई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। सी फॉर कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर ए फॉर एप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ पीसीए एंड सीपीसीए। पीसीए का मतलब परमानेंट कंसोल एडजस्टमेंट, और सीपीए का मतलब करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन। और वापस से आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर रिपोर्टिंग। आईसीएआई या मेरे साथ साथ क्या करो, रिपीट करो, क्या बोल रहा हूँ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग, ठीक है। सी फॉर कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ए फॉर एप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ पीसीए एंड सीपीसीए। और वापस से आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ऐसे अगर आपको याद नहीं करना हो तो देखो, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस सॉरी कंप्लीटनेस दो पॉइंट आइडेंटिफिकेशन के, दो पॉइंट कंप्लीटनेस के। आइडेंटिफिकेशन किसका? तो बोले रिपोर्टेबल सेगमेंट का, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। कंप्लीटनेस किसका? तो बोले कंप्लीटनेस कंपोनेंट्स का, कंप्लीटनेस पीसीए सीपीसीए का। ये भी एक अच्छी मेमोरी टेक्निक है, मैंने बोला। हाँ, अब रिपोर्टिंग के बारे में बात है। जब प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपोनेंट का ऑडिटर सेम होना तो क्या करना है? एबीसी करना है। क्या करना है ना सर, समझो, एबीसी। पहला, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि जो प्रोसीजर्स है ना पीपीसीएफएस के, यानी कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सीएफएस के, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं। और अगर तो डिविएशन है तो ऐसे नंबर 705 फॉलो करना है, यानी कि मॉडिफिकेशन से, यानी कि क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये था मेरा पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी और सी तो एकदम डिक्टो सेम है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये ओपिनियन देना है कि जो मेरा सीएफएस है ना, यानी कि कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो ट्रू एंड फेयर व्यू मेरे को दे रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बैलेंस शीट डेट पे, और ट्रू एंड फेयर व्यू मेरे को दे रहा है कंसोलिडेटेड पीएनएल का कंसोलिडेटेड पीएनएल स्टेटमेंट में। और अगर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है ना, तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, यानी कि बैलेंस शीट डेट पे मेरा बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बैलेंस शीट का मतलब पता है कैश स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कंसो पीएनएल के डेट पे मेरा कंसो पीएनएल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर व्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बने हैं तो उसका ट्रू एंड फेयर व्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लाइक वाइट कर दो भाई थोड़ा सा। ट्रू एंड फेयर व्यू पे पूरी की पूरी बात चल रही है, ऐसे करके पूरा पूरा खत्म हो गया। अगला, प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट ऑडिटर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। प्रिंसिपल ऑडिटर और जो कंपोनेंट के ऑडिटर है वो अलग अलग है, प्रिंसिपल ऑडिटर ही सारे के सारे कंपोनेंट्स का ऑडिटर नहीं है। तो ऐसे केस में, क्योंकि अदर ऑडिटर आ रहा है ना, तो मेरे को ऐसे 600 ध्यान में रखना। उसके अलावा ऐसे 706 में ऑडिटर पता है क्या करेगा? कंसिडर करेगा नेसेसरी टू मेक रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ अदर ऑडिटर्स इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन सीएफएस। यानी कि ऑडिटर ने बताएगा कि है ना, पूरा काम मैंने नहीं किया, अदर ऑडिटर ने भी कुछ काम किया, वो रेफरेंस देगा अदर ऑडिटर के काम का। यानी देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्क्लोज करेगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर बाय स्टेटिंग रुपी और परसेंटेज ऑफ टोटल असेट रेवेन्यू कैश फ्लो ऑफ कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। यानी प्रिंसिपल ऑडिटर ने बताएगा कि इतना मैंने नहीं करा है। मान लो 10 रुपए का अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो 4 रुपए का मैंने करा है, 6 रुपए का किसी और ने किया, 6 रुपए का मैंने नहीं करा है। परसेंटेज वाइज 50% मैंने किया, 50% किसी और ने किया, 50% ऑफ टोटल एसेट मैंने किया, 50% ऑफ टोटल एसेट किसी और ने किया है, 50% ऑफ रेवेन्यू मैंने किया, 50% ऑफ रेवेन्यू किसी और ने किया, 50% ऑफ कैश फ्लो मैंने किया, 50% ऑफ कैश फ्लो किसी और ने किया। वो पूरा पूरा क्या करके देगा? बाइफरकेशन करके देगा। यानी वो क्या करेगा ना, लिखा हुआ है कि वो मैग्नीट्यूड है ना बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि उसने ऑडिट नहीं करे, यानी कि किसी और ने ऑडिट करे। अब चाहे वो रुपी में बताए, परसेंटेज में बताए, रुपी यानी कि 5 रुपए का मैंने किया, 5 रुपए का किसी और ने किया, परसेंटेज यानी कि 50% मैंने किया, 50% किसी और ने किया है। और ये जो भी टोटल असेट रेवेन्यू या कैश फ्लो जो भी वो ले रहा है ना, वो बिफोर पीसीए सीपीसीए का लेगा, ठीक है, पीसीए सीपीसीए के इफेक्ट डालने से पहले का लेगा। पीसीए सीपीसीए यानी कि वो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, परमानेंट कंसोलिडेशन और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर तो मैं ऐसा रेफरेंस दे रहा हूँ ना, दैट पार्ट ऑडिट बाय अदर ऑडिटर इज नॉट अ क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन बट इंडिकेशन ऑफ डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना कि ये काम किसी और ने किया है, तो मैं क्वालिफिकेशन थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो क्या बता रहा हूँ, डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। थोड़ा काम मैंने किया, थोड़ा काम अदर ऑडिटर ने किया, थोड़ा काम कंपोनेंट के ऑडिटर ने किया। मैं क्या दे रहा हूँ, मैं एक डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ, कोई क्वालिफिकेशन नहीं ओपिनियन का। अब अगली बात, अगर तो कंपोनेंट की ऑडिट रिपोर्ट में जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज हुआ है, यानी कि जो एएस यूज हुए हैं, वो डिफरेंट है देन दैट ऑफ पेरेंट। यानी कि मान लो फॉरेन कंपोनेंट, तो मेरा फॉरेन कंपोनेंट उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन लोगों ने अलग यूज करें, और मैं भारत में हूं तो भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग यूज है। तो देखो दो बातें हो सकती है, पहला एक तो मैं सोल्यूशन क्या लेके आ सकता हूँ, एंड दूसरा क्या, स्टार्टिंग का मतलब पता है क्या? अब वो जो मेरी विदेशी वाली जो फॉरेन कंपोनेंट थी ना, यहाँ पे जो लिखा है देखो फॉरेन कंपोनेंट, उन लोगों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने एएस के सबसे बना दिए होंगे, तो इधर आके मैं उसको कन्वर्ट करवाऊंगा। यानी क्या लिखा है, पहला वाला ए पॉइंट, पेरेंट का जो मैनेजमेंट है वो कन्वर्ट कराएगा कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टू पेरेंट के फ्रेमवर्क, और जो भी कन्वर्जन के एडजस्टमेंट्स होंगे ना
ऑडिट किए जाएंगे हमारे पेरेंट ऑडिटर के द्वारा फॉर सूटेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस, यानी कि उधर उन लोगों ने बना दिए होंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भारत में लाके उसको कन्वर्जन किया जाएगा और कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स का ऑडिट किया जाएगा प्रिंसिपल ऑडिटर के द्वारा, उसको पेरेंट के फ्रेमवर्क के अनुसार कन्वर्ट किया जाएगा। या ऑल्टरनेटिवली मैं उनको बोलूंगा तुम लोग भारत के हिसाब से ही बनाना, ऑल्टरनेटिवली कंपोनेंट प्रिपेयर करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी, जो मेरा पेरेंट भारत में है उसके हिसाब से वो बनाएगा आउटलाइन इन ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल, और लोकल कंपोनेंट का ऑडिटर है वहां से ऑडिट करके भेजेगा और हम लोग फिर इधर अपनी बढ़िया वाली ऑडिट रिपोर्ट बना लेंगे कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। एक ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल होगी, उसमें मैं उनको बोल दूंगा भारत के हिसाब से बनाओ, यानी उनके स्टार्टिंग से ही उनको सुधार दूंगा। या तो पहला पॉइंट क्या था, एंड, यानी एंड में आने के वो लोग इधर लेके आएंगे और मैं उसको फिर कन्वर्ट करूंगा, एंड में जाके मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, या तो फिर मैं उनको बोलूंगा भारत के हिसाब से बनाना स्टार्टिंग से। तो ये क्या था, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अगर डिफरेंट है तो चौथा पता है पॉइंट क्या है, अगर तो ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है तो क्या करोगे। अब मेरी बात समझो, ऑडिट है ना, ऑडिट जनरली हम इंडियन गैस के हिसाब से करते हैं, इंडियन गैस यानी कि इंडियन में जो जनरली एक्सेप्टेबल जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उसके हिसाब से करते हैं। तो मैं कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पता है क्या बोलूंगा, कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड अंडर फ्रेमवर्क करेस्पॉन्डिंग टू इंडियन गैस। तो मैं बोल रहा हूँ कि एस एस जो है ना हमारे बाहर से ही लिए गए हैं, तो मैं ये ट्राई करूंगा कि जो कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना उनका भी ऑडिट है ना ऐसे अकाउंटिंग ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए जो कि इंडियन गैस के जैसे, इंडियन गैस के जैसे हो। कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट मैं ऐसे फ्रेमवर्क में करूंगा जो कि इंडियन गैस के जैसे हो, ठीक है। इंडियन गैस यानी कि जनरली एक्सेप्टेड जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसकी बात चल रही है, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है, इसके ऊपर वाले पॉइंट में कहते हैं अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है, और आखिरी क्या पता है, कंपोनेंट ऑडिट ही नहीं करेगा, कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड, जो कंपोनेंट है ना मेरे बाहर वाले या चलो भारत वाले भी वो ऑडिट नहीं करेगा। तो प्रिंसिपल ऑडिटर है ना इवेल्युएट करेगा पॉसिबल मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन सीएफएस, यानी कि रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सिंस नो ऑडिट, ऑडिट हुआ ही नहीं है तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मेरे को मिला ही नहीं होगा। ये इवेल्युएशन करना नेसेसरी है बिकॉज ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंसेस। क्यों उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपोनेंट को ऑडिट हुआ ही नहीं रखा है। ऑडिटर इवेल्युएट करेगा दोनों के दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, दोनों के दोनों फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंटमेंट कर देना कमेंट में दैट एसएल डेफिनेटली स्कोर 70+ ऑन ऑडिट, ठीक है। पीएससी ऑडिट है ना, आपको रटना नहीं है, क्योंकि आपको रटवाने की जिम्मेदारी मेरी, एकदम टेंशन फ्री होकर रिलैक्सेशन में बैठ जाओ, बढ़िया तरीके से आपको रट्टा मरवा दूंगा। इस प्रकार से क्या, आप जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये सब कुछ मैंने पहले पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर को छोड़ने की हिम्मत भी मत करना, बहुत ईजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू एस एस। फन मेमोरी टेक्निक्स के साथ आपको रट्टा मरवाऊंगा, क्योंकि ऑडिट में आपको रट्टा बिना के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, पीएसयू ऑडिट। लेकिन करो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करो शेयर और कमेंटमेंट कर दो कमेंट में दैट एसएल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट। सर बात समझो बढ़िया तरीके से, फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में मैं बात करता हूं, आपको स्पेशल फोकस में आपको बताऊंगा, इधर आपको ज्यादा फोकस करना है, इधर मैं आपको रटवाऊंगा, ऐसे सारे मैं आपको स्पेशल की एरियाज के बारे में डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ जी, फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट, बात समझो बड़े ध्यान से, परफॉर्मड बाय सी एंड एजी, यानी कि गवर्नमेंट ऑडिट कौन करता है पता है, सी एंड एजी। सर ये सी एंड एजी किस बला का नाम है, सी एंड एजी का मतलब पता है क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मेरे साथ साथ रिपीट करो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग पता है इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर बोलते हैं, अरे भाई कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको क्या बोलता हूं मैं, सीएनएजी। अब बात समझो, सीएनएजी किसके द्वारा करता है, थ्रू आईएएएडी, नहीं तीन बोल दिया मैंने गलती से, थ्रू आईएएडी, थ्रू आईएएडी, थ्रू आईएएडी, यानी कि थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। किसके द्वारा करते हैं सर, सीएनएजी इसका ऑडिट, थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सीएनएजी। आपको रटवा रहा हूं सर, ठीक है, लाइक वाइक करो वीडियो पे, बढ़िया वाले नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। परफॉर्म बाय सीएनएजी कौन करता है सर, गवर्नमेंट ऑडिट, मैंने बोला सीएनएजी करता है, परफॉर्म बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, थ्रू आईएएडी, थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो रोल ऑफ कैग के बारे में डिस्कस करता है, कैग के रोल के बारे में डिस्कस करता है। सर आर्टिकल 148 पता है क्या बोलता है, कैग का अपॉइंटमेंट कौन करेगा पता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। कैग का रिमूवल है ना अगर तभी होगा जब उसने कोई मिसबिहेवियर कर रखा हो या उसकी इनकैपेसिटी हो, इनकैपेसिटी यानी कि वो एलिजिबल ना हो केक के रूप में अपॉइंट होने के लिए, ठीक है सर। ऐसे ही मेरी इच्छा चली तो मैंने रिमूवल कर दिया केक का, मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा। सैलरी और टर्म्स एंड कंडीशंस कौन डिसाइड करेंगे केक की, तो मैंने बोला पार्लियामेंट। क्या बोल रहे हैं 148 में, 148 ये बोल रहा है, आर्टिकल 148 ये बोल रहा है, एमसीक्यू के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ये आर्टिकल्स के बारे में जानना। अपॉइंटमेंट होगा कैक का प्रेसिडेंट के द्वारा, रिमूवल कैक का होगा प्रूवन मिसबिहेवियर उसने अगर कुछ कराओ या इनकैपेसिटी उसके तो ही होगा, हवा में नहीं होगा। सैलरी टर्म्स एंड कंडीशन पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। आर्टिकल 149 पता है क्या बोल रहा है, फंक्शंस और पावर्स जो होंगे ना कैक के वो कौन से एक्ट में डिसाइड होंगे, कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। आर्टिकल 150 पता है क्या बोल रहा है,
प्रेसिडेंट बताएगा कि किस फॉर्मेट में उसको अकाउंट्स मेंटेन करना है। प्रेसिडेंट क्या बताएगा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट्स है ना, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, कौन से फॉर्म में होना चाहिए, वो कौन बताएगा, प्रेसिडेंट। यानी कि आप देख रहे हो अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी, प्रेसिडेंट। ये फॉर्म ऑफ अकाउंट्स बताने की जिम्मेदारी किसकी, वो भी प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 151 पता है क्या बोल रहा है, आर्टिकल 151 ये बोल रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है ना सर, कैग की ऑडिट रिपोर्ट, कैग की यानी कि जो कैग बना रहा है ऑडिट रिपोर्ट, तो अगर तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, तो सबमिट की जाएगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उसको ले डाउन करेगा पार्लियामेंट के सामने। स्टेट गवर्नमेंट की सबमिट की जाएगी स्टेट के गवर्नर को और वो ले डाउन की जाएगी एलए में, एलए यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। एलए यानी कि किसमें सर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको क्या किया जाएगा, ले डाउन किया जाएगा। यानी ऑडिट रिपोर्ट जो कि कैग ने बनाई है, अगर तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, तो सबमिट की जाएगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको ले डाउन करेगा पार्लियामेंट के सामने। स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट सबमिट उसको किसको करवाएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट को, और वो ले डाउन की जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब बात समझो, रेजिग्नेशन भी है ना, कैग किसको देगा, प्रेसिडेंट को। यानी कि जिसने जन्म दिया है वही मृत्यु का कारण बनेगा। यानी कि अपॉइंटमेंट किसने किया था, कैग का, प्रेसिडेंट ने, तो रेजिग्नेशन में जाके किसको देना है, प्रेसिडेंट को। और फॉर्म ऑफ अकाउंट्स भी कौन नक्की करेगा, प्रेसिडेंट। सर प्रेसिडेंट के पास कितना सारा पावर है, अपॉइंटमेंट ऑफ कैग कौन करेगा, मैंने बोला प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। और रेजिग्नेशन भी किसको देना है, जाके प्रेसिडेंट को ही देना है। यानी कि कैग आएगा तो प्रेसिडेंट की मर्जी से जाएगा, तो प्रेसिडेंट को रिजाइन करके ही जाएगा, प्रेसिडेंट की मर्जी से जाएगा। बात समझो, एज पर एक्ट, एक्ट यानी कि पता है कौन सी एक्ट, ये वाली, कैग की ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट। क्या लिखा पता है, कैग होल्ड करेगा ऑफिस फॉर 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। यानी कि 40 साल का अगर बंदा है ना, तो वो कैग कब तक बना रह सकता है, तो मैंने बोला 46 ईयर्स तक वो बना रह सकता है। ठीक है, 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, यानी कि दोनों में से जो भी कंडीशन पहले मीट हो जाए। तो 40 साल का बंदा है तो आने वाले 6 साल तक वो होल्ड करेगा ऑफिस, यानी कि 46 ईयर्स तक। लेकिन कोई बंदा अगर 63 साल की उम्र में कैग के रूप में अपॉइंट हुआ है ना, तो वो 65 ईयर्स का होगा ना, तब तक ही वो कैग रह सकता है, उसके बाद वो कैग नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि 65 ईयर्स अर्लियर हो गया, समझ रहे हो। 40 साल का बंदा अगर उसको कैग के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो उसके 6 साल कब कंप्लीट होंगे, जब वो 46 ईयर्स का होगा। फिर मैं 65 ईयर्स का होने का उसका रहा नहीं देखूंगा, क्योंकि बच्चा वेरेज अर्लियर में वो 46 ईयर्स में, फिर उसका कैग का मैं पोजीशन छीन लूंगा। लेकिन अगर कोई 63 साल का बंदा है, उसको मैंने कैग के रूप में अपॉइंट किया है, तो मैं क्या बोलूंगा, 65 ईयर्स का होगा, तब तक उसको कैग बना के रखूंगा, उसके बाद नहीं बना रखता। क्यों, उसके बाद क्यों नहीं बना रख सकता, क्योंकि 65 ईयर्स उसका मीट हो गया है, मैंने बोला ठीक है। अब देखो, 3 तरह की कमेटी होती है, पैक इसी कोपू, 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 याद करवा रहा हूं आपको, पैक इसी कोपू। पैक क्या होता है पता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पी फॉर पैक, पी फॉर पैसा, पी फॉर पैक, पी फॉर पैसा, पैसे की बात इसमें आती है। पता है क्या, खर्चा बराबर हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीजें मेरे को इसमें देखनी है, खर्चा बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या है पता है, पैक का ये ड्यूटी है कि अपने आप को सेटिस्फाई करे कि मनी डिसबर्स लीगली ऑन पर्पस टू विच अप्लाइड, यानी कि मनी है ना, मनी राइट पर्पस के लिए यूज हुआ हुआ। एक्सपेंडिचर ऑथोराइज, एक्सपेंडिचर वॉज ऑथोराइज, सेकंड वाला पॉइंट, एक्सपेंडिचर है ना, बिना मतलब उसको अप्रूवल के बिना एक्सपेंडिचर पास नहीं किया गया, एक्सपेंडिचर ऑथोराइज दो। और रीअप्रोप्रिएशन एज पर प्रोविजन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है प्रोविजन के हिसाब से होने चाहिए, बराबर। पहला, मनी डिसबर्स लीगली ऑन पर्पस टू विच अप्लाइड, यानी कि जो लीगल पर्पस है, जो हमने सोचा था, उसी पे पैसा खर्च किया जा रहा है, पैसा हवा में खर्च नहीं किया जा रहा है, पास हुआ है वो, यानी कि ऑथोराइज है वो पैसा। और रीअप्रोप्रिएशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, प्रोविजन के हिसाब से, वो क्या है, लॉ के हिसाब से। तो इसमें सारी पैसे की बात चल रही है कि पैसे का डिसबर्समेंट कैसा होना चाहिए, लीगली जिस पर्पस के लिए मैंने बोला था उस पर्पस के लिए होना चाहिए, एक्सपेंडिचर मेरा ऑथोराइज होना चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो रीअप्रोप्रिएशन, वो प्रोविजन के हिसाब से होना चाहिए। अगला आता है एस्टिमेट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी का पता है मेमोरी टेक्निक क्या है, आई विल रिपोर्ट मनी की चोरी टू पुलिस एंड पार्लियामेंट, आई विल रिपोर्ट मनी की चोरी टू पुलिस एंड पार्लियामेंट। तो पहला क्या है ना, ये क्या करते हैं ना, एग्जामिन एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स कमेटी के नाम में ही क्या है सर, एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट्स को एग्जामिन करते हैं विद अ व्यू टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज और इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंसी कंसिस्टेंट विद पॉलिसी में भी इफेक्टेड। चलो ये नहीं लिखोगे ना आप कंसिस्टेंट विद पॉलिसी, तो भी चलेगा। व्हाट इकोनॉमीज, इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसीज में भी इफेक्टेड। क्या रिपोर्ट करना है कि क्या सुधारा हम कर सकते हैं, इकोनॉमीज यानी कि क्या चीज हम सस्ते में कर सकते हैं, क्या हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे हम एफिशिएंट बना सकते हैं। तो पहला तो क्या है, आई विल रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का ये वाला पॉइंट है, ठीक है, रिपोर्ट करना है कि किस तरीके से हम सुधारा लेके आ सकते हैं, इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से लेके आ सकते हैं। दूसरा, सजेस्ट करनी है अल्टरनेटिव पॉलिसीज, क्या सजेस्ट करनी है, अल्टरनेटिव पॉलिसीज, ये लिखा हुआ है पुलिस, तो वहां से मैंने क्या निकाला, पॉलिसीज। अगला है एग्जामिन करना है कि जो मनी है ना, मनी उसका खर्चा अपन लिमिट के अंदर कर रहे हैं, लिमिट के बाहर अपन खर्चा नहीं कर रहे हैं। और सजेस्ट करना है फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी जो एस्टिमेट्स बना रही है ना, उसका फॉर्मेट मेरे को सजेस्ट करना है किसको, तो मैंने बोला पार्लियामेंट को। सजेस्ट करना है फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, वो एस्टिमेट्स कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे पार्लियामेंट के सामने, उसका फॉर्मेट डिसाइड करना है, ठीक है। एस्टिमेट्स कमेटी क्या कर रही है ना, आई विल रिपोर्ट मनी की चोरी टू पुलिस एंड पार्लियामेंट, आई विल रिपोर्ट मनी की चोरी टू पुलिस एंड पार्लियामेंट, आई विल रिपोर्ट मनी की चोरी टू पुलिस एंड पार्लियामेंट। तो रिपोर्ट से क्या आया, पहले तो वो एग्जामिन कर रही है एस्टिमेट्स को, तो ताकि वो रिपोर्ट कर पाए क्या क्या सुधारा किया जा सकता है, क्या क्या इकोनॉमीज ला सकती है, इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन लाई सकते हैं, एफिशिएंसी लाई जा सकती है। उसके बाद
मनी की चोरी, तो मनी क्या है ना, मनी वेल लेड डाउन हो विद इन द लिमिट, यानी कि पैसा जो है ना औकात में रहकर खर्च किया हो। मनी की चोरी टू पुलिस एंड पार्लियामेंट, पुलिस पुलिस यानी कि ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करना, और पार्लियामेंट यानी कि फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, उसका पूरा फॉर्मेट अपने को नक्की करना है जो कि एस्टिमेट्स में प्रेजेंट कर लो पार्लियामेंट को। तो पैक और ईसी तो हो गया हमारा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी, बात है ना कोपू, कोपू यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पीयू के काम है इसके अंदर सारे के सारे, बोले तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के काम है सारे के सारे, बात समझना बड़ी ध्यान से। टू एग्जामिन रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने अपने अकाउंट्स पे जो रिपोर्ट्स बनाई है और जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंट्स बनाए ना उसको एग्जामिन करना। अगला, टू एग्जामिन रिपोर्ट्स ऑफ सी एंड एजी ऑन पीयू, यानी कि सी एंड एजी ने जो पीयू के ऊपर पे रिपोर्ट बनाई है ना उसको एग्जामिन करना। पहला क्या है, पीयू के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट को एग्जामिन करना। दूसरा, कैग की जो रिपोर्ट है ना पीयू के ऊपर उसको एग्जामिन करना, ठीक है। तीसरा, टू एग्जामिन द ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी कि इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ पीयू, एंड टू सी इफ दे आर मैनेज्ड एज पर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, यानी कि पीयू का काम धंधा अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और चौथा, अदर फंक्शंस, जो कि किसमें है, पैक और ईसी में अदर फंक्शंस है, लेकिन इधर कोपू में नहीं है ना वो सारे अदर फंक्शंस, ठीक है, मैंने बोला हाँ। तो इसमें क्या आता है ना, पीयू के काम और अदर फंक्शंस, पीयू के काम एंड अदर फंक्शंस। पीयू के काम पता है क्या, एग्जामिन मेरे को करना है रिपोर्ट और अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पीयू ने बनाए हैं, ठीक है। एग्जामिन करना है रिपोर्ट ऑफ कैग, कैग की रिपोर्ट, तो कैग की जो रिपोर्ट है ना सर वो किसके ऊपर है, मैंने बोला पीयू के ऊपर, समझ रहे हो। एग्जामिन को करना है ऑटोनॉमी एफिशिएंसी ऑफ पीयू के, उनका जो काम है वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, अच्छी तरीके से चल रहा है कि नहीं, और अदर फंक्शंस मेरे को एग्जामिन करना है। अगला सवाल आता है मेरा कैग के रोल का, तो मैंने बोला कैग जो है ना हमारा फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है कमिटीज के लिए। अभी देखो चार पॉइंट है आपको याद करने हैं, मैं आपको याद करवाता हूं। पहला क्या है पता है, हिज रिपोर्ट्स यानी कि जो कैग की रिपोर्ट्स है ना आर द बेसिस ऑफ कमिटीज वर्किंग, जो गवर्नमेंट की कमेटी है ना उनके बेसिस है, यानी कैग रिपोर्ट बना के देगा ना उस बेसिस पे काम करेगी अपनी कमेटियां। ऑल्दो दे आर नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम एग्जामिनिंग अदर इश्यूज, यानी कि जो कमेटी है ना वो दूसरे अदर देन रिपोर्ट वाले इश्यूज भी देख सकती है, ऐसा नहीं है कि वो लोग खाली कैग के रिपोर्ट को यूज करेंगे। यानी क्या लिखा है, कैग के रिपोर्ट के हिसाब से ना कमेटी अपना काम करेगी, लेकिन कमेटी दूसरे चीजों को ध्यान में लेकर भी अपना काम कर सकती है, खाली और खाली कैग के रिपोर्ट को ध्यान में नहीं, मतलब खाली और खाली कैग के रिपोर्ट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। क्या लिखा हुआ है, प्रिक्लूडेड नहीं है, वो लोग बाधित नहीं है कि खाली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खाली कैग की रिपोर्ट को यूज करेंगे, अदर इश्यूज भी वो लोग देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो वापस से, हिज रिपोर्ट्स यानी कि कैग की रिपोर्ट है ना बेसिस है कमेटी के वर्किंग का, लेकिन वो प्रिक्लूड नहीं कर रही है फ्रॉम एग्जामिनिंग अदर इश्यूज, यानी कि अदर इश्यूज भी देख सकते हैं कमेटी वाले, ठीक है। दूसरा, ध्यान से सुनो, कैग है ना नोट्स को स्क्रूटिनाइज करता है जो कि मिनिस्ट्री सबमिट करती है कमिटीज को, और हेल्प करती है कमिटीज को टू चेक करेक्टनेस ऑफ सबमिशन, ठीक है। ऊपर ऊपर से याद करो, स्क्रूटिनाइज करने में मदद करता है नोट्स, कैग क्या करता है नोट्स को स्क्रूटिनाइज करता है जो कि मिनिस्ट्री सबमिट करती है कमेटी को, ठीक है। दो पॉइंट हुए, देखो क्या लिखा हुआ है, ही स्क्रूटिनाइजेस नोट्स, ही का मतलब कौन, कैग स्क्रूटिनाइज करता है नोट्स जो कि मिनिस्ट्री सबमिट कर रही है किसको, तो मैंने बोला मिनिस्ट्री सबमिट कर रही है कमिटीज को, और हेल्प करता है कमेटियों को ये इन्फॉर्मेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए कि जो नोट्स में चीजें हैं वो कितनी करेक्ट है, ठीक है, फैक्ट्स फिगर्स जो है ड्राफ्ट रिपोर्ट में नोट्स में कितने करेक्ट है वो सारी चीजों में, ठीक है। तो पहले दो पॉइंट पता है क्या है, कमेटी के काम का वो बेस क्या है पता है कमेटी के काम का, तो मैंने बोला कैग की रिपोर्ट। उसके बाद जो कैग है ना हमारा वो नोट्स को स्क्रूटिनाइज करेगा जो कि कौन किसको सबमिट कर रहा है, मिनिस्ट्री सबमिट कर रही है कमेटीज को, ठीक है। मैंने बोला तीसरा, ये फिगर, ये जो है ना चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपके लिए बनाया है पूरा पैराग्राफ को चार्ट फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, तो चार्ट आपने बढ़िया तरीके से याद रखना पड़ेगा। देखो क्या है, फाइनेंशियल कमिटीज जो है ना रिपोर्ट दे रही है अपना विद ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस, किसको दे रही है, तो मैंने बोला पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दे रही है। पार्लियामेंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, स्टेट लेजिस्लेचर आता है स्टेट गवर्नमेंट के केस में। अब ये हो गया मेरा पहला चार्ट। दूसरा चार्ट, कमेटी है ना कमेटी रिकमेंडेशन दे रही है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को, और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर रही है उन लोगों ने क्या एक्शन लिया किसको, तो मैंने बोला कमेटी को, और कमेटी है ना अपना एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दे रही है। ये तीसरा वाला देखो पॉइंट है ना, पूरा चार्ट फॉर्मेट में आपको याद करना है, मैंने आपके लिए बढ़िया से चार्ट बना के दिया है। फाइनेंशियल कमेटी रिपोर्ट कर रही है अपने ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को। उसके बाद कमेटी है ना रिकमेंडेशन दे रही है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन एक्शन टेकन दे रहा है, मतलब जो भी एक्शन टेकन दिया है उन लोगों ने जो काम किया उसका इन्फॉर्मेशन दे रहा है कमेटी को, और कमेटी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट दे रही है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। तीसरा वाले में आपको चार्ट याद करना, चौथा वाला फॉर ऑडिट रिपोर्ट जो कि डिस्कस नहीं हो पाई डिटेल में कमिटीज के द्वारा, which couldn't be discussed in detail by committees, तो written answer obtain करे जाएंगे department से and sometimes incorporated in report to parliament state legislature, यानी department है ना government के बहुत busy होते हैं, तो हर बार है ना अपन deep में चर्चा नहीं कर पाते, discussion in detail नहीं कर पाती हमारी committees, तो उनके लिए written answer obtain किए जाएंगे और उसको report में incorporate कर लिया जाएगा जो कि parliament state legislature की। तीन अपन ने देखे,
देखो चार अपन ने पॉइंट देखे, चार पॉइंट पता है क्या है? पहला, जो कमेटी काम करेगी ना, कैग की रिपोर्ट उसका बेसिस बनेगी, उसके बाद कैग है ना नोट्स को स्क्रूटनाइज करेगा जो कि मिनिस्ट्री सबमिट करेगी कमेटीज को। तीसरे वाले में ये चार्ट अपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगी। और चौथा क्या होगा ना, डिटेल डिस्कशन हर बार पॉसिबल नहीं है कमेटीज के द्वारा, तो रिटर्न आंसर ऑप्टेन कर लेना है डिपार्टमेंट से और उसको रिपोर्ट में क्या कर देना है अपने को इनकॉर्पोरेट कर देना है। क्यों? क्योंकि हर बार है ना ओरल डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं होता इतना, तो रिटर्न में हम लिख के दे देते हैं घर पे बैठे बैठे। सर समझ में आ गई कि आपको मेरी बात? मैंने बोला हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। चार है कैक के रोल, कैक क्या है? फ्रेंड फिलोसोफर गाइड ऑफ कमिटीज, उसकी रिपोर्ट क्या है ना बेसिस है कमिटी के वर्किंग की। चार मार्क का क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है? कैग हमारा नोट्स को स्क्रूटिनाइज करता है जो कि मिनिस्ट्री सबमिट करती है कमिटीज को, फाइनेंशियल कमिटीज रिपोर्ट करती है अपना ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को, और उसके बाद एक कमेटी जो है ना रिकमेंडेशन देती है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को, इन्फॉर्मेशन देती है एक्शन टेकन की कमेटी को, और फिर वही कमेटी एक्शन टेकन रिपोर्ट नीचे देती है अपने पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को, और वो वाली ऑडिट रिपोर्ट के लिए जो कि डिस्कशन नहीं हो पाया जिसका डिटेल में कमिटीज के द्वारा रिटर्न आंसर ऑप्टेन किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। मैंने बोला ठीक है सर रिटर्न आंसर ऑप्टेन करते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं सॉरी डिपार्टमेंट से, रिटर्न आंसर ऑप्टेन फ्रॉम डिपार्टमेंट, कमिटीज क्या करती है रिटर्न आंसर ऑप्टेन करती है डिपार्टमेंट से। मैंने बोला ठीक है सर समझ गए सर समझ गए सर समझ गए सर समझ गए। ऑडिट होता है ना कैग के द्वारा तीन तरह का होता है, फाइनेंशियल कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट। अब गवर्नमेंट ऑडिट में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, एक होती है मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। अब फिस्कल अकाउंटेबिलिटी है ना जैसा कि नाम बोल रहा है फिस्कल मतलब पैसा, फिस्कल में क्या बात चल रही है पैसों की बात चल रही है, और मैनेजरियल में क्या बात चल रही है मैनेजमेंट की बात चल रही है, तो नाम से ही पता चल रहा है ना सर। तो गवर्नमेंट ऑडिट दो प्रकार का होता है, आप बोल सकते हो FM एफ फॉर फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, फिस्कल यानी कि पैसे की अकाउंटेबिलिटी, और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी यानी कि मैनेजमेंट। अब फिस्कल अकाउंटेबिलिटी में पैसों की बात चल रही है, ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, जो फंड्स का कितना प्रोविजन बनाया कितना सेंक्शन हुआ, कंप्लायंस प्रोप्रायटी, इन शॉर्ट पैसे की बातें सारे की सारी किसमें चलेगी फिस्कल अकाउंटेबिलिटी में। मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी में चलेगी हमारी ऑडिट ऑफ इकोनॉमी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी का दूसरा नाम है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है ये लिखा हुआ है यहां पे एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है सर एलिमेंट्स ऑफ पीएससी ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो सर पहली होती है तीन पार्टीज, फिर होता है सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, और फिर होता है टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। अब ध्यान से समझना तीन पार्टीज होती है, तो पहला पार्टी कौन है ना ऑडिटर। ठीक है ऑडिटर, ऑडिटर पता है कौन है? साई इंडिया। साई का मतलब पता है क्या है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। सर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ही तो हमको समझ में नहीं आया, अरे जो ऊपर कैग पड़ा था ना वही है, ऊपर पड़ा था कैग और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो बस वही है कैग एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, इन दोनों को मिला के ही बनता है हमारा साई यानी कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। अब ये जो सीनियर फंक्शनरीज होते हैं ना साई के, इनको अकाउंटेंट जनरल बोलते हैं, जो कि हर स्टेट में होते हैं, हर स्टेट में होते हैं। कौन सर? सीनियर फंक्शनरीज ऑफ साई, जिसको मैं बोलता हूँ अकाउंटेंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल। सीनियर फंक्शनरीज को मैं क्या बोलता हूँ? अकाउंटेंट जनरल। सीनियर फंक्शनरीज को मैं क्या बोलता हूँ? अकाउंटेंट जनरल। अब बात समझो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है, मैंने बोला एंटिटी। क्या लिखा हुआ है? ऑडिटेबल एंटिटी और उसके टीसीडब्ल्यूजी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, यानी कि जो पीएसयू की बात चल रही है ना बस वही। ठीक है अब इंटेंडेड यूजर कौन होते हैं वो समझो सर, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या क्लासेस जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही है ना वो होते हैं मेरे इंटेंडेड यूजर। ठीक है सर समझ में आ गया। तो ये था पहला पॉइंट थ्री पार्टीज, ठीक है जो पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट पता है क्या है? सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सर सब्जेक्ट मैटर का मतलब पता है क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या लिखा हुआ है पता है? इसको तमीज की भाषा में ये लोग क्या बोल रहे हैं? अपन आसान भाषा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, लेकिन तमीज की भाषा में इन लोगों ने बोला है आईसीए मेजर्ड अगेंस्ट क्राइटेरिया, यानी कि इन्फॉर्मेशन कंडीशन एक्टिविटी मेजर्ड अगेंस्ट क्राइटेरिया। ये चीज रट्टा मार लो, मेन बात आपने क्या समझ दिया दिमाग के अंदर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, इन्फॉर्मेशन कंडीशन एक्टिविटी इन लोगों ने लिखा हुआ है। क्राइटेरिया पता है क्या होता है? बेंचमार्क्स। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर मेरे को बनाना है तो उसका बेंचमार्क पता है क्या होता है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है तो उसको इन लोगों ने क्या बोला? बेंचमार्क। क्राइटेरिया का मतलब होता है बेंचमार्क। और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन पता है क्या होता है? जब मैं सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेजर करता हूं ना तो निकलता है सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, यानी कि वही तो है जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को AFRF के हिसाब से बनाता हूं ना तो ही तो निकलता है मेरा पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बस वही है सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैं मेजर कर रहा हूं सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट क्राइटेरिया। अब ये भूल जाओ AFRF। ठीक है अब इनके तमीज वाली भाषा में बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन कंडीशन एक्टिविटी, क्राइटेरिया का मतलब होता है बेंचमार्क, और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जब मैं मेजर कर रहा हूं दोनों को, कंपेयर कर रहा हूं सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट। तो ये था मेरा दूसरा वाला एलिमेंट। और तीसरा वाला एलिमेंट आता है अपना टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। अब बात समझो अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट जो अपन ऑडिट सीट पे आ रहे हैं ना वो होता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट। इसमें क्या होता है ना रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब पता है कौन? मैनेजमेंट। मेजर करती है सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट क्राइटेरिया और प्रेजेंट करती है सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। वो तो जाहिर सी बात है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाता है ना। रिस्पॉन्सिबल पार्टी इधर बोला है मैनेजमेंट को, तो बस वही।
ऑडिटर तो गैदर करता है सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि वो रीजनेबल बेसिस दे पाए, ताकि वो कंक्लूजन दे पाए। एग्जांपल फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर की तो खाली सिंपल सी यही जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे, चेक करे, ऑडिट करे। तो इधर भी वही हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी ही सब कुछ कर रही है, वही मेजर कर रही है क्राइटेरिया को सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट। लेकिन जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट होते हैं ना, उसमें ऑडिटर मेजर करता है सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट, तो वो उसके एग्जाम्पल है परफॉर्मेंस और कंप्लायंस ऑडिट। सर क्या समझे, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था तीन तरह के ऑडिट होते हैं, फाइनेंशियल, कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट होते हैं। तो मैंने बोला बस अब उसका ही बाइफर्केशन है कि अटेस्टेशन एंगेजमेंट में आता है फाइनेंशियल ऑडिट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में आता है परफॉर्मेंस कंप्लायंस ऑडिट, दोनों के बीच का फर्क क्या है सर? तो मैंने बोला अटेस्टेशन एंगेजमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी ना, जो मैनेजमेंट होगी ना, वो ही मेजर करेगी सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट, और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में जो मेजर करने की जिम्मेदारी है सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट, वो ऑडिटर भाई साहब की है। मैंने बोला ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट जो है अगला जो है अपना फाइनेंशियल ऑडिट, बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। कंडक्टेड टू एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यही तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फाइनेंशियल ऑडिट जो अपन ने बचपन से पढ़ा है, इंटर लेवल से पढ़ा है। अब आता है अपना कंप्लायंस ऑडिट। अब कंप्लायंस ऑडिट में पता है क्या होता है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया। मेरे को देखना है कि सब्जेक्ट मैटर और एप्लीकेबल क्राइटेरिया दोनों कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना है कंप्लायंस ऑडिट। और इसके डेफिनेशन में भी क्या है, कंप्लायंस, मेरे साथ साथ याद करो, कंप्लायंस ऑडिट में क्या है ना, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, किस चीज का इंडिपेंडेंट असेसमेंट, ऑफ वेदर गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया। कंप्लायंस ऑडिट में कंप्लायंस चेक करना है, 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 किस चीज का कंप्लायंस, कि क्या सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया के हिसाब से है कि नहीं है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं सर, रेगुलरिटी और प्रोप्रायरिटी, दो बातें इसमें करते हैं। प्रोप्रायरिटी के बारे में तो इन डेप्थ डिस्कशन बिलो किया, तो उसको भी छोड़ दो। रेगुलरिटी में पता है क्या है, adherence of subject matter to formal criteria emanating from law regulation agreement, यानी इसमें ना मेरे को law regulation और agreement तीन चीज चेक करनी होती है, law regulation का compliance चेक करना होता है। ठीक है सर, regularity का मतलब law regulation agreement को चेक करना, propriety का मतलब मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ, लेकिन compliance order की definition मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ। independent assessment है कि subject matter और applicable criteria comply होने की नहीं हो रहे, compliance order के definition में क्या आता है word, compliance। अब कंप्लायंस ऑडिट है ना, या तो मैं इसको जो नॉर्मल ऑडिट है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसके साथ करूंगा, या तो मैं इसको इंडिविजुअली करूंगा यानी कि खाली कंप्लायंस ऑडिट करूंगा, या तो दोनों करूंगा कॉम्बो में करूंगा, यानी कि या तो खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो सेपरेट एज इंडिविजुअली कंप्लायंस ऑडिट, या तो फिर इन कॉम्बिनेशन विद परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। एक नीचे मैं आपको परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ाने वाला हूँ, उसके साथ मैं करूंगा, उसके साथ में कॉम्बिनेशन में करूंगा, यानी या तो कंप्लायंस ऑडिट को मैं मेन वाले ऑडिट के साथ करूंगा, या तो मैं केवल और केवल कंप्लायंस ऑडिट करूंगा, या तो मैं इन कॉम्बिनेशन विद परफॉर्मेंस ऑडिटिंग करूंगा। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है अभी मैं आपको नीचे पढ़ाता हूँ। अब परफॉर्मेंस ऑडिट की डेफिनेशन मेरे साथ साथ याद रखना, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। मेरे साथ साथ बोलो, अपन जैसे फिजिकल क्लास में बैठे हो ऐसे अपने को याद करना है, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट, टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट, टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये थे कीवर्ड्स, आजू बाजू को अपने हिसाब से याद करो, देखो कितना सारा टू 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 है, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, और ठीक है करेक्टिव एक्शन लेना है वो तो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो, लेकिन कीवर्ड्स आप समझे क्या बोल रहा हूं मैं, कितना टू 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 है। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या देखना है, टू 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 टू, समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, 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 टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ताकि मैं करेक्टिव एक्शन ले पाऊं। ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट, टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, देखो सब टू 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 है बराबर। अब मैंने बोला परफॉर्मेंस ऑडिट में ना तीन बातें आती है, इकोनॉमी की बात आती है, एफिशिएंसी की बात आती है, तथा इफेक्टिवनेस की बात आती है। इकोनॉमी में पता है क्या होता है, मेरे को है ना मिनिमाइज करना है कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज, यानी कि मेरा खर्चा है ना मेरा कम से कम रखना है, और मेरे को अप्रोप्रिएट क्वांटिटी का माल चाहिए, अप्रोप्रिएट क्वालिटी का माल चाहिए, और बेस्ट प्राइस पर मेरे को माल उठाना है, समझ रहे हो, मेरे को खर्चा मेरा कम से कम करना है, इसका मतलब पता है क्या है, बेस्ट प्राइस पे मेरे को माल उठाना है, और क्वालिटी क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए मालूम, एप्रोप्रिएट क्वालिटी होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट क्वांटिटी होनी चाहिए। इकोनॉमी नाम से ही तो आपको पता चल रहा है, इकोनॉमी यानी कि मेरे को सब सस्ते में अच्छी से अच्छी क्वालिटी और अच्छी से अच्छी क्वांटिटी चाहिए, लेकिन मैं सस्ते में सब निपटाना चाहता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ इकोनॉमी। अगला पता है क्या, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी इनपुट आउटपुट रेशियो, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, वही ये इनपुट आउटपुट रेशियो, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट अगर मेरे को चाहिए ना, या तो फिर गिवन आउटपुट के लिए मैं मेरा इनपुट मिनिमाइज करना चाहता हूँ, भाई घुमा फिरा के बात एक ही है, कम से कम आलू में ज्यादा से ज्यादा सोना निकालना है, कम से कम आलू में ज्यादा से ज्यादा सोना निकालना है, इसको मैं बोलता हूँ एफिशिएंसी।
इसका मेमोरी टेक्निक पता है क्या, एफिशिएंसी में जो एस्पेक्ट्स है ना उसका मेमोरी टेक्निक है रिसोर्सेज 3P3, रिसोर्सेज 3P3 मेरे साथ साथ बोलो, रिसोर्सेज 3P3, रिसोर्सेज 3P3, रिसोर्सेज 3P3, रिसोर्सेज 3P3, रिसोर्सेज 3 पता है क्या है, रिसोर्सेज आर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन, रिसोर्सेज आर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन, ह्यूमन फाइनेंशियल अदर रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज्ड, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीन तरह के रिसोर्सेज को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, रिसोर्सेज को मैं एफिशिएंटली यूज कर रहा हूँ, और ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को मैं यूज कर रहा हूँ, रिसोर्सेज को मैं प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, रिसोर्सेज में मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, रिसोर्सेज को मैं एफिशिएंटली यूज कर रहा हूँ। और पीपीपी, 3P है ना, 3P मैंने बोला, हाँ, साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो हुई है कि नहीं हुई है, एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स है ना सस्ते में निपटे कि नहीं निपटे, मेट कॉस्ट इफेक्टिवली, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स मेट कॉस्ट इफेक्टिवली, यानी कि पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव मेरे कॉस्ट इफेक्टिवली हुए, रिसोर्सेज 3P3, रिसोर्सेज 3P3, रिसोर्सेज 3P3, रिसोर्सेज 3P3, रिसोर्सेज है ना बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट हुई है, बढ़िया तरीके से मेंटेन हुई है, ठीक है। ह्यूमन फाइनेंशियल अदर रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हुई है, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज हुई है, ये हो गई मेरे रिसोर्सेज वाली बातें। अब P3, साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो हुए, एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो हुए, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स मेट कॉस्ट इफेक्टिवली, तो पब्लिक सेक्टर का पी उठाया, प्रोसीजर का पी उठाया, और प्रैक्टिसेस का पी उठाया, ठीक है, ये क्या थी एफिशिएंसी। अगला क्या आता है, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब पता है क्या, बहुत सिंपल है, एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड इन रिलेशन बिटवीन इंटेंडेड इंपैक्ट एंड एक्चुअल इंपैक्ट, यानी कि जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, मेरा इंटेंडेड इंपैक्ट क्या था और एक्चुअली में मेरे साथ क्या हुआ, एक्चुअली में तो मैंने सोचा था कि चांद सी महबूबा होगी मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, एक्चुअली में मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन एक्चुअली में पता है क्या हुआ, आपको पता है रियलिटी क्या है, ठीक है, समझ गए, ऐसी लड़कियां नहीं मिलती आजकल, अफसोस, इंटेंडेड इंपैक्ट एंड एक्चुअल इंपैक्ट, ठीक है, इंटेंडेड इंपैक्ट एंड एक्चुअल इंपैक्ट, इफेक्टिवनेस, एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड इन रिलेशन बिटवीन इंटेंडेड इंपैक्ट एंड एक्चुअल इंपैक्ट। तो मैंने तो इंटेंशन क्या किया था, चांस ही महबूबा होगी मेरी ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन एक्चुअल इंपैक्ट क्या हुआ जाने दो, ठीक है, जाने दो मतलब अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ भाई ऐसा मत सोचना, आओ आइडेंटिफाई टू, असेस 3, डिटरमाइन, ठीक है, होती तो फिर बुरा मान जाती, आओ आइडेंटिफाई टू, असेस 3 और डिटरमाइन, होती तो मेरी ये बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, ठीक है, आओ आइडेंटिफाई टू, असेस 3, डिटरमाइन, आइडेंटिफाई टू, असेस 3, डिटरमाइन, आइडेंटिफाई टू, असेस 3, डिटरमाइन, तो कितने पॉइंट हुए, 6 पॉइंट हुए, कोई भी 5 पॉइंट याद रख लो जिंदाबाद, क्या है ना सर इसमें क्या करना है, सुनो, आइडेंटिफाई मेरे को करना है फैक्टर्स इनहिबिटिंग सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस और गोल फुलफिलमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है मेरे को वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम्स वर्क मोर इफेक्टिवली, मेरे को है ना प्रोग्राम को और भी ज्यादा इफेक्टिवली करना है, समझ रहे हो, आइडेंटिफाई द वेज ऑफ मेकिंग वर्क प्रोग्राम मोर इफेक्टिवली, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, ऐसा बोलती है लड़कियां, तो बस वही है, आइडेंटिफाई द वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम वर्क मोर इफेक्टिवली, आइडेंटिफाई करो फैक्टर्स जिससे क्या हो, गोल फुलफिलमेंट हो, ठीक है, गोल मेरा क्या हो पाए, फुलफिल हो पाए, सेटिस्फैक्टरी मेरी क्या हो पाए, परफॉर्मेंस हो पाए, तो ये दो हो गए आइडेंटिफाई वाले पॉइंट। तीसरा, असेस करना है कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू प्रोग्राम, असेस करना है मेरे को इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम एंड इंडिविजुअल प्रोग्राम कंपोनेंट, और असेस करना है एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम टू मेजर मॉनिटर एंड रिपोर्ट प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस, और आखिरी डिटरमाइन कर दो एक्सटेंड टू विच प्रोग्राम अचीव रिजल्ट लेवल ऑफ प्रोग्राम रिजल्ट, यानी कि कितना मैंने रिजल्ट अचीव किया है, कितना मैंने रिजल्ट अचीव नहीं किया है, ठीक है, जो भी आपको याद हो अच्छे से करना, चलो आइडेंटिफाई दो, असेस के दो उठाओ, डिटरमाइन का एक उठाओ, याद करवाता हूं, आइडेंटिफाई करने फैक्टर्स गोल फुलफिलमेंट वाले, आइडेंटिफाई करने वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम वर्क मोर इफेक्टिवली, आइडेंटिफाई करने फैक्टर्स गोल फुलफिलमेंट वाले, आइडेंटिफाई करने वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम वर्क मोर इफेक्टिवली, आइडेंटिफाई करने फैक्टर्स गोल फुलफिलमेंट वाले, आइडेंटिफाई करने वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम वर्क मोर इफेक्टिवली, आइडेंटिफाई करने फैक्टर्स गोल फुलफिलमेंट वाले, आइडेंटिफाई करने वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम वर्क मोर इफेक्टिवली, दो तरीके असेस करने की चीजें, असेस करना है कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, असेस करना है इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, असेस करना है कंप्लेंस विद लॉ रेगुलेशन, असेस करना है इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, और डिटरमाइन करना है कि कितना मेरा काम हुआ है, डिटरमाइन एक्सटेंड टू विच प्रोग्राम अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोग्राम रिजल्ट, कितने मेरे रिजल्ट अचीव हुए हैं, कितने मेरे रिजल्ट अचीव होना बाकी है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, बस वैसे ही, कितना रिजल्ट अचीव हुआ है, कितना है बाकी, एक्सटेंड टू विच प्रोग्राम ने डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट अचीव किया। अब प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, इसके स्टेप्स हैं ना, स्टेप्स समझो, मेमोरी टेक्निक समझो, पहले तो समझो कि मेरे को क्या करना है, CA करना है, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, सेकंड पॉइंट कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, सीए में आने का 12th पास होना चाहिए, अप्रोच क्या, आपको मेहनत वाला अप्रोच रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस ट्रिकी आएंगे, एक्सपर्टीज के लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, मैट्रिक्स आपको देखना है, सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, टाइम टेबल बना के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और प्रोग्राम सारे कैंसिल कर देने पड़ेंगे, लड़कों जो आप प्रोग्राम करते थे ना पहले पार्टियों के, दारू के, सब कैंसिल, दोस्तों की शादी में जाना कैंसिल,
घर वालों के किसी भी फंक्शन में जाना कैंसिल, सारे के सारे क्या करने पड़ते हैं आपको, प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते हैं, समझ रहे हो मैंने बोला? हाँ, क्या बोल रहा हूँ, समझो कि मेरे को सीए करना है, ऑब्जेक्टिव मेरा है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करूंगा, क्राइटेरिया है कि 12वीं पास के बाद आप सीए में आ सकते हो, अप्रोच मेहनत वाला रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएंगे ट्रिकी, एक्सपर्टीज के लिए लगेगी कोचिंग, मैट्रिक सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप में आप फंस जाते हो, टाइम टेबल और प्रोग्राम सारे क्या करने पड़ेंगे कैंसिल। अब आप समझो इसको, प्लानिंग अंडरस्टैंडिंग एंटिटी और प्रोग्राम, यानी पहला क्या है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरे को सीए करना है, दूसरा डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तीसरा पॉइंट डिटरमाइनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या अपने सीए में आने के लिए 12th पास होना चाहिए, डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच, तो अप्रोच कैसा रखना है सीए में मेहनत वाला, डेवलपिंग ऑडिट क्वेश्चन, क्वेश्चंस कैसे होंगे ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, असेसिंग ऑडिट टीम स्किल्स एंड वेदर आउटसाइड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, ठीक है मैंने बोला एक्सपर्टीज के लिए कोचिंग में जाना पड़ेगा, यानी मेरे को इधर असेस करना है कि ऑडिट टीम मेरी कितनी अच्छी है या मेरे को बाहर की आउटसाइड एक्सपर्टीज की जरूरत है, प्रिपेयरिंग ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी कि सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप क्या मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, स्टेब्लिशिंग टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज यानी देखना पड़ेगा मेरे को टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और इंटीमेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिट एंटिटीज, यानी कि मेरे को ऑडिट प्रोग्राम को इंटीमेट करना पड़ेगा ऑडिट एंटिटीज को कि मैं आपके उधर ऑडिट करने आया हूं तो मेरे को ये ऑडिट प्रोग्राम रखना पड़ेगा, प्रोग्राम मेरे को पता है कैंसिल करना पड़ेगा, अब शादियों में जाना कैंसिल, आपने सीए चुन लिया है ना, इसीलिए अब बात समझना बड़े ध्यान से, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी और प्रोग्राम, यानी कि जो मेरा पहला वाला पॉइंट है ना अंडरस्टैंडिंग एंटिटी और प्रोग्राम, इसके अंदर है ना क्या बातें होगा मेरे को ध्यान में रखना है, देखो सोर्सेस, यानी मैं एंटिटी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कहां से करूंगा, तो देखो सर क्या मेमोरी टेक्निक है, D3 का पता है मतलब क्या है, तीन डॉक्यूमेंट, डी यानी कि डॉक्यूमेंट, तीन तरह के डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ एंटिटी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स 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 ऑफ एंटिटी का मतलब क्या है, पॉलिसी फाइल्स, एनुअल रिपोर्ट, अकाउंट्स, जितनी भी एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स है ना वो सारी बातें, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट यानी कि लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट ऑफ पे किसी को जो कि अपने ऊपर पढ़ा, लेटर्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो सारी आएगी लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट में, और तीसरा आएगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, इसमें आएगी डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डॉक्यूमेंट्री, वो सारी वगैरह, ठीक है, तो D3 का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंटिटी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंटिटी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, फिर क्या है साक, साक यानी कि स्पेशल फोकस ग्रुप्स, स्पेशल फोकस ग्रुप्स का मतलब रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की, आरबीआई की, एनजीओ की, एकेडमिक स्पेशल रिसर्च यानी कि इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन या कोई भी एकेडमिक रिसर्च जो कि गवर्नमेंट ने करी हो या साई ने करी हो, साई यानी कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जो भी पढ़ा था ना अपने ऊपर कैग और आईएएडी को मिला के जो बनेगा, फिर होता है अपने पास्ट ऑडिट यानी कि पास्ट के फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस ऑडिट, और मीडिया कवरेज यानी कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ नहीं है अंदर का अपने मन से लिखोगे चलेगा, लेकिन D3 और SAC एग्जामिनर को दिखा देना, D3 यानी कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंटिटी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंटिटी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, SAC यानी कि स्पेशल फोकस ग्रुप्स, एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च, पास्ट ऑडिट और मीडिया कवरेज, मैंने बोला ठीक है सर, डिटरमाइनिंग ऑडिट क्राइटेरिया, ठीक है अभी ऊपर था क्राइटेरिया क्या था अपने लिए 12th पास, तो उसके सोर्सेस क्या है, देखो सर 12th पास, पास मतलब पोस्ट, पास से मैंने क्या बना दिया पोस्ट, तो PPOOSS, तो देखो पीपी लिया है पहले का, प्रोसीजर का भी, पॉलिसी का भी, अदर का हो, ओपिनियन का हो, और साइंटिफिक का है, SSM का है, ठीक है मैंने बोला हाँ, इससे अपने को क्या करना है, याद करना है, आओ करवाते हैं, पहला क्या है प्रोसीजरल मैनुअल्स, प्रोसीजर मैनुअल्स, प्रोसीजर मैनुअल्स, दूसरा क्या है पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, डायरेक्टिव्स, गाइडलाइंस, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है प्रोसीजर्स मैनुअल्स, प्रोसीजर मैनुअल्स, प्रोसीजर मैनुअल्स, पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स, फिर ये हो गया पीपी, अब क्राइटेरिया यूज बाय सेम और अदर एंटिटी इन सिमिलर एक्टिविटी, मैं वो कॉम्पिटेटर को देखना है मेरा, क्राइटेरिया यूज बाय सेम और अदर एंटिटी, क्राइटेरिया यूज बाय सेम और अदर एंटिटी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, फिर न्यू और एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज एंड अदर इन्फॉर्मेशन और जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर्स, ठीक है सुन लो PPOOSS को याद करता हूं, प्रोसीजर मैनुअल्स, पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स, 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 क्राइटेरिया यूज बाय सेम अदर एंटिटी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, क्राइटेरिया यूज बाय सेम अदर एंटिटी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, क्राइटेरिया यूज बाय सेम अदर एंटिटी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, न्यू एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज या जनरल मैनेजमेंट एंड SM लिटरेचर, न्यू एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज या जनरल मैनेजमेंट SM लिटरेचर, न्यू एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज जनरल मैनेजमेंट SM लिटरेचर, न्यू एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज या जनरल मैनेजमेंट SM लिटरेचर, SM यानी कि सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर, समझ रहे हो मैंने बोला हाँ, PPOOSS, ठीक है मैंने बोला हाँ, अगला है डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच, अप्रोच कैसा रखना पड़ेगा, मेहनत वाला अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, इसके देखो मेमोरी टेक्निक क्या है, एनालिसिस 3 SUC, एनालिसिस 3 SUC, एनालिसिस 3 SUC, तीन तरह के एनालिसिस मेरे को देखने, सबसे पहले आएगा एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, प्रोसीजर यानी कि कंपनी जो भी काम कर रही है ना उसके बारे में क्या लिखा हुआ है अंदर, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स इन प्लेस फॉर प्लानिंग कंडक्टिंग चेकिंग मॉनिटरिंग एक्टिविटी, कंपनी जो भी एक्टिविटी कर रही है ना उसको प्लानिंग कर रही है, उसको एक्टिविटी को कर रही है, चेकिंग कर रही है, उन सबका पूरा का पूरा प्रोसीजर्स, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट यानी कि ऑडिटर क्या देगा ना, आउटपुट इनपुट एनालिसिस देखेगा टू डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम, अभी ऊपर एफिशिएंसी में बताया था,
रिजल्ट्स, यानी कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। तीसरा क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबल डेटा ऑफ फाइनेंशियल्स। क्वांटिटेटिव में क्या बातें आती है, फाइनेंशियल की, जैसे कि कितना पैसा कमाया, अर्निंग, रेवेन्यू कितनी हुई, डेटा ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन लाइक डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी। ठीक है, जितने भी क्वांटिटेटिव बातें सब किसमें आएगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आएगी। तीन तरह के एनालिसिस हो गए, एनालिसिस थ्री एंड एसयूसी। एनालिसिस थ्री यानी कि एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और एसयूसी का मतलब पता है क्या, सर्वेज, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन टू असेस इंटर रिलेशन ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन। कुछ नहीं, बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जनता से, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन से, वो होता है सर्वे। यूज ऑफ एक्जिस्टिंग डेटा, यानी कि ऑडिट स्टाफ है ना, वो इन्वेस्टिगेट क्या करेगा पता है, डेटा जो कि मैनेजमेंट के पास है या तो फिर अदर सोर्सेज के पास है। और केस स्टडीज, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ एंटिटी स्कीम प्रोग्राम, एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर इशू विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्डर। कुछ नहीं, केस स्टडी वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वगैरह करेंगे। एसओसी यानी कि सर्वे, यूज का यू ले लिया और केस स्टडी का सी ले लिया। ठीक है, मैंने बोला एनालिसिस थ्री और एसयूसी। डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच के क्या पॉइंट्स हैं, एनालिसिस थ्री और एसयूसी। एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और एसयूसी का मतलब पता है क्या है, सर्वेज, यूज ऑफ एक्जिस्टिंग डेटा और केस स्टडीज। सर्वेज, यूज ऑफ एक्जिस्टिंग डेटा और केस स्टडीज। अब बार बड़े ध्यान से सुनना, कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट के बारे में क्या है ना, सीएनजी कंडक्ट करता है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, अदर देन फील्ड ऑलरेडी कवर्ड बाय इंटरनल ऑडिट ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न्स और प्रोफेशनल ऑडिटर्स। यानी कि जो इंटरनल ऑडिट में कवर हो गया है ना, उसके अलावा की चीजें हैं ना, वो किसमें जाएगी, कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट में जाएगी, जो कि एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी जिसको बोलते हैं। यानी हमारा सीएनएजी पता है क्या करेगा, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट करेगा। वो सारी फील्ड के अलावा जो कि इंटरनल ऑडिट में कवर हो गई है, इसमें है ना, वीक एरियाज को क्या किया जाएगा, लोकेट किया जाएगा। ही लोकेट्स वीक एरियाज लोकेट किया जाएगा, लेकिन वो एरियाज को नहीं छूना है जो कि इंटरनल ऑडिट में हो गए। सर इसका मेमोरी टेक्निक पता है क्या है, इश्यूज या तो फिर कौन से मैटर्स में कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट में लेता हूँ, बात समझो, इश्यूज या मैटर्स, ऐसा क्वेश्चन बन गया। प्लैंड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आर एम एंड आर एंड इकोनॉमिकल। ये उसका मेमोरी टेक्निक है। पहला क्या है, प्लैंड हैज प्लैंड रेट ऑफ रिटर्न बीन अचीव्ड, क्या मैंने जो सोचा था वो रेट ऑफ रिटर्न मेरे को मिला कि नहीं मिला। दूसरा, क्या मेरी जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो गंदी तो नहीं है, इज देयर पुअर और इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये तो दूसरा। तीसरा, आर द सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, यानी प्रोजेक्ट को बनाने का सिस्टम और प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का सिस्टम साउंड है कि नहीं है, क्या उसमें कुछ लोचे हैं, यानी कि आर देयर एनी इनएडिक्वेसीज एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट। समझ रहे हो, मैंने बोला हाँ। उसके बाद, इफ एंटरप्राइज हैड एडिक्वेट सिस्टम ऑफ आरएनएम, यानी कि रिपेयर्स और मेंटेनेंस का सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के पास बराबर है या घटिया है, आर प्रोसीजर्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, प्रोसीजर इफेक्टिव इकोनॉमिकल, सस्ती है कि नहीं है, डज एंटरप्राइजेस आरएनडी प्रोग्राम, आरएनडी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और व्हाट इज द परफॉर्मेंस बाय अडॉप्टिंग न्यू प्रोसेस और न्यू टेक्नोलॉजी, कंपनी ने नए प्रोसेस लगाए आरएनडी करके, नई टेक्नोलॉजी लगाई तो उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, क्या मेरे कॉस्ट घट रहे हैं बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, वो मेरे को देखना है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करके क्या मेरे प्रॉफिट में बढ़ावा आ रहा है, क्या मेरे कॉस्ट में घटोतरी आ रही है, मैंने बोला हाँ। तो क्या है इसके मेमोरी टेक्निक, प्लैंड प्रोजेक्ट आरएम एंड आरएनडी इकोनॉमिकल। प्लैंड का मतलब क्या है, इस प्लैंड रेट ऑफ रिटर्न भी अचीव, क्या जो मैंने सोचा था वो रेट ऑफ रिटर्न मेरे को अचीव हुआ है या फिर वो रेट ऑफ रिटर्न मेरे को अचीव नहीं हुआ है। पुअर इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग तो नहीं है, प्रोजेक्ट फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन का सिस्टम साउंड है, उसमें कुछ इनएडिक्वेसीज तो नहीं है, कैपिटल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है, क्या एंटरप्राइज के पास रिपेयर्स मेंटेनेंस का सिस्टम बराबर है, क्या प्रोसीजर्स इफेक्टिव इकोनॉमिकल है, और क्या आरएनडी के प्रोग्राम्स बराबर है कि नहीं है, एंटरप्राइज के पास आरएनडी है कि नहीं है, आरएम एंड आरएनडी इकोनॉमिकल। सर समझ गए, मैंने बोला हाँ। अब आता है प्रोप्राइटी ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट में बात पता है किसकी चलती है, पीसीएस की बात चलती है। पीसीएस यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये होता है ट्रांजैक्शंस ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमन एक्सेप्टेड कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। क्या लिखा है, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमन एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, यानी कि पीसीएस। ऑडिटर ब्रिंग आउट करेगा केसेस ऑफ इम्प्रॉपर अवॉइडेबल इनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर इवन इफ एक्सपेंडिचर इज एज पर रूल्स, यानी कि एक्सपेंडिचर लॉ के हिसाब से है, एक्सपेंडिचर रूल के हिसाब से, तो भी इधर ऑडिटर पता है क्या देखता है कि अगर मैं ट्रेन से जा सकता था तो मैंने प्लेन का खर्चा तो नहीं कर दिया, यानी कि ऑडिटर देखते हैं कि क्या ये खर्चा इम्प्रॉपर तो नहीं है, ये खर्चा अगर अवॉइडेबल था ना तो ये खर्चा नहीं होना चाहिए था, यानी कि अगर मैं चल के जा सकता था तो मैं रिक्शा क्यों कर रहा हूं, अगर मैं ट्रेन से जा सकता था तो मैं प्लेन में क्यों जा रहा हूं, जितना से ज्यादा हो सके ऑडिटर को अवॉइडेबल खर्चों को कम करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्रायटी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार मार्क का क्वेश्चन। पहला पता है क्या प्रिंसिपल है, एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन व्हाट द ओकेशन डिमांड्स, यानी कि अगर किसी चीज पर मेरे को अगर ₹5 की जरूरत है ना तो उस पर ₹10 खर्च मत करना, क्यों, क्योंकि उसमें मेरे को ₹5 की जरूरत है। एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेशन डिमांड, जितना ओकेशन डिमांड कर रहा है ना उससे ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। पहला, एंड एवरी ऑफिशियल एक्सरसाइज सेम डिग्री ऑफ वाइजिलेंस फॉर एक्सपेंडिचर एज पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड फॉर ओन मनी, यानी कि आप सरकारी बंदो, ऑडिट ऑफ पीएससी ओपन पड़ रहे, तो सरकारी बंदों को पैसा मिला है ना जो
टैक्स का, तो उनको उसी तरीके से यूज करना है जिस तरीके से वो उनका खुद का पैसा है। खुद का पैसा आप कैसे एकदम बचा बचा के यूज करते हो, तो हर एक सरकारी ऑफिशियल को भी पब्लिक का पैसा इस तरीके से यूज करना है जैसा कि पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस यूज करेगा, जैसे यानी कि जैसा कि आम आदमी खुद का पैसा यूज करेगा ना वैसा ही। अब अथॉरिटी है ना, ये सरकार के पास जो पैसा है ना अपना ही पैसा है, यानी कि जनता का पैसा है, उसको एक्सरसाइज करना है अपना पावर सेंक्शन करने के लिए एक्सपेंडिचर टू पास ऑर्डर नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्रूइंग टू ओन एडवांटेज, यानी कि उन लोगों को खुद पैसा नहीं खा जाना है जनता का, ये जो बैठे हुए ना सरकारी ऑफिशियल्स, खुद पैसा मत खा जाना। सुन रहे हो सरकार, सरकार में से अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो सुनो मेरी बात, खुद पैसा मत खा जाना, अपने ओन एडवांटेज के लिए आप है ना सेंक्शन मत करना एक्सपेंडिचर। यानी कि आपको पता है ना सरकार क्या करती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने मित्र लोगों को दे देती है, समझ रहे हो, कि ब्रिज बनाने तो मैं मेरे मित्र लोगों को दे देता हूँ और फिर थोड़ा सा कमीशन खा लेते हैं, ओन एडवांटेज के लिए यूज करते हैं, खुद के या खुद के मित्रों के एडवांटेज के लिए। तो ऐसा कर मत देना यार, जो भी है जेन्युइन चीज करना, ठीक है, मैंने बोला। हाँ, उसके बाद फंड्स नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर और ग्रुप ऑफ पर्सन, सरकार आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए फंड्स को मत यूटिलाइज करना, पूरी जनता के फंड्स के मतलब पूरी जनता के लिए फंड्स को यूटिलाइज करना। ऐसा नहीं कि मैं खाली हिंदू के लिए फंड्स को यूटिलाइज करूंगा या खाली मुसलमान के लिए फंड्स को यूटिलाइज करूंगा, खाली सिख के लिए यूज करूंगा, खाली क्रिश्चियन के लिए यूज करूंगा, ऐसा नहीं करना, पूरे देश के लिए आपको फंड को यूज करना है। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्यूनरेशन नो अदर एवेन्यू केप्ट ओपन टू इनडायरेक्टली बेनिफिट मैनेजमेंट पर्सनल और एम्प्लॉइज और अदर्स, यानी कि जो भी सरकारी ऑफिसर है ना उनको उनका जो मेन पगार मिलेगा बस वो मिलेगा, उसके अलावा घूस खाने की कोशिश मत करना। ये बात इसके अंदर चार प्रिंसिपल है प्रोप्रायटी ऑडिट के। पहला प्रिंसिपल क्या है, एक्सपेंडिचर ओकेशन जितना ही होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओकेशन अगर बोल रहे हैं 5 रुपए तो 5 रुपए खर्च करो, 10 रुपए मत खर्च करना। फिर जैसा कि वो खुद का पैसा हो इस तरीके से बचा बचा के यूज करना। दूसरा पॉइंट क्या है, ओन एडवांटेज के लिए यूज मत करना पैसों को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए यूज मत करना, और रेम्यूनरेशन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अब फंक्शन ऑफ ऑडिटर क्या होंगे पता है प्रोप्रायटी ऑडिट में, ये ऊपर वाला क्या पॉइंट था, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्रायटी ऑडिट। अब क्या है, फंक्शंस क्या लिखा हुआ है, प्रोप्रायटी ऑडिट, पी फॉर प्रोप्रायटी, पी फॉर पीआर, पीआर का चैनल, पीआर का चैनल, पीआर का चैनल, याद करो मेरे साथ साथ पीआर का चैनल, पी फॉर प्लैंड, सी दैट ऑल द एक्सपेंडिचर इज प्रॉपरली प्लैंड, जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना सरकार जो भी एक्सपेंडिचर करती है देखना है कि उसका प्रॉपर प्लानिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आई फॉर इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट का मतलब पता है क्या है, सी दैट सब्सिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन कैन ब्रिंग इंप्रूवमेंट ऑन करंट ऑपरेशन प्लस रिटर्न फ्रॉम कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो भी रिटर्न आ रहा है, मतलब फिर करंट ऑपरेशन जो भी ना जो भी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं वो देखना है, उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, यानी कि अभी तो बढ़िया तरीके से काम नहीं हो रहा है लेकिन सब्सिट्यूट प्लान के द्वारा क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है क्या करंट ऑपरेशन में, और जो कैपेक्स से रिटर्न आ रहा है उसमें, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो रिटर्न आ रहा है उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है क्या सब्सिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन के द्वारा। तो आई फॉर इंप्रूवमेंट, ए फॉर एक्शन, एग्जामिन करने हैं एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट टू सी दैट दे आर कंडक्टिव टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड दे मीट द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। पता है अपन ने बोलते हैं ऊपर पीसीएस, ठीक है, तो पीसीएस के हिसाब से सारे एक्शन डिसीजन है कि नहीं है, पीसीएस के हिसाब से सारे एक्शन डिसीजन है कि नहीं है, और क्या है सर, आर, आर यानी कि अप्रेज वेदर एक्सपेंडिचर लाइकली टू गिव ऑप्टिमम रिजल्ट, जो भी खर्चे कर रही है ना सरकार उससे ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और आखिरी चैनल, सी दैट साइज एंड चैनल ऑफ एक्सपेंडिचर इज राइटफुल एंड एक्सपेक्टेड टू गिव मैक्सिमम रिजल्ट। चैनल ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि किस तरीके से वो खर्चा किया जा रहा है, किन किन पार्टियों के द्वारा वो खर्चा भेजा जा रहा है, यानी ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है, क्या चैनल है, और साइज यानी कि कितना बड़ा वो खर्चा है, तो जितना भी बड़ा खर्चा है वो मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है कि वो मैक्सिमम रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो मेरे को देखना है। पीआर का चैनल, पीआर का चैनल, पीआर का चैनल, पीआर का चैनल, समझ रहे हो, मैंने बोला कि यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर है प्रॉपरली प्लान होना चाहिए। आई यानी कि मतलब जो इंप्रूवमेंट है ना मेरे को देखना है कि सब्सिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन से मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं कि नहीं करंट ऑपरेशन से या रिटर्न फ्रॉम कैपेक्स में। ए से एग्जामिन करने मेरे को एक्शन जो है ना पीसीएस के हिसाब से है कि नहीं है। फिर आर से यानी कि अप्रेज करने एक्सपेंडिचर मेरे को ऑप्टिमम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और चैनल यानी कि देखना है साइज और चैनल बराबर हो जो कि मैक्सिमम रिजल्ट दे। प्रोप्रायटी ऑडिट में क्या प्रॉब्लम है पता है, डीपीएस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, डीपीएस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये तो मेरे साथ साथ आपको रट्टा ही मानना पड़ेगा। डीपीएस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर शायद से आ गया तो आपको रट्टा मानना है मेरे साथ साथ। डिस्टिंक्ट नेचर डी, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रपोजिशन पी, सब्जेक्टिव एस। सब्जेक्टिव का मतलब पता है क्या है, मैं बोल रहा हूं कि ये ओकेशन में 5 रुपए की जरूरत है, लेकिन सब्जेक्टिव ना आप बोल रहे हो 10 रुपए की जरूरत है, ठीक है, सबका अलग अलग दिमाग है। अब मैं बोल रहा हूं कि प्लेन से जाने का खर्चा मत करो, ट्रेन से चल जाओ, लेकिन आपके हिसाब से क्या है ना प्लेन से जाना जरूरी है, समझ लो, तो सब सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बातें हैं। डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स और स्टैंडर्ड्स फॉर कंडक्ट, यानी कि पीसीएस को डिटरमाइन करना मुश्किल है। तो सोल्यूशन क्या है ना, प्रिंसिपल्स बताए गए, नॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी बताए गए, पता है जो पेपर ने ऊपर चार प्रिंसिपल्स बताए, सरकार ने वो प्रिंसिपल्स बना दिए कि वो ओकेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, खर्चे को ऐसे करना जैसे कि मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कर रहा है, वो सारे प्रिंसिपल्स बना दिए, क्योंकि सब्जेक्टिव बातें हो रही थी ना, आपको कुछ और लग रहा था, मेरे को कुछ और लग रहा था, तो सोल्यूशन क्या लाया, सरकार ने नॉर्म्स बना दिए, प्रिंसिपल्स बना दिए, ठीक है। तो देखो तीन तो क्या हो गए, डीपीएस, डी यानी कि डिस्टिंक्ट नेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रपोजिशन और सब्जेक्टिव। अब ओ क्या है पता है, ऑब्जेक्टिव 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 यानी कि इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव,
ऑडिटर का जजमेंट ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ ना तो प्रोप्राइटरी ऑडिट काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, यानी कि प्रोप्राइटरी ऑडिट का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लाइक वाइक कर दो, इवेल्यूएशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का जजमेंट कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहा ना तो प्रोप्राइटरी ऑडिट काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, प्रोप्राइटरी ऑडिट का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। डीपीएस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, डीपीएस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, डीपीएस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, डीपीएस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। डी फॉर डिस्टिंक्ट नेचर, पी फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रपोजिशन, एस फॉर सब्जेक्टिव है तो सॉल्यूशन क्या लाए, नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी और दो हो गए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट, ऑब्जेक्टिव यानी कि इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, और ऑडिटर का जजमेंट भी ऑब्जेक्टिव है नहीं तो प्रोप्राइटरी ऑडिट बेकार हो जाएगा। अगला है ऑडिट रिपोर्ट जो कि कैग ने बनाई ना वो पार्लियामेंट को प्रेजेंट की जाएगी सेवरल पार्ट्स में। सर कौन सी सेवरल पार्ट में, बताएं, IRRR, IRRR में, आई में पता है क्या होगा, पहले होगा एक इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन में होगा जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, डीम गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉर्पोरेशन, यानी कि वर्किंग रिजल्ट, वो कंपनियां क्या करती है ना उसके रिजल्ट्स, यानी कि वो काम क्या करती है ना उसके बारे में एक जनरल रिव्यू दिया हुआ होगा। ठीक है, मैंने बोला पहले पार्ट में जनरल रिव्यू दिया होगा उस ऑडिट रिपोर्ट की। अगले में देखो, रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग्स कंडक्टेड बाय ऑडिट बोर्ड, यानी ऑडिट बोर्ड है ना किसी का अप्रेजल करेगी किसी का अप्रेजल नहीं करेगी, तो दूसरे वाले में क्या आ रहा है ना, जिनका अप्रेजल करेगी उनके बारे में बात है। चौथे बारे में बताया क्या है, सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अंडरटेकिंग्स नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय ऑडिट बोर्ड। चौथे में बताया क्या है, जिनके लिए अप्रेजल नहीं कर रही ना उनके बारे में बात किसमें कर दी है, चौथे में कर दी है, समझ रहे हो। दूसरे में किसके रिजल्ट है जिनका अप्रेजल हो रहा है, चौथे में किसके रिजल्ट है जिनका अप्रेजल नहीं हो रहा है, और तीसरा रेज्यूमे, रेज्यूमे का मतलब समरी ऑफ कंपनी ऑडिटर की रिपोर्ट जो कि सबमिट की गई है अंडर द डायरेक्शन ऑफ कैग, और जिसपे कैग के कमेंट्स हैं ऑन अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, यानी रेज्यूमे यानी कि समरी आएगी, इन शॉर्ट बोल सकते हो आप अकाउंट्स के ऊपर जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उसके ऊपर एक क्या आएगी, एक रेज्यूमे आएगा, एक समरी आएगी, और वो जो अकाउंट्स हैं किसके डायरेक्शंस में, मैंने कैग के डायरेक्शंस में मैंने उसमें कमेंट्स भी किसने दिए, कैग ने दिए। तो IRRR का पता है मतलब क्या हुआ, IRRR में पहले आया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में जनरल रिव्यू आएगा वर्किंग रिजल्ट का, रिजल्ट आएंगे वो कंपनी का जिनका अप्रेजल हुआ है, रिजल्ट आएंगे वो कंपनी का जिनका अप्रूवल नहीं हुआ है, सॉरी जिनका अप्रेजल नहीं हुआ है, और रेज्यूमे बनाएंगे, समरी बनाएंगे कंपनी के ऑडिटर रिपोर्ट की। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है ना, कुछ राज्यों के लिए, सर्टेन स्टेट्स के लिए कैग सबमिट करेगा सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट टू लेजिस्लेचर, वेल फॉर अदर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर देयर इज कमर्शियल चैप्टर इन मेन ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि कुछ कुछ स्टेट्स के लिए सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बन के जाएगी, और कुछ कुछ के केस में मेन ऑडिट रिपोर्ट में मैं एक अलग से चैप्टर ऐड करके दे दूंगा ऑडिट रिपोर्ट का। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, IRRR मेन था इसमें, IRRR आपको आएगा चार मार्क के क्वेश्चन में। प्रिंसिपल्स ऑफ पीएससी ऑडिट, जनरल प्रिंसिपल्स क्या है पता है, पहला है क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा है ऑडिट रिस्क, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड स्किल, प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर एंड स्केप्टिसिज्म। अब ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने लाइनिंग कर रखी है नीचे, ये पूरा एक पॉइंट है एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, फिर ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड स्किल ये दूसरा पॉइंट है पूरा, और प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर एंड स्केप्टिसिज्म में तीसरा पॉइंट है, यानी टोटल कितने आठ पॉइंट है। कैसे, तो बोला पहला पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा है ऑडिट रिस्क, तीसरा है मटेरियलिटी, चौथा है डॉक्यूमेंटेशन, पांचवा है कम्युनिकेशन, छठा है एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, सातवां है ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड स्किल, और आठवां है प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर एंड स्केप्टिसिज्म। ये क्या होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं पीएससी ऑडिट के, मेरे को इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते, लेकिन अगर आपको आ जाए तो आप इसमें से कोई भी चार पांच तो याद कर लेना। आओ मैं ही करवा देता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, बस इतने चार तो हो गए, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, चलो ना, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, बाकी के भी हो जाए तो देख लो अच्छे से, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, 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 क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन। अब प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस, तो देखो दो तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, दूसरे होते हैं ऑडिट के प्रिंसिपल्स। अब ये तो कॉमन सेंस है, एक बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। पहले है ना प्लानिंग करना है ऑडिट का, फिर कंडक्ट करना है ऑडिट को, और फिर रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप करना है। नॉर्मल सी बात है, पहले प्लानिंग करूंगा, फिर कंडक्ट करूंगा ऑडिट को, एंड में रिपोर्टिंग फॉलोअप करूंगा। तो प्लानिंग में तीन चार बातें अंदर की देख लो, एस्टैब्लिश मैं करूंगा टर्म्स ऑफ ऑडिट, तो जाहिर सी बात है अपन ऐसे 210 में बनाते हैं ना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑब्टेन करूंगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, वो तो अपन ऐसे 315 में करते हैं। कंडक्ट करूंगा रिस्क असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम एनालिसिस, आइडेंटिफाई करूंगा रिस्क ऑफ फ्रॉड, डेवलप करूंगा ऑडिट प्लान। ठीक है, जनरल जनरल सी बात है, अपन ऐसे 315 में अपन लोग रूम में आइडेंटिफाई करते हैं, 330 में अपन रिस्पॉन्ड करते हैं, पूरा ऑडिट प्लान बनाते हैं, ऐसे 240 में अपन फ्रॉड पता करते हैं। ठीक है, सारी बेसिक बेसिक सी बातें हैं, प्लानिंग में वो आती है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। कंडक्टिंग ऑडिट, मैं इधर परफॉर्म करूंगा प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, और इवेल्यूएट करूंगा ऑडिट एविडेंस को, कंक्लूजन निकालूंगा, बिना पढ़े ही आपको याद हो जाएगा। और एंड में रिपोर्टिंग फॉलोअप प्रिपेयर करूंगा, रिपोर्ट बेस्ड ऑन कंक्लूजन, और फॉलोअप मैं करूंगा रिपोर्टेड मैटर्स पे। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमिटमेंट कर देना कि वी विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए चैंपियंस।
इंटरनल ऑडिट आप लोगों को घोट के पिला दूंगा, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाऊंगा, भी रट्टा भी मरवा दूंगा, क्योंकि रट्टे बिना के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमिटमेंट कर देना कमेंट में, दैट एसए विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन ऑडिट, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ, फटाफट तरीके से इंटरनल ऑडिट की जर्नी को आसान बना देते हैं। मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट एश्योरेंस, एक एक चीज को मैं क्या करूंगा, रटवाऊंगा आप लोगों को, तो प्लीज मेरे साथ साथ पीछे पीछे रिपीट करते जाना। इंटरनल ऑडिट में को पता है क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंडिपेंडेंट एश्योरेंस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू एनहेंस गवर्नेंस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट मेरे को किसके बारे में बताया, एश्योरेंस दे रहा है इंटरनल कंट्रोल के बारे में। इंटरनल ऑडिट किसके बारे में दे रहा है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में, इंटरनल कंट्रोल के बारे में एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। जिससे क्या दो चीज अच्छी हो रही पता है, गवर्नेंस अच्छा हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अच्छे हो रहे हैं। क्या लिखा है, गवर्नेंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, गवर्नेंस अच्छा हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अच्छा हो रहा है, गवर्नेंस अच्छा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अच्छा हो रहा है। मेरे साथ साथ रिपीट करो, इंटरनल ऑडिट जो है, इंटरनल ऑडिट उससे किस पे, मतलब मैं किस बात का एश्योरेंस दे रहा हूं, किस बात का मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि क्या अच्छा है, तो मैंने बोला इंटरनल कंट्रोल अच्छा है एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छा है। इंटरनल कंट्रोल अच्छा है एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छा है, और क्या दो चीज पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या दो चीज अच्छी होगी, मैंने बोला गवर्नेंस अच्छा होगा और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अच्छे होंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अच्छी होंगे, ठीक है। इंटरनल ऑडिट से मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट से मेरा किस पे मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि क्या अच्छा है, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। देखो कर्सर को देखो, इंटरनल ऑडिट से क्या किस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, इंटरनल कंट्रोल पे एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पे, जिससे गवर्नेंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अच्छा हो रहा है, गवर्नेंस भी अच्छा हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहे हैं। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज पर एसए 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जो अपना एसए 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का। तो बात समझो, जो भी सब्जेक्ट्स है ना आपके, वो है इसका मेमोरी टेक्निक, एफआर ऑडिट लॉ SCMP रिस्क मैनेजमेंट और GFRS, ठीक है। ये अपने छह सब्जेक्ट, FR ऑडिट लॉ, SCMP रिस्क मैनेजमेंट, GFRS। FR ऑडिट लॉ ये पता है पुराने वाले उसके ग्रुप वन में होते थे, पुराने वाले कोर्स के, और SCMP वो ग्रुप टू में होता था, रिस्क मैनेजमेंट वो इलेक्टिव में होता था, और GFRS वो भी इलेक्टिव में होता था, अगर आपको याद हो तो। मैंने बोला हाँ जी सर याद आ गया, FR ऑडिट लॉ, SCMP रिस्क मैनेजमेंट और GFRS, सर समझ गए। FR ऑडिट लॉ, SCMP रिस्क मैनेजमेंट, GFRS, FR ऑडिट लॉ रिस्क मैनेजमेंट, FR ऑडिट लॉ, SCMP रिस्क मैनेजमेंट, GFRS, FR ऑडिट लॉ, SCMP रिस्क मैनेजमेंट, GFRS, FR ऑडिट लॉ, SCMP रिस्क मैनेजमेंट, GFRS। अब बात समझो सर, FR में क्या बोलना चाह रहा हूँ, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो क्या होता है सर मेरा FR, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल है ना सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अपना क्या है ना FR, तो क्या हो गया पहले फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। अगला क्या है, ऑडिट मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सर इंटरनल कंट्रोल करके आप शब्द किस में पढ़ते हो, मैंने बोला ऑडिट सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ इसलिए वो। फिर क्या है ना, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस, लॉ कितनी अच्छी तरीके से फॉलो हो रहा है वो मेरे को देखना है, तो तीसरा वाला क्या है लॉ। चौथा क्या है SCMP, SCMP में पता है क्या देखते थे, कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में देखते थे, तो रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोले तो SCMP। और उसके बाद क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस, तो सर जी फॉर गवर्नेंस, जी फॉर GFRS, जी फॉर गवर्नेंस, जी फॉर GFRS, सर समझ गए क्या बोल रहा हूँ। FR के लिए मैंने बोला फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन, ऑडिट के लिए मैंने बोला मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, लॉ के लिए मैंने बोला रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, SCMP के लिए मैंने बोला रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, RM के लिए मैंने बोला रिस्क मैनेजमेंट, और GFRS मैंने क्या बोला गवर्नेंस, सर समझ गए। मैंने बोला अब बात समझने की कोशिश करना, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन में एग्जाम्पल क्या है, देखो सब मैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या एग्जाम्पल है ना, इंटरनल ऑडिट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड, सेल्स कमीशन टू आइडेंटिफाई करेक्टनेस ऑफ रेवेन्यू। यानी कि मैं क्या चेक कर रहा हूँ पता है, रेवेन्यू जो मैंने सेल्स से, मैंने जो सेल्स करी है ना वो चेक कर रहा हूँ, सेल्स कमीशन चेक कर रहा हूँ, सेल्स रिकॉर्ड का इंटरनल ऑडिट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात, की चैप्टर क्या है इंटरनल ऑडिट के बारे में, तो जो भी फाइनेंशियल वाली चीजें हैं तो उसमें क्या एग्जाम्पल है, रेवेन्यू, ठीक है। ये फाइनेंशियल वाला पॉइंट जो है ना, पहला वाला पॉइंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, इसमें सारी फाइनेंशियल चीजें आएगी, तो वैसा ही क्या एग्जाम्पल है, इन लोगों ने रेवेन्यू एक फाइनेंशियल चीज है तो वो इन लोगों ने एग्जाम्पल में डाल दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अपना मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसमें ना थ्री वे मैच होगा, परचेज ऑर्डर का, मटेरियल रिसीट का और वेंडर इनवॉइस का। जब भी मैं परचेज करता हूं ना, तो ये तीन इनवॉइस को मैं क्या करता हूं, मैच करता हूं आपस में, किन किन को, परचेज ऑर्डर को, मटेरियल रिसीट को और वेंडर इनवॉइस को, ये तीन चीजों को मैं क्या करता हूं आपस में मैच करता हूं, उसको मैं बोलता हूं थ्री वे इनवॉइस, ये मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इस तरीके से तीनों को मैच करके मैं देख पाता हूं कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या इंटरनल कंट्रोल बुरा है। उसके बाद थर्ड वाला जो है ना, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस, इसका एग्जांपल है न्यू टैक्स रिजीम। तो आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम आई, तो मेरे को देखना है कि नए वाले टैक्स रिजीम से फॉलो किया गया है या उसको फॉलो नहीं किया गया। चौथा पॉइंट क्या है मेरा, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसका क्या
एग्जांपल ये लोगों ने रिव्यू करने मेरे को इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक्टिविटी एंड हैंडलिंग, मेरे को देखना है कंपनी किस तरीके से अपने इन्वेंटरी को, अपने स्टॉक को हैंडल कर रही है, अपने स्टॉक को कैसे वो मेंटेन कर रही है, बराबर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। इन लोगों ने मॉड्यूल में क्या एग्जांपल दिया था, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया था, अपने ऑपरेशंस में इन्वेंटरी कैसे मेंटेन करा है वो। अगला है रिस्क मैनेजमेंट, तो इन लोगों ने क्या लिया है ना, रिस्क एक्सपोजर मेरे को देखना है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप एफआर में पढ़ रहे हो ना उसका रिस्क मैनेजमेंट ये लोग देख रहे हैं, मैंने बोला ठीक है। और गवर्नेंस में पता है क्या देख रहे हैं, गवर्नेंस एंड एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज, के एथिक्स और वैल्यूज का गवर्नेंस वो लोग देख रहे हैं कि एथिक्स वैल्यूज बराबर फॉलो हुए कि नहीं हुए, एथिकल प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो किया गया कि नहीं किया गया है, वो सब गवर्नेंस में देखा जा रहा है, मैंने बोला ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लाई एनी वन, यानी कि इसमें से कोई भी एक कंडीशन आप कंप्लाई कर लोगे तो आपको इंटरनल ऑडिट लग जाएगा। पहला क्या है ना, लिस्टेड कंपनी, यानी कि हर लिस्टेड कंपनी को लगेगा हमारा इंटरनल ऑडिट का रिक्वायरमेंट। अगला है ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है ना 50 करोड़ और मोर है पिछले साल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, या तो फिर टर्नओवर जो है ना 200 करोड़ और मोर है पिछले साल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, या तो फिर आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज मोर देन 100 करोड़ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में जो उनका लोन का अमाउंट है ना, आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पूरे साल में कभी भी किसी एक दिन भी अगर मोर देन 100 करोड़ चला गया ना तो उनको क्या लग जाएगा, इंटरनल ऑडिट लग जाएगा। इधर एक बात ध्यान रखना है, 100 करोड़ और मोर नहीं है, मोर देन 100 करोड़ है। और उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पता है ध्यान रखने जैसी बात क्या थी, लोन और डिपॉजिट के केस में एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को चेक करना है, और जो पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर है ना उसमें पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर मेरे को चेक करना है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है साल भर में कभी भी अगर ऐसा हो गया ना तो फिर क्या लग जाएगा आपको, इंटरनल ऑडिट लग जाएगा। उसके बाद प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में है ना दूसरी और तीसरी वाली, यानी कि ये दो कंडीशन देखनी है मेरे को, टर्नओवर अगर 200 करोड़ और मोर है इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, या तो फिर आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोर देन 100 करोड़ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो हमारा इंटरनल ऑडिट प्यारा प्यारा लग जाएगा। बाकी जो दो कंडीशन है पेड अप शेयर कैपिटल की और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट की, वो जाए भाड़ में, कंप्लाई आपको करना है विदिन 6 मंथ्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कि एक बार ये ऊपर वाली जो कंडीशन है, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर हो गई, टर्न ओवर 200 करोड़ और मोर हो गई, ये सारी कंडीशन है ना, ये जैसे ही अप्लाई हुई ना तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इंटरनल ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा। उसके बाद हु फॉर्मुलेट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, कौन बनाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो मैंने बोला सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट में ऑडिट कमेटी या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं किसके साथ मिलकर, तो मैंने बोला विद मैनेजमेंट एंड चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिट, ठीक है, मैंने बोला हाँ। और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना उसके लिए कौन बनाते हैं, तो मैंने बोला दोज हू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं ना वही बनाते हैं, मैंने बोला ठीक है सर समझ गए। अब इंटरनल ऑडिटर ये है वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी हो सकता है इंटरनल ऑडिटर, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी हो सकता है, फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल यानी कि ठीक है मेरे जैसे इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कोई कंपनी भी इंटरनल ऑडिटर हो सकती है, सीए सीएम है कोई भी हो सकता है, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएम यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट, भले वो प्रैक्टिस कर रहा हो या वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो, या कोई ऐसा प्रोफेशनल जो कि बोर्ड ने डिसाइड किया है ना वो भी हमारा इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी वो कंपनी का कर्मचारी हो भी सकता है, कर्मचारी नहीं भी हो सकता है, और वो असिस्टेंट नहीं होता है, वो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, मैंने बोला ठीक है सर समझ गया। अगली बात ऐसे देखो, जैसे ना ऑडिट में क्या लगता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में एसएस लगते हैं, वैसे इधर है ना सीआ लगता है, सीआ स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, तो सीआ 210 जिसका नाम है मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है, उसका नाम क्या है मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, वो क्या बोल रहा है ना, इंटरनल ऑडिट फंक्शन डज एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल ऑडिट फंक्शन कुछ एक्टिविटीज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो वो कौन सी एक्टिविटीज है ना इसके बारे में सवाल है। अब मेरे साथ साथ रिपीट करना, बाहर अंदर अंदर बाहर फाइनलाइजेशन, बाहर अंदर अंदर बाहर फाइनलाइजेशन, बाहर अंदर अंदर बाहर फाइनलाइजेशन, रिपीट करो मेरे साथ साथ, बाहर अंदर अंदर बाहर फाइनलाइजेशन, बाहर अंदर अंदर बाहर फाइनलाइजेशन, बाहर का मतलब पता है क्या है, पहला आइडेंटिफाई सोर्स एंगेज एंड मैनेज एक्सटर्नल एक्सपर्ट एंड टेक्निकल सोल्यूशन, यानी कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट, यानी कि क्या बोला मैं बाहर, समझ रहे हो, मेरे को आइडेंटिफाई करना है, सोर्स करना है, एंगेज करना है, मैनेज करना है, नहीं वो किसको लेके आना है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट करो, एक्सटर्नल एक्सपर्ट क्या दे रहा है मेरे को, टेक्निकल सोल्यूशन दे रहा है, तो बाहर एक्सटर्नल एक्सपर्ट। दूसरा क्या है अंदर, अंदर यानी कि मेरे को अंदर बनाना है ना प्लान, डिफाइन मेरे को करना है ओवरऑल प्लान स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन पीरियडिकली, ठीक है, मेरे को अंदर क्या बनाना है, अंदर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे को बनाना है प्लान स्कोप मेथोडोलॉजी, मेरे को सब डिसाइड करना है, मैंने बोला ठीक है। अगला क्या है तीसरा, वापस से अंदर, अंदर यानी कि डेवलप करना है मेरे को क्वालिटी इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, तो भी मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना है ना, क्वालिटी वगैरह कैसी है, मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, वो सारी बातें मेरे को करनी अंदर, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है बाहर,
कम्युनिकेट एंड एंगेज स्टेक होल्डर्स अबाउट प्रोग्रेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के बाहर होते हैं स्टेक होल्डर्स, तो उनके साथ मेरे को कम्युनिकेट करना है, उनके साथ मेरे को बातें करनी है। और एंड में क्या है ना, फाइनलाइजेशन। फाइनलाइजेशन यानी इसमें मैं क्या करूंगा पता है, मॉनिटर करूंगा ऑडिट असाइनमेंट को, पूरी प्लानिंग करूंगा, एग्जीक्यूशन करूंगा, रिपोर्ट बनाऊंगा, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग करूंगा, क्लोजर करूंगा ऑब्जर्वेशन का। क्लोजर करके मतलब मैं रिपोर्ट बनाता हूं, उसके बाद सब क्लोज कर देता हूं, ठीक है सब ये हो गया, रिपोर्ट एंड में सब क्लोज वोज करके मैं क्या कर देता हूं, रिपोर्ट सबमिट कर देता हूं। तो फाइनलाइजेशन का जितना भी काम है वो मैं लूंगा। तो एक्टिविटीज कौन सी करनी, बाहर अंदर अंदर बाहर फाइनलाइजेशन, बाहर अंदर अंदर बाहर फाइनलाइजेशन। बाहर के कौन, मैंने बोला एक्सटर्नल एक्सपर्ट। अंदर का कौन, मैंने बोला अंदर बैठ के प्लान बनाऊंगा, अंदर बैठ के क्वालिटी इवैल्यूएशन करूंगा, इंप्रूवमेंट प्रोग्राम करूंगा। फिर बाहर बैठ के मैं स्टेक होल्डर्स को देखूंगा कि स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट क्या करना है, स्टेक होल्डर्स के साथ क्या एंगेज करना है, ठीक है, मतलब उनके साथ बातें करूंगा इन शॉर्ट। और फाइनलाइजेशन, फाइनलाइजेशन बोले तो मॉनिटर करूंगा, ऑडिट असाइनमेंट प्लानिंग करूंगा, एग्जीक्यूशन करूंगा, रिपोर्टिंग करूंगा, जितना भी फाइनलाइजेशन का काम है वो मैं करूंगा बैठ के, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फंक्शन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के मामले में इंटरनल ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो क्योंकि ये अकाउंटिंग फंक्शन के बारे में बात करें, दो पॉइंट अकाउंटिंग के आएंगे, फिर आएगा सू। अकाउंटिंग के दो पॉइंट और फिर क्या आएगा, सू। अकाउंटिंग के दो पॉइंट और फिर क्या आएगा सर, सू। अब बात समझो सर, अकाउंटिंग के दो पॉइंट कौन से, जो हमारा इंटरनल ऑडिटर है ना, ऑपरेट करेगा इंडिपेंडेंटली ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ एंड नॉट डाइवेस्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा नहीं। जो हमारा इंटरनल ऑडिटर है ना, वो अकाउंटिंग स्टाफ से अलग होकर काम करेगा, इंडिपेंडेंटली काम करेगा, और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा नहीं। वो है पहला पॉइंट, ठीक है, अकाउंटिंग वाला। उसके बाद अकाउंटिंग वाला अगला पॉइंट पता है क्या है, एसर्टन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, यानी अपने को देखना है कि असेट्स मिस अप्रोप्रिएट नहीं हो रही, चोरी वगैरह नहीं हो रही है, और अकाउंटिंग प्रोसीजर को ध्यान में रखना है, उसका मेरे को क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। मैंने बोला ठीक है, ये तो दो हो गए अकाउंटिंग वाले पॉइंट। अब एस डबल ओ सू का क्या मतलब है, इंटरनल ऑडिटर का है ना इंडिपेंडेंट स्टेटस रहेगा, ये है अपना पहला पॉइंट, ठीक है, एस फॉर स्टेटस। तो सू में क्या है ना, एस फॉर स्टेटस। वो क्या है, ऑब्जर्व करना है फैक्ट्स, जो इंटरनल ऑडिटर है ना वो ऑब्जर्व करेगा फैक्ट्स को और अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा, क्रिटिकली अप्रेस करेगा मैनेजमेंट पॉलिसी को और डेफिशिएंसी देखेगा उसमें, यानी कि मैनेजमेंट की पॉलिसी को जांचेगा और देखेगा उसमें क्या कमियां हैं, ठीक है। फिर अगला वो पता है किसका है, नॉट परफॉर्म एग्जीक्यूटिव फंक्शन सो दैट ऑब्जेक्टिव इज इन ऑब्स्क्योर्ड बाय इंटरेस्ट, यानी कि है ना हमारा इंटरनल ऑडिटर कोई भी नॉर्मल काम नहीं करेगा कंपनी के, एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं करेगा, नहीं तो फिर उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है समझ गया, यानी कि अकाउंटिंग के दो काम है और सू, ठीक है, अकाउंटिंग के दो काम है सू। सर याद कैसे रखोगे, मैंने बोला एक क्वेश्चन क्या है, अकाउंटिंग फंक्शन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लेकर के इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें अकाउंटिंग वाला तो आएगा ही सर, अकाउंटिंग के दो काम तो आएंगे ही, उसके अलावा सू आएगा। अकाउंटिंग के दो काम है पता है, पहला क्या है, ऑपरेट करूंगा मैं इंडिपेंडेंटली ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, यानी कि उनसे मैं अलग होकर काम करूंगा और मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डाइवर्स नहीं करूंगा, यानी कि भागूंगा नहीं। उसके बाद मेरे को एग्जामिनेशन करना है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का और मेरे को सेफगार्ड रखना है अगेंस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, हो गया अकाउंटिंग के दो काम। सू यानी कि इंटरनल ऑडिटर का इंडिपेंडेंट स्टेटस रहेगा, एस वो यानी कि मैं फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके अथॉरिटी को रिपोर्ट करूंगा और मैनेजमेंट की पॉलिसी चेक करूंगा, उसमें डेफिशिएंसियां निकालूंगा, कमियां निकालूंगा, और मैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म नहीं करने वाला, वो है ठीक है। ठीक है, ऑब्स्क्योर लिखा हुआ ना, इज इट ऑब्स्क्योर्ड बाय इंटरेस्ट, तो उसका मैंने ओ लिया है ऑब्स्क्योर, और इधर देखो इधर लिखा है ना ऑब्जर्व करूंगा फैक्ट्स, तो इसका मैंने यहाँ पे ओ लिया है, समझ रहे हो, मैंने बोला हाँ। अब बात समझो अगली, इंटरनल ऑडिट प्लान, जो इंटरनल ऑडिट प्लान होता है ना वो कौन बनाता है, डेवलप्ड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय इंटरनल ऑडिटर। अरे भाई ये तो कहने की बात थी क्या, जाहिर सी बात है इंटरनल ऑडिटर ही इंटरनल ऑडिट का प्लान बनाएगा इन कंसल्टेशन विद TCWG इंक्लूडिंग ऑडिट कमेटी। किसके साथ कंसल्टेशन करके, मैंने बोला TCWG और ऑडिट कमेटी के साथ कंसल्टेशन करके, डेवलप्ड इन अ वे दैट ऑल द बिजनेस प्रोसेसेस ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ठीक है, जितने भी काम है ना, जितने भी काम है, कौन से काम, चाहे वो रुपए वाले काम हो यानी फाइनेंशियल, चाहे वो बिना रुपए के काम हो यानी कि ऑपरेशनल काम, आर रिव्यूड बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन, यानी कि जितने भी काम है वो चेक किए जाएंगे हमारे इंटरनल ऑडिटर के द्वारा विद इन डिफाइंड टाइम, कितने लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमारे इंटरनल ऑडिटर सारे काम को चेक करेगा, सारे के सारे काम की बात चल रही है, फाइनेंशियल वाले भी ऑपरेशनल वाले भी, एंड एंश्योरिंग अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन एंड बैलेंस एंश्योर्ड टू फॉलोइंग, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। अगर इंटरनल ऑडिटर सोचेगा कि मेरे को ये काम में से मान लो 100 रुपये आ रहे हैं, मेरे को ये काम में से कितने आ रहे हैं 100 रुपये आ रहे हैं, तो बेनिफिट है ना ज्यादा मिलना चाहिए, बेनिफिट 150 रुपये का मिलना चाहिए, तभी तो 50 रुपये का फायदा होगा, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा। यानी कि जो इंटरनल ऑडिट का प्लान होगा वो इंटरनल ऑडिटर बनाएगा इन कंसल्टेशन विद हमारा दोस्त चार्जेस गवर्नेंस इंक्लूडिंग ऑडिट कमेटी, और वो सारा का सारा चीज चेक करेगा, फाइनेंशियल वाला भी यानी कि रुपए वाला भी और ऑपरेशनल वाला भी, एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके 5 चीजों के बारे में पता लगाएगा। पता है 5 चीज कौन सी, रिस्क रिस्क वेक, रिस्क रिस्क वेक, रिस्क रिस्क वैक, मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, रिस्क रिस्क वैक, रिस्क रिस्क वैक, रिस्क रिस्क यानी कि पहला रिस्क अंडरलाइंग बिजनेस प्रोसेस, यानी कि कंपनी को क्या क्या रिस्क का सामना करना पड़ रहा है, रिस्क एपेटाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी की रिस्क लेने की कितनी ताकत है, ठीक है, वैक वैक यानी कि वैल्यू दैट इंटरनल ऑडिटर कैन प्रोवाइड टू ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑडिट से कंपनी को क्या फायदा मिल रहा है, पहला एफर्ट इन्वॉल्व टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट फॉर पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, यानी कि इंटरनल ऑडिट करने में कितनी मजूरी लग रही है, और कवरेज ऑफ ऑल ऑडिटेबल एरियाज विद इन डिफाइंड टाइम रेंज, यानी कि डिफाइंड जो टाइम पीरियड है ना उसमें कितने एरियाज को कवर कर रहा है हमारा इंटरनल ऑडिट। सर समझ गए, मैं रिस्क रिस्क वैक, रिस्क रिस्क वैक, रिस्क रिस्क वैक,
समझ गए मैंने बोला हाँ, रिस्क अंडरलाइन बिजनेस प्रोसेस यानी कि क्या क्या रिस्क है कंपनी के, रिस्क कैपिटल यानी कंपनी की रिस्क लेने की ताकत कितनी है, वैल्यू दैट इंटरनल ऑडिट कैन प्रोवाइड टू ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरनल ऑडिट से क्या फायदे हैं, कितना एफर्ट जा रहा है, कितनी मजदूरी जा रही है और कवरेज कितना हो रहा है ऑल ऑडिटेबल एरियाज का। अब अगला आता है पॉइंट स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क, देखो इसका क्या मेमोर टेक्निक है, आईसीसी यूरोवा मेरे साथ साथ रिपीट करो मेरे भाई बहनों, आईसीसी यूरोवा आईसीसी यूरो, समझ रहे स्कोप क्या है इंटरनल ऑडिटर काम का, तो देखो रिव्यू ऑफ आईसीसी यूरोवा, आई यानी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, फिर सी यानी के रिव्यू ऑफ कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, फिर सी यानी के रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद पॉलिसीज प्लान्स प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस, तो ये क्या हो गया अपना आईसीसी, ठीक है, पहले में क्या रिव्यू किया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स यानी कि आई, फिर रिव्यू ऑफ कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स यानी कि सी, फिर तीसरे में रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद पॉलिसीज प्लान्स प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस यानी कि सी, और फिर यूरोवा, यूरोवा का क्या मतलब है बताए, रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यू फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर आर फॉर ये रहा यहाँ पे रिव्यू ऑफ रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है वो आर, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि ओ, और रिव्यू ऑफ एकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि यूरोवा, ठीक है। मैंने बोला आप खाली ये हेडिंग अच्छे से लिख के आ गए और अंदर आपने थोड़ा मन का भी चिपका दिया ना, तो पक्का आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें अंदर माथा फोड़ी ज्यादा कर रहा है तो भी मैं आपको अंदर सब समझा देने वाला हूँ। आईसीसी यूरो में रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, अंदर का मैं चलो आपको पढ़ाता हूँ, असेसिंग डिजाइन ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ आईसीसी सिस्टम, ठीक है बस इतना पढ़ लो कि तो भी चलेगा, वो क्या देखना है मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डिजाइन क्या है वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है बेसिक भाषा में समझो, अंदर बहुत ज्यादा मत पढ़ने बैठना, अपने भाषा में लिख दो चलेगा, ऊपर से खाली ऊपर से ऐसा पढ़ लेना, ठीक है क्या देखना है मेरे को सुन लो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या देखना है इफेक्टिवनेस, चलो मैं जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ उतना ही कर लो, इफेक्टिवनेस मेरे को देखना है, मेरे को है ना कॉस्ट बेनिफिट कंपेरिजन करना है और देखना है कोई ह्यूमन एरर तो नहीं है, बस इतना, इफेक्टिवनेस देख लो कॉस्ट बेनिफिट कंपेरिजन करो देख लो ह्यूमन एरर तो नहीं है, बस इतना देख लो कि चलेगा, ठीक है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई इफेक्टिवनेस देखना है कितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कॉस्ट बेनिफिट कंपेरिजन करो ह्यूमन एरर, उसके बाद रिव्यू ऑफ कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट यानी मेरे को पहले तो देखना एक्जिस्टेंस ऑफ असेट यानी कि सच में वो असेट उधर है कि नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगाई है कि नहीं लगाई है यानी कि दो अलग अलग बंदों को रखा गया है कि नहीं रखा गया, इंटरनल कंट्रोल तगड़ा है कि नहीं है, सारे असेट्स की अकाउंटिंग बराबर तरीके से की गई है कि नहीं की गई है, बस इतना पढ़ लिया आपने, ठीक है अंदर का। उसके बाद अगला सीखा है रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद पॉलिसीज प्लान्स प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन, इसमें आपने क्या पढ़ लेना है देख लो, एग्जामिन करो सिस्टम ऑफ पीरियोडिकल रिव्यू, तो ठीक है पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ पॉलिसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है इतना देख लो, और कोई वीकनेस है कि नहीं और उसका रेमेडियल एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना ऊपर से देख लोगे चलेगा, ठीक है सर अंदर का ज्यादा माथाफोड़ी मत करना, मैं आपको जिस चीज पे फोकस कर रहा हूं उस चीज पे फोकस करना, मेन पॉइंट पे आपने फोकस करना है, ठीक है ये हो गया अपना आईसीसी। अब यूरो पे आता हूं, रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो यूटिलाइजेशन यानी कि मेरे को देखना है प्रॉपर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, मेथड क्या था वो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को बनाने का, बस उसमें इतना लिख के आ जाना बहुत हो गया, ठीक है सर अंदर माथा फोड़ी नहीं, ये था अपना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आता है अपना आर, आर यानी कि रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो मेरे को रिव्यू करना है इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सर व्हाट डू यू मीन बाय इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब आप टैली समझ सकते हो, ठीक है टैली आप समझ सकते हो, तो बस रिव्यू करना है मेरे को इन्फॉर्मेशन सिस्टम और एग्जामिन करना है रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन तो नहीं है, रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन का मतलब पता है क्या आता है, एक ऐसी रिपोर्ट जो कि हाईलाइट कर रही है सिग्निफिकेंट एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जो कि अलग अलग फीचर्स बता रही है अपने, ठीक है ये रट्टा मार लो शब्द को, रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन ये कीवर्ड के आपको मार्क मिलेंगे, रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन, रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन से आप मतलब समझो क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट जो कि मेरे को डिफरेंट फीचर्स के बारे में बता रही है, रिपोर्ट हाईलाइट क्या कर रही है सिग्निफिकेंट एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में जो कि हाईलाइट कर रही है, ये हो गया अपना आर। ओ फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें बहुत सारे पॉइंट है, कोई भी 3-4 पॉइंट याद कर लो, क्या लिखा हुआ है रिव्यू द मैनर इन विच एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज ग्रुप्ड फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, यानी कि कंपनी का है ना हायरार्की क्या है, पता है हायरार्की होता है सबसे नीचे होते हैं एम्प्लॉइज, उसके ऊपर आते हैं अपने मैनेजमेंट, उसके ऊपर आते हैं अपने टीसीडब्ल्यूज, तो पहले तो अपने को कंपनी की हायरार्की देखनी है यानी कि मैनेजरियल कंट्रोल का पूरा हायरार्की कैसी है, उसके बाद एग्जामिन करने में को रीजनेबलनेस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव, यानी हर एक सुपीरियर के कितने सबऑर्डिनेट्स है वो मेरे को चेक करना है, अगर तो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अवॉइड नहीं कर पा रहा हूं ना तो प्राइमरी वन मेरे को स्पेसिफाई करनी है, यानी कि पहला प्रेफरेंस तो क्या होना चाहिए कि ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, और अगर तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तो उसमें से प्राइमरी कौन सी वो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, और रिव्यू करो मेरा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है बस इतना ऊपर से पढ़ लो कि चलेगा, ठीक है ये था अपना ओ, और ए आता है अपना रिव्यू ऑफ एकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मेरे को रिव्यू करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना जो कंपनी के लक्ष्य है ना वो क्लियरली स्टेटेड है कि नहीं है और वो प्रिसाइज क्वांटिफाइबल टर्म्स में स्पेसिफाइड है कि नहीं है, यानी कंपनी को ऐसा स्पेसिफाइड बताने कि इस साल मेरे को 50 करोड़ का टर्नओवर करना है एकदम क्वांटिटेटिव टर्म्स में वो स्पेसिफाई होना चाहिए। आईसीसी यूरोवा बस ये मेमोरी टेक्निक याद रख लो, मेन पॉइंट्स याद कर लो बस बहुत है, और अंदर ज्यादा माथा फोड़ी मत करना, जितना याद हो पाए कर लेना। उसके बाद अगला वाला भी चीज है
इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिपेंडेंस इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या लिखा हुआ है पता है, हमारा जो इंटरनल ऑडिटर है वो अंड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, यानी कि वो किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, इंटरफेरेंस किसी का नहीं चाहिए हमको, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए माइंड से भी अपीयरेंस से भी, वो जो है ना ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, हाई इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, अवॉइड करे वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अंड्यू एडवांटेज किसी भी प्रकार का ना ले, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बायसनेस नहीं रखना चाहिए, ठीक है वो एक बार पढ़ लो बाकी कुछ काम का नहीं है, इन शॉर्ट बहुत जबरदस्त होना चाहिए इनका इंटरनल ऑडिटर। उसके बाद क्वालिटीज क्या है इंटरनल ऑडिटर की, तो देखो चार अकाउंटिंग दो मैनेजमेंट, चार अकाउंटिंग दो मैनेजमेंट, चार अकाउंटिंग दो मैनेजमेंट, चार अकाउंटिंग पता है क्या, जो इंटरनल ऑडिटर है ना उसके पास अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, पहला नॉलेज होना चाहिए उसको कॉमर्स का, लॉ का, टैक्स का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, इकोनॉमिक्स का, क्वांटिटेटिव मेथड का और ईडीपी सिस्टम का, दूसरा तो इसमें भी आ गया अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी सिस्टम, नॉलेज ऑफ आईटी कंट्रोल्स, ठीक है, इसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टेली ईआरपी वगैरह वगैरह आना चाहिए। फिर पहला वाला स्पेशल एक्सपर्टीज इसके पास होनी चाहिए टू इवेल्यूएट मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, स्पेशली फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल, तो इसमें भी अकाउंटिंग आ गया, तो चार पॉइंट तो मिल गए अपने अकाउंटिंग वाले, ठीक है। पहला क्या था, अकाउंटिंग फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, फिर अपन ने क्या पढ़ा कि कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉमर्स, टैक्स, लॉ, इन सब की इसको नॉलेज होनी चाहिए, फिर अपन ने क्या पढ़ा अकाउंटिंग वाला कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टेली वगैरह का इसको नॉलेज होना चाहिए और स्पेशल एक्सपर्टीज इसको होनी चाहिए, किसमें सर, स्पेशली फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, तो ये थे अकाउंटिंग वाले चार पॉइंट। उसके बाद थे मैनेजमेंट वाले दो पॉइंट, सर मैनेजमेंट वाले दो पॉइंट पता है कौन से, ये रहे, प्रोवाइड करो एश्योरेंस टू मैनेजमेंट दैट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड, आपको है ना मैनेजमेंट को विश्वास दिलाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, मैं इसको बाहर लीक नहीं करूंगा। अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निक एबिलिटी टू डील विद पीपल, आपने मैनेजमेंट से सीखना है कि लोगों के साथ डील कैसे करना है, लोगों के साथ डील करने की टेक्निक क्या है, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, मैनेजमेंट आपको अच्छी तरीके से सीखना है, मैंने बोला ठीक है। अगला सवाल मेरा आ रहा है परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, इसमें भी मेन हेडिंग्स रिमेंबर करनी, अंदर की लाइन है थोड़ी बहुत मन से लिखोगे, एक दो लाइन इसमें से याद करो चलेगा, ज्यादा माथाफोड़ी करने बैठ मत जाना नहीं तो फिर डेढ़ दिन में आपकी हालत खराब हो जाएगी। परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट इसमें क्या मेमोरी ट्रिक क्या है ना मैं नहीं रख पा रहा हूँ, क्यों, एकदम कॉमन सेंस आपको समझाऊंगा। स्टेप नंबर वन क्या है ना, पहले तो मैं नॉलेज ऑब्टेन करूंगा बिजनेस की एनवायरमेंट की, तो जाहिर सी बात है मैं कहीं भी इंटरनल ऑडिट अगर करने जा रहा हूं तो पहले तो मैं नॉलेज ऑब्टेन करूंगा बिजनेस की एनवायरनमेंट की, उसके बाद मैं क्या करूंगा ऑडिट की प्लानिंग करूंगा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को गैदर करूंगा, ऑडिट चेक करूंगा, यानी कि ऑडिट चेक यानी कि ऑडिट परफॉर्म करूंगा, और एंड में क्या करूंगा रिपोर्टिंग करूंगा। अब इसमें क्या ही मैं आपको मेमोरी टेक्निक बताऊं, एकदम कॉमन सेंस के सबसे जा रहा है, पहले मैं नॉलेज ऑब्टेन करूंगा, उसके बाद ऑडिट की प्लानिंग करूंगा, मैं रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करूंगा, ऑडिट चेक करूंगा यानी कि ऑडिट करूंगा, और फिर एंड में रिपोर्टिंग बना के दे दूंगा, ठीक है। अंदर का देख लो, ऊपर ऊपर से देख लेना, ज्यादा माथाफोड़ी मत करना। पहले मेरे को ऑप्टेन करनी है नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, यानी कि मेरे को मीटिंग करना पड़ेगी स्टेक होल्डर्स के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, केएमपी के साथ, केएमपी यानी कि की मैनेजरियल पर्सनल के साथ। अंडरस्टैंड मेरे को करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में आता है एसओपी, एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी यानी लोगों से मिलकर स्टेक होल्डर्स से मीटिंग करके या तो फिर डॉक्यूमेंट्स पढ़ के मेरे को नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सब लेनी पड़ेगी, ठीक है। हो गया पहला पॉइंट स्टेप वन। उसके बाद स्टेप टू में मेरे को क्या करना है, ऑडिट प्लानिंग करनी, यानी कि प्लान करना पड़ेगा मेरे को ऑडिट एंगेजमेंट। उसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट सीआर 310, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, अंदर याद नहीं रखोगे सीआर 310 का नाम तो चलेगा, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए पहले मेरे को क्या चाहिएगा, सीआर 310, सीआर यानी कि स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 310। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर है ना शेयर करेगा ऑडिट प्लान किसके साथ, केएमपी के साथ, ठीक है। उसके बाद देखो शेयर करेगा प्लान केएमपी के साथ और प्लान कर लेगा एडवांस में शेड्यूल ऑफ इंटरनल ऑडिट, यानी कि आज मेरे को ये इंटरनल ऑडिट करना है, आज मेरे को ये करना पड़ेगा, शेड्यूल प्लान कर लेगा, ठीक है। बस ये दो पॉइंट अपन ने याद रख लिए, बहुत है। उसके बाद गैदर करना है आप लोगों को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑप्टेन करना है आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, और उस इन्फॉर्मेशन की करेक्टनेस चेक करनी है कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी सच्ची कितनी झूठी है, ठीक है। और प्लानिंग करना है मेरे को और एडवांस इंटीमेशन करना है इंटरिम इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरिम इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर लेना। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम इन्फॉर्मेशन, जो पूरे साल की इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो इंटरिम इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। परफॉर्म करना है फिर उसको ऑडिट चेक, ऑडिट चेक यानी कि उसको चेक वर्क करना है, ठीक है। इसमें कुछ सिया ध्यान में लेना है, सर कौन सी सिया ध्यान में लेना है, तो मैंने बोला सिया 6, सिया 5, सिया 320, सिया 350, सिया 330, बस आपको ये नंबर याद हो जाए ना तो ठीक है। अंदर का लाइन मतलब अंदर के इसके नाम वाम याद मत करने बैठना, हालत खराब हो जाएगी, ऐसे के नाम तो इधर याद हो रहे नहीं है, सिया के नाम कहाँ से याद होंगे, बस ये खाली सिया 5, 6, सिया 320, सिया 350 जितना याद है ना उधर लिख देना, ज्यादा माथाफोड़ी इसमें करना मत। एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए कौन सा होता है, तो मैं का सिया 6, सैम्पलिंग के लिए कौन सा होता है, तो मैं का सिया 5, ठीक है। इंटरनल ऑडिट एविडेंस के लिए कौन सा होता है, तो मैं का सिया 320, सिया 350 होता है, फिर सिया 330 क्या होता है, इंटरनल ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। नंबर नंबर ऊपर ऊपर से जितने याद है कर लेना, बाकी जाए भाड़ में। और एंड में आती है अपनी रिपोर्टिंग, तो पहले तो बनती है एक ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज, ठीक है। ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद क्या होता है ना, मैनेजमेंट एक्शन प्लान एग्रीड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, ड्राफ्ट अपनी रिपोर्ट बनती है ना, उसके बाद एक मैनेजमेंट का एक्शन प्लान बनता है, उसके बाद क्या बोलना रिव्यू करता है मैनेजमेंट उस एक्शन प्लान को, और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट सर्कुलेट होती है, ठीक है। ऊपर ऊपर से दिखा देने का, लिख देने का अंदर के, ड्राफ्ट रिपोर्ट बनती है, फिर मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनता है, फिर फाइनल रिपोर्ट बनती है, ऐसा अंदर से ज्यादा डीप में नहीं लिखोगे तो चलेगा, ऊपर ऊपर से लिख के खत्म कर देना, ठीक है।
जितना अपनी दिमाग की कैपेसिटी उतना लिखने का। अगला आता है बात इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। एक बात समझो सर, इफ इंटरनल ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया ना कोई भी फ्रॉड, फिर चाहे वो एक्चुअल फ्रॉड हो या वो सस्पेक्टेड फ्रॉड हो, एक्चुअल यानी कि सच में हुआ है, सस्पेक्टेड यानी कि मेरा तुक्का है, मेरे को शक है, या तो फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कोई हुआ ना, तो इमीडिएटली इंटरनल ऑडिटर किसको जाकर रिपोर्ट करेगा? मैनेजमेंट को जाकर रिपोर्ट करेगा। इंटरनल ऑडिटर किसको जाकर रिपोर्ट करेगा? मैनेजमेंट को जाकर रिपोर्ट करेगा। क्यों जाकर रिपोर्ट करेगा? क्योंकि क्या आइडेंटिफाई हुआ है मेरे को? फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है, कुछ चोरी आइडेंटिफाई मेरे को हुई है, ठीक है, मैंने बोला हाँ। अब देखो सिया 370 ऐसा बोल रहा है कि दो स्टेजेस में जो है ना अपनी रिपोर्टिंग होती है, पहली जो होती है ना एट द एंड ऑफ असाइनमेंट होती है, और दूसरी जो होती है ना बीच बीच में पीरियोडिकली होती है। लेकिन सिया 370 डील्स विद इंटरनल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू ओनली फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट, यानी कि सिया 370 में जो इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है ना, वो खाली और खाली फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट के लिए ही बताई गई है, ठीक है, मैंने बोला हाँ। एट एंड ऑफ असाइनमेंट जो बनती है ना, उसमें इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो होती है ना, उसमें क्या क्या कवर होता है? तो मैंने बोला एरिया कवर होता है, यानी क्या क्या काम मैंने किए। फंक्शन प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर, हाइलाइटिंग की ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी ये जो फर्स्ट वाली रिपोर्ट होती है ना, फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट जो कि एट द एंड ऑफ असाइनमेंट बनती है, वो मैं ऑडिटी को इश्यू करता हूँ, ऑडिटी यानी कि एंटिटी जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, और कॉपी में शेयर करता हूँ लोकल एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के साथ। लोकल एग्जीक्यूटिव ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस मैनेजमेंट के साथ कॉपी शेयर करता हूँ, ऐसा समझ लो। इन शॉर्ट जो पहला वाला जो होता है ना असाइनमेंट, यानी पहला वाला जो रिपोर्ट होती है ना एट द एंड ऑफ असाइनमेंट में जाती है, उसमें मैं एरिया बताता हूँ कि ये एरिया में मैंने इंटरनल ऑडिट किया, फंक्शंस बताता हूँ कि ये फंक्शंस यानी ये काम मैं कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा मैं उसमें काम बताता हूँ अपना, और इश्यू मैं करता हूँ ऑडिटी को, ऑडिटी यानी कि एंटिटी जिसका मैं करने गया हूँ ऑडिट, और कॉपी मैं शेयर करता हूँ मैनेजमेंट के साथ में, मैंने बोला ठीक है सर समझ गए। दूसरा प्रकार का जो रिपोर्ट होता है वो पीरियडिकली जाता है एट द क्लोज ऑफ प्लान पीरियड, मान लो क्वार्टरली, पहला वाला तो साल के एंड में जा रहा था ना, दूसरा वाला जाता है क्वार्टरली, ऐसा मान लो, या मंथली भी जा सकता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज कवरिंग एंटिटी एंड प्लान पीरियड प्रिपेयर्ड बाय चीफ इंटरनल ऑडिटर और एंगेजमेंट पार्टनर इन केस ऑफ एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ये कौन बना सकता है? तो मैंने बोला कि या तो चीफ इंटरनल ऑडिटर बना लेगा या एंगेजमेंट पार्टनर, जो मेन पार्टनर होता है ना, यानी चीफ वाले लोग बनाते हैं, बड़े वाले लोग, चीफ इंटरनल ऑडिटर यानी कि मेन वाला इंटरनल ऑडिटर या एंगेजमेंट पार्टनर इसको बनाता है। रिपोर्टिंग नॉर्मली इसमें क्वार्टरली होती है, और सबमिट मैं कर देता हूँ किसको सर? ऑडिट कमेटी को मैं ये वाली रिपोर्ट सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, बस इतना इसमें इतना याद रखना, ठीक है। पहले वाले में आपको क्या याद रखना है, पहले वाली जो रिपोर्ट होती है वो एट द एंड ऑफ असाइनमेंट बनती है, दूसरी वाली जो होती है पीरियडिकली बनती है, जनरली क्वार्टरली बनती है। पहले वाले में देखो क्या याद रखना है, इसमें एरिया फंक्शन सब दिए होंगे, ऑडिटी को इश्यू करूंगा और मैनेजमेंट के साथ में कॉपी को शेयर करूंगा, लेकिन दूसरे वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, मेन वाले लोग बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेन वाले लोग? चीफ इंटरनल ऑडिटर या तो फिर एंगेजमेंट पार्टनर बनाता है, और ये किसको सबमिट किया जाता है? ऑडिट कमेटी को सबमिट किया जाता है, क्वार्टरली बनता है, ठीक है, इतना याद रख लो। और सीआर 370 किसके बारे में बात कर रहा है? तो मैंने बोला खाली और खाली फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट के बारे में बात करता है इंटरनल ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट की बताता है, लेकिन अंदर स्पेसिफाई दोनों कर रखा है, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या है इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट में? देखो सर, प्रोफेशन, सीए क्या है? एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन नहीं है, सीए प्रोफेशन है, लेकिन ये क्या है ना, प्रोफेशन के उससे मैं आपको याद रखना हूँ, पी आर को एक मिनट के लिए भूल जाओ, ओ एफ ई एस एन, ठीक है, देखो स्टार्टिंग के बड़े ओ एफ ई एस एन, प्रोफेशन, समझ रहे हो मैंने बोला, पी आर, पी आर को भूल जाओ, ओ एफ ई एस एन, प्रोफेशन, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। पी आर मैंने आपको ऐसे ही याद करवाया, पी आर का कुछ मेमोरी टेक्निक बनी है, लेकिन ऑपरेशन के लिए, ठीक है, ऑपरेशन के लिए मैंने क्या याद करवाया आपको, प्रोफेशन। तो एलिमेंट क्या है ना इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट में, पहला ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड अप्रोच ऑफ असाइनमेंट, यानी सबसे पहले तो मैं ब्रॉड एरिया की बात करूंगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, वो आएगा सबसे पहले इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट में, सबसे पहले वो बात आएगी, ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, स्कोप क्या है, दायरा क्या है। फिर फैक्ट के इंटरनल ऑडिट जो है ना वो सीआर के हिसाब से हुआ है, जैसे कि अपने ऊपर पढ़ा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्पेसिफिक टू स्कोप ऑफ असाइनमेंट, यानी कि समरी होगी, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया ना उसका पूरा समरी बना के देना। फिर समरी ऑफ करेक्टिव एक्शन फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, आपने क्या क्या करेक्टिव एक्शन दिए, मान लो ये चीज खराब थी तो फिर मैंने ये कर दिया, ये चीज खराब थी तो चलो मैंने ये कर दिया। और उसके बाद नेचर ऑफ एश्योरेंस डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, क्या मेरे को एश्योरेंस मिला, जाहिर सी बात है इसमें भी अपने को रीजनेबल एश्योरेंस ही मिलता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस इसमें भी अपने को नहीं मिलता है। उसके बाद एक बात ध्यान समझ लेना, क्या लिखा हुआ है, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट कौन डिसाइड करेगा? इंटरनल ऑडिटर डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन जजमेंट, वो तो जाहिर सी बात है इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट तो इंटरनल ऑडिटर ही डिसाइड करेगा ना, इन कंसल्टेशन विद ऑडिटी, यानी कि जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूं उसके साथ कंसल्ट करके मैं डिसाइड करूंगा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इन फाइनल फॉर्म अनलेस रिटर्न ड्राफ्ट प्रीवियसली शेयर्ड विद ऑडिटी। क्या लिखा हुआ है, नो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इन फाइनल फॉर्म अनलेस रिटर्न ड्राफ्ट प्रीवियसली शेयर्ड विद ऑडिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑडिट करने गया हूँ पहले उसके साथ ड्राफ्ट शेयर करता हूँ, उसके बाद ही मैं फाइनल रिपोर्ट देता हूँ, डायरेक्टली फाइनल रिपोर्ट नहीं दे देता हूँ, यानी पहले उसके साथ रफ कॉपी शेयर करता हूँ, उसके बाद ही मैं फाइनलाइजेशन करता हूँ। टिपिकल ऑडिट रिपोर्ट में ना क्या आएगा पता है, एस पी एस एस डी। सर व्हाट डू मीन बाय एस पी एस एस डी? ऑडिट का स्कोप, ऑडिट का पीरियड, ऑडिट का स्कोप एस, पीरियड समरी एस,
एस डी। चलो ऑडिट का स्कोप, ऑडिट का पीरियड, एग्जीक्यूटिव समरी, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स और डिटेल्ड ऑडिट फाइंडिंग, ठीक है। टिपिकल ऑडिट रिपोर्ट में ये चीजें आएंगी, क्या बोल रहा हूँ वापस सुनो। एस पी एस एस डी, वॉट डू मीन बाई एस पी एस एस डी? ऑडिट का स्कोप, ऑडिट का पीरियड, एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स और डिटेल ऑडिट फाइंडिंग, ये चीजें आएगी। अगर तो एश्योरेंस की बात चल रही होगी तो सीआर 380 भी आ जाएगा, जो कि एश्योरेंस रिपोर्ट्स के बारे में डील कर रहा है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन दो प्रकार की होगी, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। पहली डॉक्यूमेंटेशन होगी कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट क्रॉस रेफरेंस टू ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन भी एक बार चेक कर लेना, जो आपने ऑब्जर्वेशन किए थे ना उसके हिसाब से रिपोर्ट है कि नहीं। तो पहले तो क्या होगी डॉक्यूमेंटेशन में, कॉपी ड्राफ्ट और फाइनल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की, और उसके बाद होगा मैनेजमेंट एक्शन प्लान, जो कि किसने साइन किया होगा? मैंने बोला मैनेजमेंट के पर्सनल ने साइन किया होगा, तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट का एक्शन प्लान मैनेजमेंट का पर्सनल साइन करेगा ना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है फॉलो अप की बातें, पढ़ लो एक दो बार ऊपर ऊपर से, ज्यादा माथाफोड़ी मत करना। एक होता है सिया 390, जिसमें प्रायर ऑडिट इश्यूज की बात चलती है। सिया 390 का नाम क्या है ना, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज। तो प्रायर ऑडिट इश्यूज की इसमें बात चलती है, तो उसमें पता है क्या बोला गया है कि जो सिया है ना हमारा, सिया यानी कि चीफ इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग क्लोजर ऑफ सच इशूज बाय एक्शन प्लान, यानी कि जो प्रायर ऑडिट इशूज है ना उसको देखरेख करने की जिम्मेदारी, उसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी किसकी है? पता है चीफ इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है। चीफ इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, देखरेख करे, वो मॉनिटरिंग करे किसकी? तो मैंने बोला प्रायर ऑडिट इशूज की, जो पिछले साल के इशूज थे ना उसके बारे में बात है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट एक्शन प्लान इज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है ना एक्शन प्लान वो लेगा। अभी डॉक्यूमेंटेशन में ऊपर तो पढ़ा भी अपन ने मैनेजमेंट एक्शन प्लान, जाहिर सी बात है हमेशा एक्शन प्लान कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। ऑडिटर तो आके खाली और खाली क्या करता है, ऑडिट करता है। अब रिकमेंडेशन का खेल देखना, मैंने क्या बोला चीफ इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है प्रायर ऑडिट इश्यूज को चेक करना। अब रिकमेंडेशन का खेल देखना, इंटरनल ऑडिटर जो है ना हमारा रिव्यू करेगा, ठीक है, और वो कुछ रिकमेंडेशन देगा हमारा इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर रिव्यू इफ फॉलो अप बाय मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। मेरी बात ध्यान से समझना, इंटरनल ऑडिटर गया उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए, ठीक है, अब इंटरनल ऑडिटर ने फॉलो अप किया, ठीक है, इफ नो एक्शन टेकन इन रीजनेबल टाइम, बात समझो इंटरनल ऑडिटर ने क्या किया, रिव्यू किया, इफ फॉलो अप बाय मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। मैंने क्या बोला, मैं इंटरनल ऑडिटर हूं, मैंने मैनेजमेंट को बोला कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट तू है ना फॉलो अप ले ले, ठीक है, तू क्या कर, तू फॉलो अप ले ले, और इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, कुछ रिकमेंडेशन देगा। अगर तो एक्शन नहीं लिया गया मैनेजमेंट के द्वारा रीजनेबल टाइम में, तो मैं क्या करूंगा ना, मैनेजमेंट को बोलूंगा, यानी कि ड्रॉ करूंगा मैनेजमेंट का अटेंशन, यानी मैनेजमेंट को मैंने बोला था मैनेजमेंट मैनेजमेंट तू फॉलो अप कर ले। इंटरनल ऑडिटर ने क्या बोला था मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट मैनेजमेंट तू फॉलो अप कर ले, लेकिन है ना कोई एक्शन नहीं लिया गया मैनेजमेंट के द्वारा, तो मैं ड्रॉ करूंगा मैनेजमेंट का अटेंशन, मैं मैनेजमेंट को दिन में से जगाऊंगा अगर तो मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं करे ना मेरे रिकमेंडेशन, इंटरनल ऑडिटर के रिकमेंडेशन। तो इंटरनल ऑडिटर ने रीजन पता करेगा कि साला ये मैनेजमेंट क्यों रिकमेंडेशन को मेरे नहीं अपना रही है। लेकिन मान लो अगर तो मैनेजमेंट ने मेरे रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो इंटरनल ऑडिटर ना पीरियोडिकली रिव्यू करेगा, हर थोड़े थोड़े टाइम में देखेगा मैनर और एक्सटेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन कैसा है, यानी कि किस तरीके से मेरे इंप्लीमेंटेशन करा जा रहा है मेरे रिकमेंडेशन का, और रिपोर्ट टू मैनेजमेंट विच रिकमेंडेशन नॉट इंप्लीमेंटेड फुल्ली और पार्टली, यानी कि वो बताएगा आपने ये वाला रिकमेंडेशन अच्छे से अभी इंप्लीमेंट नहीं करा है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को, मैं हूं इंटरनल ऑडिटर, मैंने क्या बोला मैनेजमेंट को कि तू क्या कर, तू फॉलो अप कर। अभी अगर वो लोग फॉलो अप नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं मैनेजमेंट का अटेंशन ड्रॉ करूंगा, उनको मैं बोलूंगा। अगर वो लोग रिकमेंडेशन नहीं मान रहे हैं ना मेरी, तो मैं रीजंस पता करूंगा कि साले ये लोग क्यों नहीं मान रहे। मान रहे हैं तो अच्छी बात है, तो भी मैं पीरियोडिकली जाकर चेक करूंगा कि एक्सटेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या है, कितना अच्छी तरीके से मान रहे हैं, और वो जो रिकमेंडेशन नहीं मान रहे हैं तो मैं देखूंगा कौन से नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे, फुल्ली मान रहे, पार्टली मान रहे, वो सब करूंगा मैं। इन शॉर्ट रिकमेंडेशन का खेल इधर खेला जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपका आएगा रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ध्यान से समझो, ओवरलैप बियरिंग कौआ एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर, ओवरलैप बियरिंग कौआ एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर, ओवरलैप बियरिंग कौआ एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर। देखो सर क्या लिखा हुआ है, पहला ओवरलैप, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है ना वो किस पर डिपेंड करता है, पता है, साइज ऑफ एंटिटी। जाहिर सी बात है रिलायंस का और मुकेश किराना स्टोर का, दोनों का साइज अलग अलग है ना, तो स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट उस तरीके से वेरी करेंगे। उधर बड़े इंटरनल ऑडिट की जरूरत है, इधर छोटे इंटरनल ऑडिट की जरूरत है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी, स्ट्रक्चर यानी कि हायरार्की होता है कि जो होता है ना एक के ऊपर एक, कौन है कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो। एंड मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर एरियाज लाइक रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इंटरनल ऑडिटर है ना, इंटरनल ऑडिटर वो है ना अकाउंटिंग सिस्टम भी चेक करता है, और अकाउंटिंग सिस्टम चेक करना तो किसकी जिम्मेदारी है, एक्सटर्नल ऑडिटर की जिम्मेदारी है। जो हमारा इंटरनल ऑडिटर ना, वो आपने ऊपर देखा होगा, मैंने आपको नहीं पढ़ा था पहला क्वेश्चन जिसमें एफआर ऑडिट लॉ वो सारी बातें थी, तो वो फाइनेंशियल चीजों का भी एग्जामिनेशन करता है। ये फाइनेंशियल चीजें करना तो किसकी जिम्मेदारी है, एक्सटर्नल ऑडिटर की जिम्मेदारी है, यानी कि दोनों के काम है ना मिक्स हो रहे हैं। देयर इज ओवरलैप बिटवीन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, समझ रहे हो। तो पहला पॉइंट क्या है ना, ओवरलैप है, दोनों के काम मिक्स हो रहे हैं। अगला क्या है ना, बियरिंग, बियरिंग का मतलब पता है क्या है,
वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर हैज इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन वर्क ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यानी कि जो इंटरनल ऑडिटर है ना वो इंपॉर्टेंट बियरिंग कर रहे हैं, यानी कि इंपैक्ट डाल रहा है किसके काम पे, तो मैंने बोला एक्सटर्नल ऑडिटर के काम पे, उसको मैं बोलता हूँ बियरिंग। यानी इंटरनल ऑडिटर का काम इंपैक्ट डाल रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर पे। उसके बाद सेक्शन 138 ऑफ कौवा, कौवा यानी कि कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है पता है, ऑडिट कमेटी या तो फिर बोर्ड इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर क्या नक्की करेंगे, स्कोप, फंक्शनिंग, मेथड, पीरियड ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, यानी कि कंपनीज एक्ट में डिसाइड किया जाएगा स्कोप क्या है, फंक्शनिंग क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, पीरियड क्या है इंटरनल ऑडिट का, वो सारी बातें नक्की की जाएगी। उसके बाद ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों, तीन पॉइंट, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या एग्जामिन करेगा पता है, स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। पता है ऐसे 610 में एक्सटर्नल ऑडिटर क्या दिखता है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर स्कोप चेक करता है, इफेक्टिवनेस चेक करता है। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितना इफेक्टिव है या नहीं है वो कैसे पता चलता है, तुमको देखना पड़ता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यानी इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर तो इंडिपेंडेंट है ना इंटरनल ऑडिटर तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो ऑडिट की इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आखिरी का पॉइंट क्या है ना, एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्यूएट करता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू डिटरमाइन एनटी ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यानी एक्सटर्नल ऑडिटर देखता है कि इंटरनल ऑडिट का फंक्शन कैसा है, इंटरनल ऑडिटर कैसा है, अगर उसको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर निकालना होता है तो। ठीक है, मैंने बोला हाँ सर कौन से पॉइंट है, ओवरलैप बियरिंग कौआ, ओवरलैप बियरिंग कौआ, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है सर, ओवरलैप का मतलब दोनों के बीच में क्या होता है, ओवरलैप होता है, क्योंकि फाइनेंशियल का काम एक्सटर्नल ऑडिटर भी करता है, इंटरनल ऑडिटर भी करता है। बियरिंग यानी कि वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का इंपैक्ट पड़ता है किस पे, ऑन द वर्क ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। फिर कौआ यानी कि सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है, ऑडिट कमेटी और बोर्ड है ना मिलकर नक्की करेंगे स्कोप, फंक्शनिंग, मेथड, पीरियड ऑफ इंटरनल ऑडिट। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर जो है ना एग्जामिन करता है इंटरनल ऑडिटर के काम को, ऐसे 610 में। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर से पता चलता है ऑडिट कितना इफेक्टिव है वो इंटरनल ऑडिटर। और तीसरा क्या है ना, एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्यूएट करता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को ताकि वो एनटी ऑफ अपना प्रोसीजर्स पता कर पाए। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, इसका मेमोरी टेक्निक है पसूरी। देखो पी फॉर परफॉर्म्ड बाय, फिर ए फॉर अपॉइंटमेंट, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, फिर एस फॉर स्टेटस, यू फॉर यूजर्स, आर फॉर रिपोर्टिंग, ई फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, इंटरनल ऑडिट कौन परफॉर्म करता है, तो मैंने बोला इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एक्सटर्नल बॉडी भी हो सकता है। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कैन और कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है इंटरनल ऑडिटर। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से स्टैट्यूटरी ऑडिटर मंगाता हूँ। फिर स्टेटस ऑफ ऑडिटर, इधर वो एम्प्लॉय हो सकता है, इधर वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता। अपॉइंटमेंट, तो मैंने बोला इधर इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है पता है, ऑडिट कमेटी या बोर्ड, लेकिन इधर तो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। यूजर्स, तो यहाँ के यूजर्स कौन है, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट कौन पढ़ता है, टॉप मैनेजमेंट पढ़ते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे स्टेक होल्डर्स पड़ते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट वगैरह होते हैं, उन सब के लिए बनाई जाती है। एग्जामिनेशन, तो मैंने बोला इंटरनल ऑडिटर है ना एग्जामिन करता है एडिक्वेसी ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल, यानी इंटरनल ऑडिटर क्या देखता है, कंट्रोल वगैरह बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर क्या देखता है ना, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही लेना देना है, उसको भाड़ में क्या कंट्रोल, एक्सटर्नल ऑडिटर बोलेगा मेरे को कंट्रोल से क्या लेना देना। फिर पीरियड, तो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना, अभी इंटरनल ऑडिटर ना कंटिन्यूसली होता है पूरे साल में, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर तो वंस इन अ ईयर होता है, पता है आपको 31 मार्च को होता है जो अपना एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, वो वंस इन अ ईयर होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट तो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर होता ही रहता है। रिपोर्टिंग की बात करूं तो जो हमारी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट है ना वो इंटरनल कंट्रोल के वीकनेस बताती है, इफेक्टिवनेस बताती है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज के बारे में बात करती है, जो भी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज होती है। लेकिन जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट है ना वो ट्रुथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करती है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा और किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। अब आता है अगला पॉइंट, ऑडिट ट्रेल या एडिट लॉग, क्या मतलब है ना, विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस टू ट्रेस इन्फॉर्मेशन इन रिपोर्ट बैक टू ओरिजिनल इनपुट सोर्स। यानी मेरे को देखना पड़ता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका जन्म कहां से हुआ था, उसका सोर्स क्या है, वो मेरे को चेक करना पड़ता है। ठीक है, इट इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस टू डेटा, तो डेटा में क्या क्या चेंजेस है ना वो सारी बातें होती है अपने ऑडिट ट्रेल में, या जिसको मैं बोलता हूँ एडिट लॉग में, यानी कि न्यू डेटा आया कि नहीं आया, पुराने डेटा में कुछ अपडेशन हुआ कि नहीं हुआ, डिलीट हुआ कि नहीं हुआ डेटा, ऐसे डेटा के चेंजेस के बारे में बात चलती है। इसमें मैं तीन तरह के चीजें मेंटेन करता हूँ, पहला कब चेंज हुए, यानी कि डेट और टाइम, जब चेंजेस हुए ना मेरे डेटा में, मेरे ऑडिट ट्रेल में, तो कब कब हुआ, तो डेट टाइम क्या था उसका, किसने किए, उसका यूजर आईडी क्या था, और क्या डेटा चेंज हुआ, डेटा एंड ट्रांजेक्शन का कुछ रेफरेंस नंबर होगा, मेरे को पता चलना चाहिए क्या डेटा चेंज हुआ। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंटरनल कंट्रोल या आईटी कंट्रोल आप कौन से इंप्लीमेंट करोगे, तो देखो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, सीबीएसई। अब ई क्या है ना, ई फॉर एडिट लॉग, ये कौन सा क्वेश्चन है, एडिट लॉग का क्वेश्चन है, तो देखो सीबीएस डिसेबल्ड, डिसेबल्ड सीबीएसई जो स्कूल होता है ना, सीबीएसई स्कूल, तो बस वही ई क्यों लिया मैंने, तो मैंने बोला एडिट लॉक का ही। ठीक है, क्या है ना, देखो मेमोरी टेक्निक सी बी एस डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, तो पहला क्या है ना, देखो क्या मेरे को कंट्रोल लगाना है, ऑडिट ट्रेल आप बोल सकते हो पूरा का पूरा, जैसे टेली सॉफ्टवेयर होता है ना आप उसको बोल सकते हो ऑडिट ट्रेल, मेरे को पता चलना चाहिए, जैसे टेली यूज होता है एक्सटर्नल ऑडिट के लिए, तो वैसे इंटरनल ऑडिट के भी कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके बारे में बात चल रही है। ऑडिट ट्रेल यानी मेरे को वो ट्रांजेक्शन का सोर्स पता लगाना है, वो डेटा का सोर्स मेरे को पता लगाना है। तो देखो पहला क्या कंट्रोल मेरे को लगाना है,
दो है डिसेबल्ड वाले पॉइंट, यानी कि कंट्रोल टू एंश्योर के ऑडिट ट्रेल फीचर नॉट डिसेबल्ड, ये अपने को देखना है कि वो फीचर है ना किसने डिसेबल ना कर दिया, वो फीचर चालू रहना चाहिए, डिसेबल नहीं होना चाहिए। कंट्रोल टू एंश्योर एक्सेस टू ऑडिट ट्रेल डिसेबल्ड एंड एक्सेस लॉग मेंटेन, मेरे को ये देखना है लॉग मेंटेन है कि नहीं, लॉग यानी कि रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं, और एक्सेस टू ऑडिट ट्रेल डिसेबल्ड यानी कि कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए, एक्सेस डिसेबल्ड है। आप दोनों के बीच का डिफरेंस समझो, जो पहला पॉइंट है वो बोल रहा है कि ऑडिट ट्रेल का फीचर डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑडिट ट्रेल का फीचर चलते रहना चाहिए, किसने उसको डिसेबल ना कर दिया हो। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सेस डिसेबल कर दो, ठीक है, क्या देखना है मेरे को कि एक्सेस जो है ना वो डिसेबल्ड है, यानी कि कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, यानी कि ऑडिट ट्रेल का फीचर डिसेबल नहीं होना चाहिए, वो तो चलता रहना चाहिए, लेकिन उसका एक्सेस डिसेबल हो जाना चाहिए, कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, खाली बड़े वाले लोग ही उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। फिर कहते हैं सीबीएस, सीबीएस का मतलब पता है क्या है, कंट्रोल्स टू एंश्योर चेंजेस टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल इज ऑथोराइज एंड लॉग मेंटेन, यानी किसी को भी कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं ना तो वो कोई ऑथोराइज बंदा होना चाहिए जिसका लॉग यानी कि रजिस्टर अपने मेंटेन करके रखा हो, ऐसा नहीं कि कोई भी आके चेंज करके चला जाए। फिर बी फॉर पीरियोडिक, अपने को बैकअप लेना है ऑडिट ट्रेल का, ठीक है, और आर्चिव करना है उसको, ठीक है, यानी कि संभाल के रखना है बैकअप वगैरह लेके, ठीक है। सी बी और एस क्या है पता है, शेयर नहीं करना है, क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल्स टू एंश्योर यूजर आईडी गिवन टू ईच इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का यूनिक एक यूजर आईडी होगा और वो यूजर आईडी किसी को भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, वो आपका यूनिक यूजर आईडी होगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट में डेट एवल डेफिनेट डिस्कोर 70 प्लस इन ऑडिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए चैंपियंस।